हाय एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जगाती हूँ और आज के इस वीडियो में हम क्विकली रिवाइज करेंगे पूरा का पूरा एंटायरली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर। कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज कराऊंगा, साथ साथ में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर इसी वीडियो में हम रिवाइज कर लेंगे। ये वीडियो अराउंड 2.5 आवर्स समथिंग का ये वीडियो होगा, जहाँ पर सभी चीजें हम कवर करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी, आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि मैं क्विकली रिवाइज करूंगा सभी चीजों को। डिटेल्ड रिविजन वीडियो भी हमने 7 आवर्स का अराउंड ऑलरेडी हमने डाला हुआ है, जहाँ पर हमने डिटेल्ड में रिवाइज करवाया था, बट ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है एंड जिससे आपको एग्जाम से पहले आपको ये मदद मिलेगा एंड आपका फटाफट से क्विकली रिवाइज हो जाएगा एंड इसके जो नोट्स रहेंगे वो टेलीग्राम में शेयर कर दिए जाएंगे। तो चलिए अब हम बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो का रिवीजन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते हैं, कैसे हम वेरियंस निकालते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, वो हम देखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आपको पिछले 5 ईयर्स का डेटा दिया हुआ है, पिछले 5 ईयर्स का रिटर्न्स बता दिया, एक्चुअल रिटर्न्स क्या हुआ हुआ है। तो हम क्या करते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस में हम फ्यूचर रिटर्न्स को फोरकास्ट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम करेंगे, पिछले 5 सालों में जो अपने रिटर्न्स कमाए हैं, अभी एक्सपेक्टेशन रखो कि आगे भी वही होगा, यानी आगे नेक्स्ट ईयर 12% भी हो सकता है, 13% भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12.5 भी हो सकता है, 11.5 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनका एवरेज ले लेते हैं। एवरेज, सिंपल एवरेज अगर आप करोगे, अगर कोई प्रोबेबिलिटी दी हुई नहीं तो सिंपल एवरेज आप कैसे करोगे, टोटल डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ इयर्स, यहाँ पर 5 ईयर्स है तो टोटल डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, हमारा 12% आ गया। ये हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यानी सबको प्लस किया डिवाइड बाई 5, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% हो गया। बट आप बताओ, अब ये तो रिटर्न हमने देख लिया, पर इसमें रिस्क भी है। क्यों रिस्क है, क्योंकि ये 12% जरूरी नहीं होगा, होने का तो 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12.5, 11.5 कुछ भी हो सकता है। हमने इसी से एवरेज एक 12 लिया, पर रियलिटी में ये नहीं होगा, होने का इनमें से कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर रिस्क है, रिस्क मतलब क्या, जो फ्लक्चुएशन हो सकता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हर जगह 12 लिखा हुआ रहता, मतलब पिछले 5 सालों में कॉन्स्टेंटली अगर 12 होता तो भी आपका 12% रिटर्न ही आता, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में 12 12 12 ही हुआ है। और अगर आप फिर अब गैप निकालोगे x माइनस x बार, हर बारी 0 ही आएगा और आपका वेरियंस और एसडी भी 0 ही आएगा। बट यहां पर ऐसा नहीं, कुछ सालों में 13 भी हुआ है, कभी 11 भी हुआ है, बट कुछ खास ज्यादा गैप नहीं। अगर आप देखोगे सभी क्लोज टू 12 हुए, 13 मतलब सिर्फ 1% का फर्क है, 11 में भी 1% का फर्क है 12 से, 12.5 में 0.5% का फर्क है, 11.5 में भी 0.5% का फर्क है, तो कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं, तो रिस्क यहाँ पर बहुत कम आएगा। तो हम क्या करेंगे, x माइनस x बार करेंगे, यानी 12% अगर हो गया तो कितना रिस्क है, 0, 13 अगर हो गया तो 1% का रिस्क है, 13 माइनस 12, 11 माइनस 12 माइनस 1, 12.5 माइनस 12.5, 11.5 माइनस 12 माइनस 0.5, यानी x माइनस x बार कर लो आप। और फिर ये x माइनस x बार को हम x माइनस x बार होल स्क्वायर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव भी है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही रिस्क माना जाता है, तो बेहतर है नेगेटिव को हटाने के लिए अब इसे स्क्वायर कर दो। तो हमने x माइनस x बार स्क्वायर कर दिया, 1 × 1 1 ही होगा, माइनस 1 × -1 1 ही होगा, 0.5 × 0.5 0.25, माइनस 0.5 × -0.5 0.25 होगा। आपका वेरियंस अल्टीमेटली क्या आएगा, ये 5 इंडिविजुअल वेरियंस है, जैसे 5 इंडिविजुअल रिटर्न से आपने एवरेज रिटर्न निकाला, ठीक वैसे 5 इंडिविजुअल वेरियंस से आप एवरेज वेरियंस निकालो। तो वही टोटल करो डिवाइडेड बाय 5, या फिर सभी में 0.20 का वेट दे, तो बाकी एक ही है बात, यानी सिंपल एवरेज हम कर देंगे, टोटल डिवाइड बाय 5 करेंगे, हमारा 0.5% स्क्वायर का वेरियंस है। तो देखो कितना कम आया, जस्ट 0.5% स्क्वायर का। और अगर हम एसडी करेंगे तो एसडी मतलब स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ले आते, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में, तो एसडी कैसे निकलेगा, रूट कर दो वेरियंस को, रूट कर दो आपका एसडी आ जाएगा, तो 0.707% ही आपका एसडी आया यहाँ पर। बट अगर आप एक और डेटा देखोगे, मान लो रिलायंस का पिछले 5 सालों का रिटर्न ही होता, कभी 16, कभी 2, कभी 28, कभी 4, कभी 10, ये वीरेंद्र सेवाग जैसा बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, कभी तो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, कभी बहुत खराब परफॉर्मेंस। तो इसका भी अगर आप टोटल डिवाइड बाय 5 करोगे 12% ही आएगा, जैसे यहाँ पर आया था, बट यहाँ पर गैप ज्यादा नहीं था, स्प्रेड ज्यादा नहीं था, यहाँ पर क्लोज टू 12 भी था, इसलिए रिस्क कम आया। बट अगर आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर गैप्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो देखिए यहाँ पर रिस्क भी ज्यादा आएगा। तो वही x बार है, अब x माइनस x बार किया हमने, 16 माइनस 12, 2 माइनस 12, 28 माइनस 12, x माइनस x बार करके x माइनस x बार होल स्क्वायर कर दिया हमने, फिर टोटल डिवाइड बाय 5 किया तो वेरियंस आया आपका, वेरियंस देखो 88 है और एसडी 9.38% आया, जो
जो यहाँ पर एसडी आपका 0.707 है, यहाँ पर एसडी आपका 9.38% है। तो देखो दोनों में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न तो 12% ही आया, पर यहाँ पर एसडी आपका ओनली 0.7 आया, तो यहाँ पर आपका एसडी 9.38% आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पर आपको निकालना सिखाया पिछले रिटर्न से हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, फिर आप वेरियंस निकालोगे, वेरियंस का एवरेज करके एवरेज वेरियंस आ गया, इसी को रूट कर देंगे, एसडी आ जाएगा। ये हमने देखा। अब यहाँ पर ये लिख दिया मैंने रिटर्न, एवरेज रिस्क, वेरियंस और एसडी, मैंने सब लिख दिया यहाँ पर। अब केस टू में देखिए, आप मान लीजिए रिलायंस का पास्ट डेटा नहीं है हमारे पास, या पास्ट डेटा का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, ये बोला गया कि आने वाले टाइम में आपका रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 10.5 भी हो सकता है, और उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी दी है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हो सकता है। तो 10% होने का प्रोबेबिलिटी कितना, 0.2, 12 का प्रोबेबिलिटी है 0.4, 8 होने का प्रोबेबिलिटी ओनली 0.05, 7 होने का प्रोबेबिलिटी 0.25 और 10.5 होने का प्रोबेबिलिटी 0.10। तो इस बारी आप टोटल डिवाइड बाय 5 मत कर देना, गलत हो जाएगा। इस बारी आपको एक्स बार अगर निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न, आपको प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा। जैसे 10 का 20%, 12 का 40%, 8 का 5%, 7 का 25%, 10.5 का 10%। देखो मैंने यहां पर किया हुआ, एक बार रुको, एक गलती क्या हुआ कुछ देख लेता हूं। यह सब कुछ ठीक है, बस यहां पर मैंने गलत लिखा हुआ था। यहां पर होगा आपका 10.5 का 10%। तो देखो वही मैंने हर रिटर्न पे प्रोबेबिलिटी लगा के प्लस कर दिया, तो मेरा एक्स बार आ गया 10% आपका, ये आपका रिटर्न होगा। तो इस बार आपको प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करना है। अब एक्स बार 10% है तो एक्स माइनस एक्स बार 0 आएगा, 12 - 10 = 2 आएगा, 8 - 10 - 2 आएगा, 7 - 10 - 3 आएगा, 10.5 - 10.5 आएगा, ये मेरा एक्स माइनस एक्स बार आ गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर कर दूंगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर किया। अब क्या इससे मैं एवरेज वेरियंस कैसे निकालूंगा, क्या टोटल डिवाइड बाय 5 करूं? ना जी ना, जैसे आपने रिटर्न्स में प्रोबेबिलिटी लगाया ठीक वैसे ये इंडिविजुअल वेरियंस है, सभी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वेरियंस है आपका, अलग अलग सिचुएशन में आपका अलग अलग वेरियंस आ रहे हैं, इंडिविजुअल वेरियंस है। जैसे रिटर्न में प्रोबेबिलिटी लगा के आपने एक्स बार निकाला, वैसे अलग अलग वेरियंस में प्रोबेबिलिटी लगा के आप वेरियंस निकालोगे। तो 0 में 20%, 4 में 40%, 4 में 5%, 9 में 25% और 0.25 में 10%, ये करोगे। जैसे यहाँ पर करा हुआ है, इससे आपका वेरियंस आएगा 4.075% स्क्वायर, और इसी को अगर हम रूट कर देंगे तो हमारा एसडी आ जाएगा। तो यहाँ पर भी मैंने आपको वही रिटर्न वेरियंस एसडी निकालना सिखाया, बस दो फर्क दिखाया। यहाँ पर हमने सिंपल एवरेज किया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था, तो प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके हमने क्या क्या स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकाला। तो अगर ये समझ में आया तो अब आगे क्वेश्चन में आपके साथ कराता हूँ, अच्छा क्वेश्चन आपका बुक का, वो भी आपको डिस्कस कराता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टॉक है जिसका प्राइस अभी फिलहाल 20 है, करंटली स्टॉक का प्राइस 120 और ये कोई डिविडेंड नहीं देने वाला, इसका प्राइस फ्यूचर में ये सारे हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस ये फ्यूचर में हो सकते हैं और उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। तो क्या मैं सभी प्राइस में प्रोबेबिलिटी लगा दूं, जैसे 125 का 10%, 115 का 10%, 120 का 10%, सभी में प्रोबेबिलिटी लगाऊं तो मेरा एक्सपेक्टेड प्राइस आएगा? तो इस बारी एक्स बार आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं है, आपने प्राइस में प्रोबेबिलिटी लगाया तो आपका एक्सपेक्टेड प्राइस आ गया 128.5। तो देखो फिलहाल आपका प्राइस है 120 और एक साल के बाद हमें दिख रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो जाएगा, 128.5 हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, 8.5, क्योंकि 120 का प्राइस 128.5 हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना आएगा, 8.5, कहां से, 120 के ऊपर से। तो 120 में आपका 8.5 का रिटर्न आएगा, मतलब परसेंटेज आप निकाल सकते हो 7.083%, ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। एक्स बार आपका ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, क्योंकि प्राइस से निकालोगे तो एवरेज भी प्राइस ही आएगा, ये रिटर्न का डेटा नहीं है। अब देखो, अब एक्स माइनस एक्स बार करूंगा, एक्स बार ये रहा, ये सारे एक्स हो गए, तो मैंने एक्स माइनस एक्स बार किया यहां पर ये, और फिर इसी को स्क्वायर कर दिया तो मेरा वेरियंस आया और एसडी आया। तो ये जो एसडी आई है परसेंटेज में नहीं है, ये भी आपका रिस्क है, ये भले ही हमने प्राइस से निकाला पर ये वेरियंस और एसडी है, पर ये वैल्यूज में है, क्योंकि ये सभी परसेंटेज नहीं है ना, तो ये भी परसेंटेज नहीं हो सकता। तो आपको पता चल गया कि एसडी कितना, 7.089 का हमारा रिस्क है, किसमें, एक स्टॉक जिसकी प्राइस है 120।
तो 120 के प्राइस के स्टॉक में आपका रिस्क कितना है 7.089 का, तो परसेंटेज आप बता सकते हो। आप बोलोगे 7.089 का रिस्क है वैल्यू वाइज 120 के स्टॉक में, तो डिवाइड बाय 120 इनटू 100 करो, आपका एसडी आ गया 5.907%। तो बस यहां पर फर्क कितना है, प्राइस से एक्सपेक्टेड प्राइस निकालोगे फिर आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा, डिवाइड बाय 120 इनटू 100 करोगे, और वैसे आपका जो रिस्क भी आएगा क्योंकि प्राइस का इस्तेमाल करके आपने रिस्क निकाला, ये एसडीबी वैल्यू में आएगा, तो इसको डिवाइड बाय 120 इनटू 100 करोगे तो आपका एसडी परसेंटेज में आएगा। अब ये आंसर आपका हो गया एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये एसडी हो गया आपका आंसर, यहां पर हो चुका है यहां पर। तो ये भी हमने सीख लिया पूरा का पूरा। अब मैं आपको कोवेरियंस सिखाना चाहता हूं। कोवेरियंस का मतलब क्या पता है, कोवेरियंस हमारा रिस्क काट के देते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बात बताऊं, आपने कोई दो ऐसे स्टॉक में पैसा लगा जो टोटली ऑपोजिट, जैसे मान लीजिए आपने एक आइसक्रीम की कंपनी में पैसा लगा दिए और एक तरफ चाय समोसा की कंपनी में पैसे लगा दिए, तो दोनों ऑपोजिट चलते हैं। मान लीजिए बहुत बारिश का मौसम है तो चाय समोसा चलेगा, और बहुत गर्मी का मौसम है तो कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह चलेगा। तो हमने दोनों में पैसे लगा दिए, क्या दोनों का रिटर्न सेम होगा? नहीं। अगर आइसक्रीम चल रहा है तो आइसक्रीम का रिटर्न अच्छा होगा, तो उधर चाय समोसा का रिटर्न अच्छा नहीं होगा। चाय समोसा का रिटर्न अच्छा होगा तो उधर आइसक्रीम का रिटर्न अच्छा नहीं होगा। तो अगर मैं एक ही कंपनी में पैसा लगाऊं, सिर्फ आइसक्रीम की कंपनी में पैसा लगाऊं, तो मेरा रिस्क रहेगा। क्यों? कल को बारिश, कल को गर्मी नहीं हुई, बारिश का मौसम रहा, तो मेरा आइसक्रीम कंपनी तो बर्बाद हो जाएगा। तो बेहतर है मैं क्या करूं, दो अलग अलग कंपनी में पैसे लगाऊं जो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती, तब मेरा रिस्क कटता है। तो वैसे कोवेरियंस हमें ये बताता है कि रिस्क कटेगा कि नहीं कटेगा। जैसे एक बात बताऊं, एक आइसक्रीम कंपनी अमूल की और एक आइसक्रीम कंपनी मदर डेयरी की, अगर मान लीजिए आइसक्रीम की डिमांड नहीं रही तो कंपनी अगर पिटेगी तो दोनों पिटेगी, चलेगी तो दोनों चलेगी। जब मार्केट में बूम रहेगा आइसक्रीम का तो दोनों कंपनी कमाएगी, जब मार्केट मंदा चला जाएगा तो दोनों कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो यहां पर अब देखिए यही हुआ, एक साल में एक कंपनी ने 20% कमाया तो दूसरे ने 10 कमाया, फिर अगले साल इसने 16 कमाया तो इसने 8 कमाया। देखो इसका रिटर्न गिरा तो इसका भी गिरा, फिर इसका 16 से 30 हुआ बढ़ा तो इसका भी बढ़ गया, फिर इसका 30 से 6 हुआ तो इसका भी 15 से 3 हो गया। तो सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों के दोनों। जब दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जाते तब हमारा रिस्क नहीं कटते। देखो तो हम भी यहां पर क्या करेंगे, ये सारे का एवरेज करेंगे, टोटल डिवाइड बाय 4 करके एक्स बार किया, फिर मैंने ये एक्स माइनस एक्स बार निकाल लिया, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर किया, वेरियंस निकाला, एस टी निकाला अमूल कंपनी का, इधर मदर डायरी का भी मेरा वाई का डेटा दिया, मैंने वाई बार निकालिया टोटल डिवाइड बाय 4 करके, फिर मैंने y माइनस वाई बार निकाला, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर निकाल के मैंने वेरियंस निकाला, एस डी निकाल लिया। अब हम कोवेरियंस कैसे निकालते पता है, कोवेरियंस निकालते इंडिपेंडेंट दोनों का जो रिस्क है आपका x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार, इससे निकालते, और यही आपको देख के पता चल जाएगा कि रिस्क कटेगा कि नहीं कटेगा। देखो यहां पर 2% पॉजिटिव है तो यहां पर भी 1% पॉजिटिव है, यहां पर 2% नेगेटिव आ रहा है गैप तो यहां पर भी गैप 1% नेगेटिव आ रहा है, यहां पर पॉजिटिव तो यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर नेगेटिव है तो यहां पर भी नेगेटिव है। तो ये सारे सेम डायरेक्शन में जा रहे दोनों के दोनों। तो हम क्या करेंगे पता है, हम x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार करते हैं, तो 2 × 1 = 2 आएगा, -2 × -1 = 2 ही आएगा, 12 × 6 आपका 72 आएगा, -12 × -6 = 72 आएगा आपका। तो ये टोटल किया डिवाइड बाय 4 किया, मेरा कोवेरियंस आ गया, ये इंडिविजुअल कोवेरियंस है। जैसे इंडिविजुअल वेरिएंस से एवरेज वेरिएंस निकाला, वैसे इंडिविजुअल कोवेरिएंस से हमने एवरेज कोवेरिएंस निकाला, तो मेरा एवरेज कोवेरिएंस 37% स्क्वायर आया। ये किसका है, ये कोवेरिएंस किसका है, ये दोनों का है, इसमें एक्स भी है वाई भी है, एक्स और वाई दोनों का है। और अगर आप एक्स और वाई का इंडिपेंडेंट एसडी देखोगे 8.6023 और 4.30116 है, ये इंडिपेंडेंट रिस्क है। अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का ये भी वेरियंस है, पर ये टोटल वेरियंस आ जाएगा दोनों का। तो x का ये SD है, y का ये SD, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 8.6023 × 4.30116, आप देखो 36.99 मतलब 37% आ गया। तो जो इनका टोटल रिस्क है वही कोवेरियंस है, मतलब कोवेरियंस रिस्क काटने में असफल रहा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए कोवेरियंस हमारा यहाँ पर रिस्क काट के नहीं दे रहा। तो आप अभी क्या करोगे, हमने कोवेरियंस निकाल लिया, अब एक होता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमें बता देता है क्लियरली कि रिस्क कटा या नहीं कटा, अगर कटा भी तो कितना कटा है। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी। कोवेरियंस मतलब ऊपर बता देता है कि रिस्क अगर काटा है तो कटा हुआ बता देगा आपको ये,
और नीचे टोटल रिस्क बता देगा। तो यहां पर देखो ऊपर जो कोवेरियंस आया वो भी 37 है और नीचे जो टोटल रिस्क आया एसडी इंटू एसडी, ये भी एसडी इंटू एसडी आपका वेरियंस ही हो गया, आपका दोनों का कोवेरियंस जैसा ही हो गया, बट ये बिना कटा हुआ रहता है, ये टोटल रहता है इंडिविजुअल को मल्टीप्लाई करके हम ये निकाल रहे हैं। बट ऊपर आपने 1:1 मल्टीप्लाई किया, देखो इधर भी आपने, ये एक प्रकार से एक्स माइनस एक्स बार ही है, ये एसडी है क्योंकि ये वेरियंस एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एवरेज, तो ये एवरेज एक्स माइनस एक्स बार ही है और ये एवरेज वाई माइनस वाई बार है, तो ये इंडिपेंडेंटली एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये एक प्रकार से को वेरियंस इसको नहीं बोलते हम, दोनों का टोटल वेरियंस बोलते हैं। इधर हमने क्या किया 1:1 एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार किया, तो 1:1 करने से पता चल जाता है कि कहीं रिस्क कट रहा है, तो यहाँ पर रिस्क कटा नहीं, तो इसलिए आर आपका वन आया। आर अगर आपका वन आएगा डेट मीन्स वॉट, आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं कट रहा है। और आर हम कैसे निकालेंगे, को वेरियंस बाय एस डी इंटू एस डी, ऊपर को वेरियंस ये वाला और नीचे दोनों का एस डी, दोनों का टोटल रिस्क। अगर ये वन आया तो मतलब आपका रिस्क बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है। लेकिन अगर मैं आपको एक और सिचुएशन दिखाऊं, यहाँ पर एक और सिचुएशन दिखाऊं, जैसे एक आइसक्रीम की कंपनी, एक चाय समोसा की कंपनी, यहाँ पर आप देखो यहाँ पर इसने 30% रिटर्न कमाया तो ये 5% कमा रहा है, इसने 5% कमाया तो ये 30% कमा रहा है, इसने 10 कमाया तो ये 25 कमा रहा है, इसने 25 कमाया तो ये 10 कमा रहा है। क्या हमें नहीं दिख रहा टोटली ऑपोजिट है, दोनों के रिटर्न टोटली ऑपोजिट है। अब अगर मैं इसका एक्स बार निकालू तो 17.5 आ रहा है, इसका भी वाई बार निकालू तो 17.5 आ रहा है, एवरेज रिटर्न दोनों का 17.5 आ रहा है। मैंने एक्स माइनस एक्स बार किया, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करके वेरियंस निकाला और एस डी निकाला, इधर भी मैंने वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर किया, वेरियंस निकाला और एस डी निकाला। अब मैं इधर क्या करूं, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार करूंगा इंडिपेंडेंटली, मैं यहां पर कर रहा हूं देखो इंडिपेंडेंटली। यहां पर अगर आप देखोगे ये गलत लिखा मैंने, इधर माइनस नहीं है, माइनस आपका इधर, तो आप देखो 12.5 इंटू माइनस 12.5 अगर आप करोगे माइनस 156.25 आ रहा है, तो ये माइनस का सिंबल यहां पर आ गया आपका, मतलब इतना रिस्क कट जाएगा क्योंकि एक जगह में आपका रिस्क फेवरेबल है तो दूसरी जगह में उल्टा है, मतलब एक जगह में आप कमा लोगे तो दूसरी जगह में नहीं भी कमाओगे तो चलेगा, यहाँ कमा लोगे, यहाँ नहीं भी कमाए तो यहाँ कमा लेंगे, मतलब दोनों में पैसा लगाने से रिस्क कटेगा कहीं ना कहीं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर अभी आपका माइनस है तो इधर पॉजिटिव है, ये माइनस बन गया क्योंकि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इधर प्लस है, ये वाला माइनस ही होगा, यस, और ये वाला प्लस होगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, इधर प्लस है तो इधर माइनस है, तो सब माइनस बना और अल्टीमेटली को वेरियंस आपका टोटल डिवाइड बाय 4 माइनस 106.25 है। और अगर मैं आर निकालूंगा तो आर इक्वल क्या, को वेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी, ऊपर को वेरियंस लिख दिया मैंने, नीचे एसडी इनटू एसडी कर दिया, दोनों भी नीचे का भी ये 106.25 है लेकिन ये पॉजिटिव है, ऊपर वाला नेगेटिव है, मतलब ये आपका कितना आ रहा है, माइनस वन आ रहा है, और माइनस वन का मतलब परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब यहाँ पर रिस्क मेरा पूरा कट जाएगा। अगर प्रॉपर वेट्स अगर हमने लगाया तो रिस्क हमारा पूरा का पूरा कटेगा। तो हमने दो सिचुएशन देखा, यहां पर हमारा रिस्क बिल्कुल भी नहीं कट रहा क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्टॉक जा रहा है, इसलिए कोवेरियंस जितना है उतना ही टोटल रिस्क है, पर यहां पर कोवेरियंस टोटली नेगेटिव है और इधर आपका रिस्क टोटली पॉजिटिव है, मतलब माइनस होना है, मतलब ये रिस्क पूरा कटेगा। तो यहां पर अगर हम प्रॉपर वेट्स का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा रिस्क जीरो आएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा, पर एक बार आपको धीरे धीरे ये समझ में अगर आया तो अब हम यहाँ पर आगे फर्दर बात करते इस पार्टिकुलर में। तो ये देखिए आर अगर वन आया तो ध्यान रखना परफेक्ट कोरिलेशन बोल दो या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बोल दो, बात देखिए, पर आर इक्वल माइनस वन आया तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। और अब आपको ये ध्यान में रखना आर इक्वल क्या, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी, तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई अगर आप निकालोगे तो ऊपर लोगे कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई और नीचे लोगे एसडी ऑफ एक्स इनटू एसडी ऑफ वाई लोगे। अब यहां पर ये मैंने अलग तरीके से भी समझाया था, आर का मतलब क्या, ऊपर कितना मार्क्स स्कोर किया, नीचे टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स मतलब दोनों का टोटल एसडी मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर मार्क्स स्कोर मतलब कोवेरियंस, अगर रिस्क काटना होगा तो कोवेरियंस रिस्क काट देगा। तो उस प्रकार से मैंने ये चीज समझाया था, आई थिंक अब आपको समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने 50% पैसा अमूल में लगाया यहाँ पर और 50% हमने मदर डायरी में लगाया यहाँ पर, ठीक है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, वही 18% में 50%, 9% में 50% क्योंकि दोनों में 50-50 पैसा लगाया, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में दोनों में 50-50 का वेट लगा दो, 13.5% आएगा आपका, ये बात खत्म। अगर पोर्टफोलियो रिस्क की भी बात करें तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जबकि ये रिस्क काटने में असफल है तो यहाँ पर भी वेट लगा सकते हो,
तो ये एसडी में 0.5 लगा दिया, ये एसडी में भी 0.5 लगा दिया, आपका पोर्टफोलियो रिस्क आ जाएगा। वेट इंटू एसडी करके आप निकालोगे ये, और ये तभी आप लगा सकते हो फॉर्मूला जब आपका आर इक्वल वन है, लेकिन जब आर लेस देन वन है तब ये नहीं लगेगा, तब आपका कुछ ना कुछ रिस्क कट सकता है। तो रिस्क कटने के लिए आपको ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तब आपको लगाना पड़ेगा वही वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस रिमेनिंग वेट इंटू कोवेरियंस। तो मैं इसमें ज्यादा डीप तो अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि क्विकली मुझे रिवाइज कराना, आपको डिटेल्ड रिविजन में हमने अच्छे से रिवाइज कराया था, हर एक एस्पेक्ट को समझाया था, अभी उतना हम नहीं समझाएंगे। अभी अभी ये देखिए, जब कभी भी आर इक्वल वन ना हो, आर वन से कम हो, तब आप वेट इंटू एसडी नहीं लगाओगे, तब आप लगाओगे रूट करके वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई प्लस रिमेनिंग वेट इंटू कोवेरियंस। या तो रिमेनिंग वेट ले लो, जैसे यहां पर वेट स्क्वायर है तो 0.5 स्क्वायर कितना होता है 0.25 होता है, इधर भी 0.5 स्क्वायर कितना होगा 0.25 होगा, तो रिमेनिंग वेट इधर 0.50 हो जाएगा। और या फिर आप 2 इंटू वेट एक्स इंटू वेट वाई भी बोल सकते हो। तो एक प्रकार से वो फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी वाला, है ना, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ट्वाइस ए बी है। तो देखो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। तो हम कोवेरियंस का भी कुछ वेट दे रहे, बट आप देखो यहां पर ये फॉर्मूला लगाने के बावजूद भी आपका रिस्क उतना ही आया जितना यहां पर आया था। वेट इंटू एस डी किया तो जो रिस्क आया वही यहाँ पर है, क्यों, क्योंकि ये आपका कोवेरियंस लगाने के बावजूद भी रिस्क काटने में असफल है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आपका आर इक्वल वन, यहाँ पर आपका रिस्क नहीं कटने वाला। अब मान लो केस टू में, सपोज जगाती लिमिटेड ने 70% पैसा अमूल में लगाया, 30% मदर डायरी में लगाया, तो ऐसे सिचुएशन में इसमें 70 का वेट दो, इसमें 30 का वेट दो, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, यहाँ पर जो भी आएगा आ जाएगा। और पोर्टफोलियो रिस्क में वेट इनटू एसडी, इसमें आप 70% का वेट देना, इसमें आप 30% का वेट देना, आपका आ जाएगा यहां पर भी, ये तो है, यस ये केस टू, यहां पर आपका आ जाएगा। और ऑल्टरनेटिवली अगर आर इक्वल वन नहीं होता या आर इक्वल वन है तो भी ऑल्टरनेटिवली हम ऐसे कर सकते हैं, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस प्लस रिमेनिंग वेट इंटू कोवेरियंस, या फिर वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। ऐसे करके भी देखो 7.312 ही हमारा आया, क्योंकि यहां पर रिस्क नहीं कट रहा है। लेकिन अगर मैं ये वाला सिचुएशन देखूं, यहां पर रिस्क आपका कट रहा है, आर इक्वल माइनस वन है, तो अगर मान लीजिए मैं 50% पैसा दोनों में लगाता हूं, तो मेरा रिटर्न क्या होगा, 17.5 का 50% आपका 17.5% ही आए। और रिस्क कितना आएगा, हम रिस्क यहां पर क्या वेट इंटू एसडी लगा सकता नहीं, क्यों, क्योंकि आर इक्वल माइनस वन, आर इक्वल वन होने से वो लगा सकते थे। तो यहां पर आपका ये लगेगा वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू वेट इंटू वेट इंटू कोवेरियंस। तो वही वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ये वाला लिया, इसका भी वेरियंस लिया प्लस 2 इंटू वेट कोवेरियंस ये वाला ले लिया, देखो जीरो आया आपका। तो ये जीरो तभी आता है जब हमारा प्रॉपर वेट्स हो, और ये प्रॉपर वेट्स आपको कैसे पता चलेगा, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो से जो वेट्स निकलेगा आप देख लेना, यहाँ पर अगर आप ट्राई भी करोगे तो आपका यही आएगा, मैं आगे आपको बताऊंगा, 0.5 भी आएगा तब आपका जीरो होगा। लेकिन वही अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने 70% पैसा इसमें लगाया, 30% पैसा इसमें लगाया, तो देखो मेरा रिटर्न 17.5% है पर मेरा पोर्टफोलियो रिस्क जीरो नहीं है। तो पोर्टफोलियो रिस्क जीरो करने के लिए इट इज नेसेसरी कि आपका वेट्स प्रॉपर हो, और अगर हम वेट्स और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो देखेंगे तो यही आएगा आपका 0.5, और इसके अलावा कोई दूसरा वेट अगर हम लेंगे तो हमारा रिस्क जीरो नहीं हो सकता। तो यहां पर आप देखिए 70 और 30 का वेट लिया तो हमारा रिस्क 4.123% है। अब इसी में मैं वेट्स ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कैसे निकाल सकता हूं, मैं ये देखूंगा, देखो एक्स जो है वो वाई का रिस्क काट रहा है, एक्स खुद का रिस्क नहीं काट रहा, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक्स यहां पर वाई का रिस्क काट रहा है, वाई यहां पर एक्स का रिस्क काट रहा है। तो हम ये देखेंगे x यहां पर y का कितना रिस्क काट रहा है, उसके लिए आप ज्यादा में नहीं बताऊंगा, अभी बहुत डीप नहीं जा सकते, मैं इतना बताऊंगा आप ये देखो x कितना रिस्क काट रहा है, उसके लिए आप क्या करोगे, ये देखोगे y का पहले वेरिएंस कितना था, अब रिस्क कितना है, y का पहले वेरिएंस था 106.25, अब ये कोवेरियंस ही दोनों का x और y का, तो पहले इसका वेरिएंस था 106.25 और अब हो गया -106.25, तो रिस्क कितना कम कर दिया, 106.25 से पूरा घटा के -106.25 में पहुंचा दिया। तो देखा जाए तो 106.25 से जीरो में आया, जीरो से -106.25 में आया, यानी 212.5 का रिस्क कम किया है। तो x ने y का रिस्क जो कम किया है, x ने y का रिस्क कम किया 212.5,
और वही वाई ने कितना रिस्क कम किया, वाई ने एक्स का जो वेरियंस था 106.25 इसको पहुंचा दिया -106.25 में, तो वाई ने भी एक्स का रिस्क कम किया है कितना 212.5। तो टोटल रिस्क कितना कम हुआ, टोटल दोनों का मिला दो, वाई का रिस्क कितना कम हुआ है, एक्स का रिस्क कितना कम हुआ है, तो टोटल रिस्क कम हुआ है 425, दोनों का टोटल कर देंगे तो। और आप देखिए यहां पर भी 0.5 आ रहा है, यहां पर भी 0.5 आ रहा है। तो आपका सिंपल है वेट्स ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो अगर आपको निकालना है डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू वाई, यहां पर हम क्या करते हैं पता है, वेरियंस ऑफ वाई माइनस को वेरियंस एक्स के मामले में, और वाई के मामले में भी हम ये लेंगे वेरियंस ऑफ वाई माइनस को वेरियंस, इससे पता चल जाएगा कि कितना ये बताता है कि कितना रिस्क रिड्यूस हुआ वाई का, वाई का वेरियंस से ये को वेरियंस में पहुंच गया। और इधर नीचे गलत लिख दिया मैंने, वाई ने क्या किया, वाई ने एक्स का रिस्क कितना कम किया, वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस एक्स वाई, है ना, ये आया इसका, यानी ये वाई ने एक्स का रिस्क रिड्यूस किया एक्स का वेरियंस से कोवेरियंस में पहुंचा दिया इसको, और डिवाइड बाय क्या होगा दोनों का वेरियंस माइनस कोवेरियंस, डिवाइड बाय नीचे क्या लिखेंगे बताए, वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस एक्स वाई प्लस वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस एक्स वाई, इधर भी वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस एक्स वाई प्लस वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस एक्स वाई। तो ये अपने आप बनेगा फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं आपको, अपने आप बनेगा। तो आप यहां पर खुद ही कर सकते हो, देखो यहां पर सिंपल रखना x का वेट क्या होगा, x का वेट मतलब y का रिस्क जो SD मत लेना, y का वेरियंस माइनस कोवेरियंस, ये x का ऊपर लिख देंगे, ये लिख दिया हमने, और y का क्या होगा x का वेरियंस माइनस कोवेरियंस 212.5, और नीचे टोटल लिख दो आप। तो इस तरीके से आपका वेट आ जाएगा, देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है वेट ऑफ x क्या होगा, रिस्क रिडक्शन ऑफ y डिवाइड बाय दोनों का रिस्क रिडक्शन, वेट ऑफ वाई क्या होगा रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय दोनों का रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई और कुछ नहीं है वेरियंस माइनस कोवेरियंस है, रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स और कुछ नहीं वेरियंस माइनस कोवेरियंस है एक्स का, यही दोनों हम नीचे डिनोमिनेटर में लिख देते हैं बस बात खत्म। और या फिर आप ऐसे कर सकते हो वेट ऑफ एक्स अगर आपने निकाल लिया तो रिमेनिंग वेट ऑफ वाई होगा, अगर वेट ऑफ एक्स 0.7 आया तो वेट ऑफ वाई 0.30 होगा, आपको वाई निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो या फिर आप वाई वेट ऑफ वाई 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करके भी सीधा आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप यहां पर आपने निकाला यहां पर कि वेट ऑफ एक्स और वाई कितना है 0.5 है, तो ये वेट्स अगर हम लेंगे ना तभी आपका रिस्क अल्टीमेटली सबसे ज्यादा कटेगा, देखो 0 बना आपका। तो एकदम ऑप्टिमम रिस्क अगर आपको काट रहे हैं तो आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट प्रॉपर लेना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। मैं वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, एक्स का वेट क्या होगा, y का कितना रिस्क रिड्यूस हुआ, यानी वेरियंस ऑफ y माइनस कोवेरियंस, y का वेट क्या होगा, x का कितना रिड्यूस हुआ, यानी वेरियंस ऑफ x माइनस कोवेरियंस, और डिवाइड बाय क्या होगा दोनों का, यानी वेरियंस ऑफ x माइनस कोवेरियंस प्लस वेरियंस ऑफ y माइनस कोवेरियंस। तो ये देखो ये अपने आप आपके दिमाग में घुस जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, एकदम आराम से आपके दिमाग में ये जा चुका है। तो हमने ये पूरा किया, देखो मैंने यहाँ पर अलग अलग तरीके से बताया, वेट ऑफ x क्या है, रिस्क रिडक्शन ऑफ वाई डिवाइड बाय टोटल रिस्क रिडक्शन, वेट ऑफ वाई क्या, रिस्क रिडक्शन ऑफ एक्स डिवाइड बाय टोटल रिस्क रिडक्शन। ध्यान रहे एक्स में लेंगे रिस्क वाई का कितना रिड्यूस हुआ, वाई में लेंगे एक्स का कितना रिस्क रिड्यूस हुआ, तो रिस्क रिडक्शन वाई क्या हुआ, ये 212.5 आए तुम्हारे, ये देखो वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस, वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस। तो क्या एकदम अच्छे से समझ में आया, बोलो। तो ये रहा, ये हमने फॉर्मूला खुद ही बना लेंगे हम यहाँ पर। तो अगर आपने इतना समझा अभी तक तो उसी का जो वेट्स ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का हम इस्तेमाल करेंगे वेट, वो जो वेट आएगा वही वेट अगर आप निकालोगे तो ऑप्टिमम रिस्क कटेगा आपका। तो इसलिए 0.5 में आपका रिस्क 0 आया था, क्योंकि -1 का मतलब पूरा रिस्क काट देंगे, पूरा रिस्क काट दिया मतलब 0 आएगा। लेकिन अगर ये -1 नहीं हुआ, से -0.5 हुआ, -0.7 हुआ, तो कभी भी रिस्क 0 नहीं होगा, रिस्क थोड़ा बहुत तो रहेगा। -1 होने से आप रिस्क पूरा 0 कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने वेट जो लिया मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट लिया, जैसे 0.5 यहाँ पर आया तो ये लिया आपने अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो ये ध्यान रखना। तो अब हमने जो पढ़ा ये मैं एक बार आपको रिकॉल दे रहा हूँ, एवरेज रिटर्न, समीशन एक्स बाय एक्स, समीशन एक्स बाय एन, सिंपल एवरेज, या फिर समीशन प्रोबेबिलिटी एक्स, प्रोबेबिलिटी लगाना। एवरेज वेरियंस वही हमने किया है, वेरियंस हमने निकालना सीखा, एस डी हमने रूट करना है, कोवेरियंस किया आपका समीशन पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, या फिर समीशन एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार बाय नंबर ऑफ टाइम्स। टोटल रिस्क एस डी ऑफ एक्स एस डी ऑफ वाई हो गया, नेट रिस्क आपका क्या हो गया, बोथ एट एक्स एंड वाई, कोवेरियंस ही आपका नेट रिस्क को बोथ एट एक्स एंड वाई है। तो जो कोवेरियंस जो है वो क्या नेट रिस्क है, मतलब आप ये देख लो यहां पर कहां गया, ये देखो यहां पर ये जो है ना, ये ऊपर का जो कोवेरियंस एक्स वाई और कुछ नहीं है, ये नेट रिस्क है ऑफ एक्स
इनटू नेट रिस्क ऑफ वाई, ये दोनों का नेट रिस्क है, और ये नीचे जो ये टोटल रिस्क ऑफ एक्स है इनटू टोटल रिस्क ऑफ वाई। मतलब ऊपर वाला कोवेरियंस नेट रिस्क बताता है कि अगर कोई रिस्क कटना होगा तो कट की कितना है वो बता देगा आपका, अगर पॉसिबल है तो रिस्क कट जाएगा, तो ये ऊपर वाला नेट रिस्क है और नीचे वाला टोटल रिस्क है, ये फर्क आप ध्यान रखना। तो हमने ये देखा कोरिलेशन कोफिशिएंट आर इक्वल, तो दिमाग में चला गया कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी, है ना, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी हो जाएगा। और मैंने कहा था कोवेरियंस क्या, नेट रिस्क है, नेट एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई पर है, पर नीचे वाला टोटल एक्स माइनस एक्स बार टोटल वाई माइनस वाई पर है, नीचे वाला टोटल रिस्क है ऊपर वाला नेट रिस्क है। और एक ध्यान रखना कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन अगर बोले ना वो कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर है, जैसे एसडी का स्क्वायर वेरियंस होता है वैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन। फिर पोर्टफोलियो रिटर्न हमें पता है, रिटर्न में वेट लगाओ बात खत्म। पोर्टफोलियो रिस्क हमने क्या देखा था, अगर दो स्टॉक्स का तो वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस प्लस वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस प्लस रिमेनिंग वेट इनटू कोवेरियंस, या फिर वेट स्क्वायर ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ एक्स, वेट स्क्वायर ऑफ वाई इनटू वेरियंस ऑफ वाई प्लस 2 इनटू वेट एक्स वेट वाई कोवेरियंस, अब दोनों तरीके से करो। फिर तीन स्टॉक का अगर हुआ तब होगा वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस ऑफ एक्स वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस ऑफ वाई प्लस वेट स्क्वायर इनटू वेरियंस ऑफ जेड प्लस 2 इनटू वेट एक्स वेट वाई कोवेरियंस एक्स वाई, 2 into weight y weight y weight z w y w z covariance y z, 2 into weight x weight weight z covariance x z, ये और कुछ नहीं, ये आपका abc square का formula है, a square plus b square plus c square plus twice ab है, twice bc है, twice ac है, और ये a square plus b square plus twice ab, ये वाला ऊपर वाला a plus b whole square है, और ये a plus b plus c whole square, तो ये तो स्कूल में पढ़ा था, उसी से आपके दिमाग में चला जाएगा अपने आप। और वेट्स ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया, यहाँ पर आराम से वेट ऑफ एक्स में क्या लेंगे वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस, और नीचे लेंगे वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस, और वेट ऑफ वाई तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो, वेट ऑफ वाई क्या होगा वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस डिवाइड बाई ये, या फिर आप सीधा वन माइनस वेट ऑफ एक्स कर लो। अब टी वाई के क्वेश्चन सिक्स जो है ये मास्टर समय ये आपको खुद से करना है, यहाँ पर आपको एबीसी का रिटर्न का डेटा दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, तो इससे हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी लगा के एक्स बार निकालेंगे, एक्स बार निकाला एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर करके वेरियंस निकालेंगे, फिर एस डी निकालेंगे, फिर आपका एक्स वाई जेड का भी डेटा दिया हुआ उसे भी वाई बार निकालेंगे, वेरियंस ऑफ वाई और एस डी ऑफ वाई निकालेंगे हम यहाँ पर, और फिर यहाँ पर हम को वेरियंस भी निकालेंगे, ये रहा ये जो आपका x माइनस एक्स बार है इंटू वाई माइनस वाई बार करके हम कोवेरियंस भी निकाल लेंगे, तो हमारा कोवेरियंस जो आया एवरेज। अब सब में प्रोबेबिलिटी लगाना मत भूलना, इसको आप एग्जाम में गलती कर सकते हो, सभी को टोटल करके मत लिख देना, यहाँ पर ये सभी का टोटल नहीं है, इस पे हम प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, जो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है वो प्रोबेबिलिटी लगाएंगे हम इस पे, तो ये प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद एवरेज कोवेरियंस आएगा, तो ये हमारा आ चुका। अब क्वेश्चन हमसे पूछा था कि बताओ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट, क्वेश्चन ने पूछा था, तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट मैं फॉर्मूला देखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा वेट ऑफ एक्स क्या होगा, और वेट ऑफ क्या होगा देखो, वेट ऑफ एक्स में मतलब वाई का कितना रिस्क कटा, वाई का 126.99 से 144.25 माइनस पे चला गया, 126.99 माइनस माइनस हो जाएगा तो प्लस 144.25, यानी वाई का रिस्क कटा 271.24, ये वेट ऑफ एक्स में दे देंगे, और एक्स का रिस्क कितना कटा 167 से 167.75 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका 144.25, 312 इसका रिस्क कटा, है ना, तो दोनों का मिला के कितना कटा 271.24, 583.24 से आप डिवाइड कर दो, आप देख लेना जो आएगा वेट, ये 0.465 आएगा, ये 0.535 आएगा आपका, डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे आप। हाँ एग्जाम में आप चाहो तो फॉर्मूला लगाना, जो फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहाँ पर आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एकदम सिंपल है, यानी वेट ऑफ एक्स वापस से बता दे, वेरियंस ऑफ वाई माइनस कोवेरियंस ऊपर आ जाएगा, और वेट ऑफ वाई में आ जाएगा वेरियंस ऑफ एक्स माइनस कोवेरियंस, ये आ गया। अब दोनों का टोटल ही तो डिनोमिनेटर में दोनों में लिखना है, बात ही खत्म, ठीक है, तो वेट हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन हमसे बोला था, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था, एक तो ये रिटर्न ये सब पूछा था, वेट्स ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो पूछा था हम बता देंगे, और बोला कि अगर 50-50 का वेट दोगे तो क्या रिटर्न और रिस्क होगा, अगर 50-50 का ये वेट से दोगे तो ऑप्टिमम रिस्क कटेगा,
लेकिन क्वेश्चन ने बोला कि 50-50 का वेट दोगे अगर आप तो कितना रिस्क कटेगा, तो 50-50 का वेट देंगे तो रिटर्न्स कितना आएगा, इस पे 50%, इस पे 50%, और रिस्क क्या होगा, आप वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस करोगे, 50² × वेरियंस ये रहा, फिर वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ये रहा, फिर रिमेनिंग वेट को वेरियंस को लगाओगे आप, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर पोर्टफोलियो रिस्क, बस बात खत्म। तो यहां पर क्वेश्चन में अगर आप बोलोगे तो मैं क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको जाके, एक बार रुक जाओ तो देख सकते हो, मैंने क्वेश्चन डायरेक्टली निकाल के फिर प्ले किए, इधर मैंने पॉज कर दिया था, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन पूछा, हमने बता दिया था, फिर बोला रिस्क और रिटर्न बताओ अगर इक्वल प्रोपोर्शन हुआ, मतलब 50-50 का प्रोपोर्शन में रिस्क और रिटर्न बताओ, और ऊपर तो रिटर्न और रिस्क हमने निकाला था इंडिविजुअल शेयर्स का, तो वही चीज यहाँ पर हो रहा है। देखो पहले इंडिविजुअल रिटर्न और रिस्क ये रहा हमने निकाला, फिर बोला मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का प्रोपोर्शन बताओ ये रहा, और 50-50 के वेट में रिटर्न और रिस्क बताओ हमने बता दिया। तो ये आपको प्रैक्टिस करना, जरूर से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, यही क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले एक बार, डन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हम कैपिटल मार्केट थ्योरी में आ जाएंगे। यहाँ पर इतना ही था आपका, आपको जो जो यहाँ पर नेसेसरी वेट्स और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर ध्यान रखना, मेनली आपको मैं बताऊं आर का फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको, और कुछ भी ध्यान में नहीं रखना है। फिर आपको पोर्टफोलियो रिस्क का फॉर्मूला वही ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ट्वाइस बी सी ट्वाइस ए सी, ये ध्यान में रखना। मतलब मैं स्टार देता हूँ, देखो एक ये वाला और एक ही वेट्स और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ये नहीं गलती से कर दिया मैंने, ये तो ध्यान में रहेगा, एक ये वाला, तो ये बस ध्यान में रखा, बस बात खत्म। अब हम आ जाते कैपिटल मार्केट थ्योरी में, तो चलिए अभी हम कैपिटल मार्केट थ्योरी डिस्कस करेंगे, और अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था मार्कोविच थ्योरी, डेट इज मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में आपने पता हमने क्या सीखा था, हमने ये देखा था मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर कि वहां पर दो स्टॉक्स का कंपैरिजन किया जाता है, दो स्टॉक के बीच में क्या रिलेशन है, डेट इज दो स्टॉक के बीच में क्या कोरिलेशन है, वो हम आइडेंटिफाई करते थे। आपने देखा भी होगा हमने स्टॉक एक्स का गैप्स निकाला था एक्स माइनस एक्स बार, स्टॉक वाई का निकाला था गैप वाई माइनस वाई बार, फिर हम कोवेरियंस जो निकाल रहे थे वो एक्स और वाई के बीच का निकाल रहे थे, यानी हम यहाँ पर रिलेशन जो आइडेंटिफाई कर रहे थे वो ये देख रहे थे दो स्टॉक के बीच में क्या रिलेशन है, और आगे जाके जो कोरिलेशन में निकलता है ना ये आर, ये आर भी एक्स वाई का निकलता है, यानी स्टॉक एक्स और वाई के बीच में क्या कोरिलेशन है, इसलिए तो हमने कोवेरियंस किसका लिया था, एक्स और वाई का, एक्स भी स्टॉक है वाई भी स्टॉक है, और नीचे एस डी ऑफ स्टॉक एक्स, एस डी ऑफ स्टॉक वाई, यानी यहां पर मार्कोविच थ्योरी में आप दो स्टॉक के बीच में कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हो, है ना, कोवेरियंस भी दो स्टॉक का निकालते हैं, कोरिलेशन भी दो स्टॉक के बीच का क्या कोरिलेशन आर है वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। बट अगर आप कैपिटल मार्केट थ्योरी की बात करोगे तो कैपिटल मार्केट थ्योरी थोड़ा सा अलग है। कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर आपको शब्द दिख रहा होगा मार्केट, मार्केट कैपिटल मार्केट थ्योरी में हम क्या करते हैं, दो स्टॉक के बीच का रिलेशन आइडेंटिफाई नहीं करते, जैसे हमने मार्कोविच थ्योरी में क्या था, दो स्टॉक के बीच का कोरिलेशन वगैरह निकालते थे, कैपिटल मार्केट थ्योरी में हम हर स्टॉक को मार्केट के साथ कंपेयर करते, हर स्टॉक का मार्केट के साथ कोरिलेशन निकालते, तो यहां पर कोवेरियंस भी जब निकलेगा ना हर स्टॉक का मार्केट के साथ निकलेगा। जैसे अगर मुझे एक्स और मार्केट का रिलेशन देखना है तो मैं कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट देखूंगा, जैसे एग्जांपल भी मैंने यहां पर रखा हुआ है टीसीएस का स्टॉक और मार्केट, मैं समझाऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कैपिटल मार्केट थ्योरी में सबसे बड़ा रोल अगर किसी चीज का है वो है बीटा का। बीटा आपको यही कहता है कि मार्केट में जब 1% का बदलाव आएगा, मार्केट में जब 1% का चेंज आएगा तो उससे स्टॉक में कितना परसेंट का चेंज होगा, यानी मार्केट से कंपेयर करते हैं यहां पर हम, मार्केट से कंपेयर करते हैं। और ये ध्यान रखना बीटा जो है वो मार्केट का हमेशा 1 होता है, कॉन्स्टेंट, मार्केट का बीटा विल ऑलवेज बी 1, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप बोले सर स्टॉक का बीटा कितना हो सकता है, स्टॉक का बीटा सेम एज मार्केट का बीटा 1 भी हो सकता है, स्टॉक का बीटा 1 से कम भी हो सकता है, स्टॉक का बीटा 1 से ज्यादा भी हो सकता है। बीटा क्या बताता है, बीटा बताता है रिस्क, बीटा रिस्क ही बताता है कि कितना रिस्क है, यही बीटा बताता आपको। और मार्केट का रिस्क को हमने कांस्टेंट रख दिया 1, हमने बोला मार्केट का रिस्क 1 है, 1 यानी 100% है, बीटा मार्केट का क्या होगा 1 होगा। अब मान लीजिए किसी स्टॉक का भी बीटा 1 है तो मतलब उसका जो लेवल ऑफ रिस्क है वो सेम टू सेम मार्केट का जितना है, अगर उसका बीटा 1 से कम है उसे हम डिफेंसिव स्टॉक्स बोलते हैं, उसका रिस्क कंपेयर टू मार्केट कम है, क्योंकि मार्केट में दो प्रकार के स्टॉक्स एग्जिस्ट करते हैं डिफेंसिव और एग्रेसिव, उन दोनों का एवरेज ही मार्केट का बीटा होता है जिसे हमने कांस्टेंट रखा मार्केट का बीटा 1।
तो आपका अगर स्टॉक का बीटा लेस देन वन है उसे हम डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं, जिस स्टॉक का बीटा मोर देन वन है उसे एग्रेसिव स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक का बीटा लेस देन वन भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, इक्विवेलेंट टू वन भी हो सकता है आपका, लेकिन ये ध्यान रहे मार्केट का बीटा हमेशा वन होगा। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर रख रखा हुआ है। देखिए पिछले 5 सालों का मार्केट का रिटर्न है निफ्टी या सेंसेक्स को हम ऐसे प्रॉक्सी एज्यूम कर लेते कि वही मार्केट है। जैसे इंडिया जब क्रिकेट टीम खेलने को जाती है तो 11 प्लेयर ही खेलते हैं, पर रिप्रेजेंट तो पूरा इंडिया को किया जाता है। मोदी जी दूसरे देश में जाते हैं तो पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसे निफ्टी जो है वो जो भी बड़े बड़े स्टॉक्स हैं है ना उन सबको ही रिप्रेजेंट करता है, जो प्राइमरी स्टॉक्स हैं है ना। तो इसलिए निफ्टी को ही मार्केट मान लिया जाता है, जो निफ्टी का इंडेक्स का वैल्यू है या सेंसेक्स का इंडेक्स का वैल्यू उसी को मार्केट मान लिया जाता है। तो मार्केट का रिटर्न मान लो दिया हुआ है पिछले 5 सालों का 12, 15, 10, 26, और वही स्टॉक का रिटर्न दिया हुआ है 16, 22, 12, 32, 4। तो आप ये देखो 2001 में मार्केट का रिटर्न 12 था, वही टीसीएस का रिटर्न था 16%। 2002 में मार्केट का रिटर्न 12 से बढ़ के कितना हो गया 15% हो गया, मतलब 3% बढ़ा। तो वही स्टॉक का रिटर्न 16 से 22 हो गया 6% बढ़ा। तो आप देखिए डायरेक्शन तो सेम है दोनों का, मार्केट भी 3% बढ़ रहा है तो स्टॉक भी बढ़ रहा है, लेकिन वो डबल बढ़ रहा है, 6% से बढ़ रहा है। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो गैप्स है जो चेंजेस है वो स्टॉक टीसीएस का चेंजेस डबल है एज कंपेयर टू मार्केट, मार्केट के कंपेरिजन में डबल चेंज है। तो इसलिए हम ये बोलेंगे कि यहां पर जितना मार्केट में चेंज हो रहा है उसके मुकाबले स्टॉक में डबल चेंज हो रहा है। तो मतलब स्टॉक का बीटा यहां पर क्या माना जाएगा, 2 माना जाएगा। और बीटा निकाला कैसे जाता है ऐसे तो आपको ध्यान में रख लेना, अभी के लिए चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न डिवाइडेड बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। बीटा ये देखो लिखा हुआ है, बीटा इक्वल चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न डिवाइड बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। तो यहां पर आप देखो चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न कितना 6 डिवाइडेड बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न 3, तो क्या आएगा 2 आएगा। आप फॉर्मूला में भी अगर ये बैठा हो गया 6/3 2 आएगा। दूसरा 15 से 10 हुआ 5% गिरा, तो ये भी 10% गिरा, सेम डायरेक्शन, एक गिरा तो दूसरा भी गिर रहा है, तो ये भी डबल हुआ। चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न 10 है, चेंजेस इन मार्केट रिटर्न 5 है, तो बीटा 2 आएगा। तो हर केस में हम देख रहे हैं जितना मार्केट में चेंज हो रहा है उसके कंपेरिजन में स्टॉक में डबल चेंज हो रहा है, हर केस में आपका बीटा 2 आ रहा है। तो ये बोल सकते हैं एवरेज बीटा भी क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि इंडिविजुअल एवरी केस में बीटा 2 है तो एवरेज बीटा भी 2 होगा। पर जरूरी नहीं हमेशा डेटा ऐसा होगा, कभी कभी डेटा ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर आपका 10% से ये चेंज हुआ तो ये 20 से नहीं हुआ, क्या पता 18% से चेंज हुआ तो क्या पता यहां पर बीटा 1.8 आएगा, यहां पर 14% से चेंज हुआ तो क्या पता ये भी 14% से चेंज हुआ, यहां पर बीटा 1 आएगा, कहीं पर 2 आएगा, कहीं पर 2.2 आएगा। तो अलग अलग जब बीटा आएगा तब ये वाला तरीका फेल हो जाता है। ऐसे नॉर्मली जब एक ही साल एक ही चेंजेस दिया हुआ है, एक ही सिंगल चेंज, मतलब 2 ही साल का डेटा दिया हुआ है, तब तो एक ही सिंगल चेंज आएगा, तब आप ये लगा सकते हो। पर बहुत सारे डेटा दिए हुए रहेंगे तो ये तरीका फेल हो जाएगा। अगर हर जगह में 2 नहीं आता तो फिर हम कैसे लेते, कौन सा लेते? तो वह इसीलिए ये ज्यादा अप्लाई नहीं होता। आपका मेन जो तरीका मेथड अप्लाई होता है वो ये वाला मेथड अप्लाई होता है। यहां पर भी हम क्या करते हैं, कोवेरियंस निकालते हैं। जैसे मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी मार्कोविच थ्योरी में हमने 2 स्टॉक के बीच का कोवेरियंस निकालते थे ना, x-x bar y-y bar, बस फर्क इतना यहां पर हम कोवेरियंस निकालेंगे स्टॉक और मार्केट का, क्योंकि यहां पर हर स्टॉक को मार्केट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे पता है, स्टॉक एक्स का डेटा लेंगे, ये ना टीसीएस स्टॉक जो एक्स, इसको एक्स मान लिया और मार्केट को एम मान लेंगे। तो ये देखो एक्स माना मैंने कितना 16, 22, 12, 32, 4, इसका एवरेज किया 17.2 आया। फिर एक्स माइनस एक्स बार कर दो, एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर कर दो, वेरियंस आ जाएगा, एसडी आ जाएगा। तो देखिए वेरियंस ऑफ स्टॉक आया 88.96, इसका रूट कर देंगे तो एसडी ऑफ स्टॉक आ गया कितना 9.4318। अब मार्केट की बात करें, यहां पर देखो वाई नहीं है, ये मार्केट है, ये स्टॉक नहीं है, मार्केट है, मार्केट का डेटा ये रहा। तो मार्केट का पिछले 5 साल का डेटा से मार्केट का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल जाएगा, और हम चाहे तो मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, जैसे मैं निफ्टी 20 वगैरह ये सब में मैं पैसा लगा देता हूँ है ना, मार्केट में भी पैसा लगा सकते हो। तो मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें नहीं पता कितना होगा, मार्केट का एक्सपेक्टेड रिटर्न आने वाले टाइम में लग रहा है 12.6% आएगा इन सबका एवरेज। फिर एम माइनस एम बार किया और एम माइनस एम बार होल स्क्वायर किया, वेरियंस निकाला, एसडी निकाला। अब यहां पर मैं क्या निकालूंगा पता, कोवेरियंस निकालूंगा स्टॉक और मार्केट का। स्टॉक और मार्केट का कोवेरियंस कैसे निकलेगा, वही एक्स माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार, देखो x माइनस एक्स बार इंटू एम माइनस एम बार, यानी दिस वन इंटू दिस वन। आप देखो दोनों में माइनस है, दोनों में प्लस है, दोनों में माइनस है, दोनों में प्लस है, दोनों में माइनस है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक गिर रहा है तो दूसरा भी गिर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसे रिस्क तो कटने वाला नहीं है।
बट फिर भी हम कोवेरियंस तो निकालेंगे। तो आप देखो यहां पर हमने एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार किया और ये निकाला, हर जगह पॉजिटिव है क्योंकि माइनस माइनस कट जा रहे, माइनस माइनस कट जा रहे, प्लस 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 रह रहे, एक जगह में प्लस का साइन हो एक जगह में माइनस का साइन हो तब मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन है, तब रिस्क कटता है। यहाँ पर तो हर जगह सेम डायरेक्शन है, तो कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट कितना है 44.48। मैंने बोला ये हमेशा कटा हुआ रिस्क रहता है, ये कटा हुआ रिस्क किसका है, ये स्टॉक का भी है और मार्केट का भी। कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट क्या बताता पता है, ये बताता दोनों का नेट रिस्क, मतलब इसी में आपका स्टॉक का भी नेट रिस्क है, इसी में आपका मार्केट का भी नेट रिस्क है, ये नेट रिस्क है कोवेरियंस जो है। और इंडिविजुअल टोटल रिस्क क्या, ये स्टॉक का टोटल रिस्क ये है, मार्केट का टोटल रिस्क ये। अगर आप स्टॉक का टोटल रिस्क और मार्केट का टोटल रिस्क को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आप देखोगे ये 44.48 आएगा, जो कोवेरियंस आया ना वही टोटल रिस्क आएगा। मतलब आप बोले सर नेट रिस्क और टोटल रिस्क यहां पर सेम है, यस, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर आपका रिस्क कटा नहीं थोड़ा भी। तो यहां पर आप आर निकालोगे तो आर क्या एक्स वाई निकालेंगे कि ना चीना, यहां पर आर एक्स एम निकलेगा, स्टॉक एक्स और मार्केट के बीच का ये जो कोरिलेशन निकाला है, हमने दो स्टॉक के बीच नहीं निकाला, एक स्टॉक और एक मार्केट, स्टॉक और मार्केट के बीच कोरिलेशन निकाला। और कोरिलेशन का फॉर्मूला आर मैंने पहले पढ़ा है, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी, तो कोवेरियंस मैंने 44.48 ऊपर लिख दिया और नीचे इन दोनों को लिख दिया, मेरा वन आर है। और वन आने का मतलब जितना टोटल रिस्क है उतना ही नेट रिस्क होगा आपका। अब मुझे एक बात आपको बताना है, आप मुझे बताइए क्या हमेशा जरूरी है जो टोटल रिस्क है वही नेट रिस्क होगा ना, ये तो एसडी ये टोटल रिस्क है, इसका नेट रिस्क ये भी हो सकता है, इस केस में यही है यहां पर इससे कम भी हो सकता है, एग्रीड, यानी नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आपका कम भी हो सकता है एसडी के कंपैरिजन में, क्योंकि वो कट भी सकता है तो कम भी हो सकता है, पर ये ध्यान रखना मार्केट का एसडी ही मार्केट का नेट रिस्क होता है, क्योंकि मार्केट को स्टॉक नहीं इंडेक्स है, तो इसका जो टोटल रिस्क है एसडी ऑफ मार्केट वही नेट रिस्क ऑफ मार्केट होता है। तो ये ध्यान में रखना, यहां पर मैंने एक पेज जानबूझ के छोड़ा है कि मार्केट का जो एसडी है वही मार्केट का नेट रिस्क हो सकता है, लेकिन जो आपका स्टॉक का एसडी है जरूरी नहीं वो नेट रिस्क होगा, वो हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, कम भी हो सकता है या सेम भी हो सकता है, आपको ये समझना है यहाँ पर। तो अब अगर आपने ये समझा तो अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, देखो देखिए कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट हम कैसे लिख सकते हैं पता है, कोवेरियंस क्या नेट रिस्क है दोनों का, इसको मैं ऐसे लिखूंगा नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स इंटू नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एम, समझ में आया, जो कोवेरियंस है ये दोनों का नेट रिस्क है, स्टॉक एक्स का भी और स्टॉक एम का भी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड एम, स्टॉक एंड मार्केट इक्वल नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स इंटू एसडी ऑफ मार्केट, समझ में, एसडी ऑफ मार्केट, क्योंकि नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही स्टॉक नहीं, ये मार्केट था गलती से स्टॉक लिख दिया, नेट रिस्क ऑफ मार्केट है, क्योंकि ये समझ जाइए जो नेट रिस्क ऑफ मार्केट है उसी को हम एसडीओ मार्केट बोलते हैं, सेम ही रहता है, पर आपका एसडीओ ऑफ स्टॉक और नेट रिस्क ऑफ स्टॉक जरूरी नहीं कि सेम होगा, इसलिए ये तो नेट रिस्क ही लिखा मैंने, पर ये मैंने एसडीओ मार्केट लिखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर आप देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहां पर कोवेरियंस क्या आपके पास है 44.48, ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कोवेरियंस मेरा 44.48 है स्टॉक एंड मार्केट का, नेट रिस्क मुझे निकालना है और मार्केट का एसडी भी मेरे पास है 4.715 नहीं, तो देयर फोर आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आ जाएगा ना, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स क्या आएगा 44.48 डिवाइड बाय 4.715, यानी मैं पता है मैं नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आराम से निकाल सकता हूं अगर मेरे पास देखो यहां पर सिंपल सी बात है टोटल कोवेरियंस ये है और एसडी मेरे पास है तो नेट रिस्क आराम से आ जाएगा, इतना माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है आपको। अगर मैं क्रक्स दूं तो आप सिंपल ये बोल सकते हो कि नेट रिस्क ऑफ स्टॉक अगर मुझे निकालना है एक्स का तो मैं बोलूंगा ये कोवेरियंस तो दोनों का है, दोनों का नेट रिस्क है, इसमें से मार्केट का नेट रिस्क या मार्केट का एसडी डिवाइड कर दूं, बात तो एक ही है, नेट रिस्क डिवाइड करो एसडी डिवाइड करो दोनों सेम ही है तो मेरा आ जाएगा। तो 44.48 जो टोटल दोनों का मिला के नेट रिस्क, इसमें से मार्केट का रिस्क हटा दो 4.715 से डिवाइड कर दो, आपका देख लो 44.48 डिवाइड बाय 4.715 9.4319 और ये वही आया, क्यों, क्योंकि यहां पर आर इक्वल वन है तो रिस्क तो कट नहीं रहा इसलिए वही आया, सिंपल से हल्का सा 1819 मायने नहीं रखता वो, तो आपका एग्जैक्टली वही आ गया यहां पर आपका। तो ये जो मैंने समझा ये रफ है आपका, है ना, अल्टीमेटली आपको बस ये ध्यान रखना है
कि मैंने यहां पर ये बताया कि नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स कैसे निकाल सकते हो आप, यहां पर को वेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट डिवाइड बाय एसडी ऑफ मार्केट करके आप नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकाल सकते हो। ये हमने एक चीज देखा यहां पर। अब आगे कहानी खत्म नहीं हुई, आगे आप देखो यहां पर जैसे मैं बीटा की बात कर रहा था यहां पर, तो मैं को रिलेशन मार्कोव इसमें चला गया, पर मैं बीटा की अगर मैं बात करूं तो बीटा जैसे मैंने कहा था ना चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न निकालते हैं, यहां पर हम बीटा कैसे निकालते हैं पता, को वेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। आपका जो को वेरियंस ये बीटा एक का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, को वेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट होता है, को वेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट ये बीटा होता है आपका, ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अब यहां पर इसी को मैं अगर ब्रेक कर दूं, कोवेरियंस मतलब क्या, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, जो मैंने ऊपर ही बताया था कोवेरियंस क्या था, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इनटू नेट रिस्क ऑफ मार्केट, मैं नेट रिस्क ऑफ एक्स लिख देता हूं सीधा, इनटू नेट रिस्क ऑफ मार्केट को क्या मैं एसडीओ मार्केट लिख सकता हूं, यस नेट रिस्क ऑफ मार्केट लिखना चाहिए, मैंने एसडीओ मार्केट लिखा, क्या दिक्कत है। और नीचे आपका वेरियंस ऑफ मार्केट है, तो इन वेरियंस ऑफ मार्केट और कुछ नहीं है, एसडीओ मार्केट दो बार है, वही तो वेरियंस हो गया, वेरियंस का रूट ही एसडी होता है, तो एक एसडी आपका कट जा रहा है। तो अब मतलब आपको ये समझ में आया कि सर बीटा मतलब क्या हो गया पता है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, ऊपर वाला आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक होगा, नीचे वाला आप नेट रिस्क ऑफ मार्केट बोल दो या एसडी ऑफ मार्केट बोल दो, बात एक ही है क्योंकि वो तो सेम ही रहता है। और नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आपका और कुछ नहीं है, जो एक्स माइनस एक्स बार है ना ये चेंजेस इन स्टॉक ही है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक और कुछ नहीं है, चेंजेस इन स्टॉक ही है, और ये एसडीओ मार्केट चेंजेस इन मार्केट है, तो बीटा इक्वल चेंजेस इन स्टॉक बाय चेंजेस इन मार्केट, ये तो हमने यहां पर देखा था है ना। तो लेकिन आपको ये तो समझाने के लिए था बस, आपको एग्जाम के लिए क्या ध्यान में रखना पता है, एक तो एग्जाम के लिए ये ध्यान रखना है कि बीटा इक्वल क्या होगा, को वेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, को वेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, और ये कहीं ना कहीं चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न, क्योंकि ऊपर आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक और नेट रिस्क ऑफ मार्केट दोनों है, यानी नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है और एसडीओ स्टॉक है, सॉरी नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है और एसडीओ मार्केट है ना, और नीचे एसडीओ मार्केट दो बार, एक एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, नीचे बचेगा एसडीओ मार्केट। तो ये आपका जो नेट रिस्क ऑफ बीटा इक्वल कोवेरियंस मैंने ये बताया आपको, और एक ये चीज है बीटा इक्वल नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय एसडीओ मार्केट, तो मैं इसको इससे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बीटा इक्वल नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाई एसडीओ मार्केट, और इसी से मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि नेट रिस्क ऑफ स्टॉक अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, फिर मैं लिखूंगा बीटा इंटू एसडीओ मार्केट, यानी मार्केट के एसडी में आग अगर अपना बीटा लगा दोगे तो आपका नेट रिस्क आ जाएगा। और इसका भी एकदम सिंपल सा तरीके देखिए, बीटा ही रिलेशन बताता है स्टॉक और मार्केट का, तो मार्केट का एसडी ही मार्केट का नेट रिस्क होता है, वो तो सेम ही रहता है, तो मार्केट का नेट रिस्क बोल दो या मार्केट का एसडी बोल दो, तो मार्केट का एसडी में अगर मैं अपना बीटा लगा दूं तो मेरा अपना नेट रिस्क आ जाएगा। आप बोले सर अगर आपका बीटा 1 है तो मतलब जितना मार्केट का रिस्क होता नहीं आपका रिस्क होगा, क्योंकि ये मार्केट का नेट रिस्क है एसडीओ मार्केट, तो इसमें मैं बीटा अगर मेरा बीटा 2 है तो मेरा नेट रिस्क का डबल होगा मार्केट का एसडी का, है ना। तो आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक क्या आ गया, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा, तो दो प्रकार से मैंने नेट रिस्क बताया आपको, कोवेरियंस बाय वेरियंस, कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट बाय एसडीओ मार्केट करोगे तो आपका नेट रिस्क आएगा, और अगर आप यहां पर बीटा निकालना है आपको तो कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट हो जाएगा आपका। ये सब मैंने यहां पर नीचे लिख रखा हुआ, टेंशन की कोई बात नहीं, ये मैंने पढ़ा दी, ये भी मैंने आपको बताई दिया बीटा वाला, है ना। तो ये देखो ये मैंने लिखा हुआ नेट रिस्क ऑफ स्टॉक क्या हो गया आपका, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा तो आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आ जाएगा, तो ये आपने देखा। और एक इधर बीटा इक्वल क्या, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय एसडीओ मार्केट, ये भी मैंने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पर, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय एसडीओ मार्केट। तो ये सब आपने जो कंक्लूड किया इसका फिर भी इतना जरूरत नहीं, इसका जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूं उसका जरूरत है, वो लास्ट में मैं आपको बता भी दूंगा एग्जाम के लिए, इसका जरूरत है। नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इक्वल क्या होगा, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, बात खत्म आपका, ठीक है। और नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही एसडीओ मार्केट रहता है, वो तो सेम ही रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं आपका। तो अब कोवेरियंस की अगर मैं बात करूं तो कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट क्या है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट। और नेट रिस्क ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, मार्केट के एसडी में भैया अपना बीटा लगा दो। तो देखो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, और नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही एसडीओ मार्केट रहता है। तो मतलब आपका को वेरियंस ऐसे भी आ जाएगा, वेरियंस में अपना बीटा लगा दो तो को वेरियंस आ जाएगा, और ये तो ऐसे भी आ जाता है, इसकी जरूरत ही नहीं। देखो ये आपने क्या बोला, आपने ये बोला था ना कि नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आपका ये बीटा इंटू मार्केट के एसडी में बीटा लगा दो, आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है।
तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक में नेट रिस्क ऑफ मार्केट अगर हम मल्टीप्लाई करते तो ही तो कोवेरियंस बन जाते हैं। मतलब इसमें मैं एक बार और एसडीओ मार्केट लगा दूंगा तो ये कोवेरियंस बन जाएगा, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको यहां पर। फिर भी ये सारा फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है तो हमने रखा है यहां पर, आपका कुछ नहीं। देखो स्टॉक के नेट रिस्क में मार्केट के एसडी में बीटा लगाओ, आपका स्टॉक का नेट रिस्क आ जाएगा। उसी में मार्केट का नेट रिस्क लगा दोगे तो आपका कोवेरियंस बन जाता है वो, क्योंकि कोवेरियंस के नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इनटू नेट रिस्क ऑफ मार्केट। तो यहां पर आप देखिए मार्केट के एसडी में बीटा लगाया और इधर एसडीओ मार्केट यानी वेरियंस में बीटा लगाओगे कोवेरियंस आएगा, एसडीओ मार्केट में बीटा लगाओगे आपका क्या आएगा, नेट रिस्क आएगा। यानी एसडीओ मार्केट में अगर हम बीटा लगाएंगे ये आपका नेट रिस्क बताएगा स्टॉक का, और वेरियंस ऑफ मार्केट में अगर हम बीटा लगाएंगे कोवेरियंस बताएगा स्टॉक और मार्केट का, क्योंकि आपने एक एसडीओ मार्केट जोड़ दिया तो कोवेरियंस बन जाएगा फिर आपका ये। तो ये चीज हमने देखा, बस बात खत्म है ना। अब एक और चीज, अब कोवेरियंस यहां पर देखो फर्क है, ये कोवेरियंस स्टॉक और मार्केट का है। यहां पर कोवेरियंस जो है स्टॉक और स्टॉक का, एक्स और वाई लिया, मतलब दो स्टॉक के बीच का कोवेरियंस क्या होगा। तो आप इसमें भी ऐसे बोल सकते हो दो स्टॉक के बीच का कोवेरियंस क्या होगा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स नेट रिस्क ऑफ स्टॉक वाई, दोनों का नेट रिस्क को मल्टीप्लाई कर दो वही तो कोवेरियंस है, क्योंकि कोवेरियंस कटा हुआ रिस्क होता है। तो आपका दोनों का नेट रिस्क को मल्टीप्लाई कर देना ही कोवेरियंस हुआ। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स कैसे निकलेगा, मार्केट के एसडी में बीटा ऑफ एक्स लगा दो एक्स का बीटा, और नेट रिस्क ऑफ स्टॉक वाई क्या आएगा, मार्केट के एसडी में बीटा वाई का लगा दो। तो ये देखो मार्केट के एसडी में बीटा लगा दिया किसका, एक्स का, और इधर मार्केट के एसडी में बीटा लगाया किसका, वाई का। तो इससे ये वाला फॉर्मूला भी बन के आ जाता है। तो ये सब आपको मैंने यहां पर समझाया, एक बार फटाफट से समझाया, हालांकि क्विक रिवीजन करा रहा हूं तो मैंने फटाफट से समझाया, बाकी वो सब मैंने लिख रखा हुआ नीचे, आपको टेंशन की बात नहीं, जो जो जरूरी चीज है वो मैंने लिख रखा हुआ। अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था, देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट आरएक्सएम, कोरिलेशन कोएफिशिएंट क्या, हमने ऑलरेडी पढ़ा था कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी, ये तो हमने मार्कोविच में पढ़ा था, कोवेरियंस बाय एसडी ऑफ एक्स इनटू एसडी ऑफ एम। और कोवेरियंस और कुछ नहीं, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स है, नेट रिस्क ऑफ मार्केट है, लेकिन नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही आपका एसडीओ मार्केट होता है। तो नीचे का एसडीओ मार्केट जो है और ऊपर का नेट रिस्क ऑफ मार्केट कट जाएगा, तो कोरिलेशन क्या आएगा आपका, कोरिलेशन स्टॉक और मार्केट का क्या आएगा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स बाय एसडीओ ऑफ स्टॉक एक्स। तो इससे हमें निकल के आया हमारा नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स, एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं अभी क्या, अपने ही एसडी में अपना कोरिलेशन, अपना और मार्केट का कोरिलेशन लगा, इसी से हमने निकाला, आइडेंटिफाई किया हमने यहां पर कि अपना ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दो, आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आ जाएगा। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स हमने बताया था पहले आपको एक तरीका, एक तो मैंने बताया था मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगाओ नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा, और एक चीज मैं एड ऑन कर रहा हूं, अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगाओगे तो भी आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का दो तरीका, देखो नेट रिस्क ऑफ मार्केट तो एसडीओ मार्केट होगा, लेकिन नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का दो तरीका है आपका, ये देखो मैंने दोनों लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ, देखो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का दो तरीका आपका, एक तो मार्केट के एसडी में बीटा लगाओ नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा, और या फिर अपने एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगाओ तो भी नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा, दोनों तरीके से नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा। तो क्या आप ये बोल सकते हो ये दोनों सेम है, यस ये दोनों आपका इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब आप ये बोल सकते हो बीटा ऑफ स्टॉक में अपना एसडी लगाओ नेट रिस्क आएगा, और अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगाओ तो भी नेट रिस्क आएगा, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट हुआ आपका। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट हुआ तो इससे हम एक और चीज निकाल सकते हैं यहां पर, इससे हम एक और चीज क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हैं पर मैं एक ही बता रहा हूं, आर हम इसे आर भी निकाल सकते हैं, कोरिलेशन आपका एक प्रकार और हुआ, या फिर बीटा हम निकाल सकते हैं ऐसे। तो बीटा ऑफ एक्स क्या हुआ, इक्वल आर एक्स एम बाय एसडी ऑफ एक्स और डिवाइड बाय एसडी ऑफ मार्केट हो जाएगा, यानी कोरिलेशन इनटू एसडी ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट, इससे भी बीटा आएगा आपका। तो बहुत तरीका, एग्जाम में तो इतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एग्जाम में आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बनेगा आपका, अगर आप उसका समझ जाओगे, चीजों को समझ जाओगे आपका अपने आप ही बनेगा। ये तो मैं आइडेंटिफाई पे, मतलब एक होता है ना एवैल्यूएशन पे एवैल्यूएशन करते जा रहा हूं अलग अलग चीज को, तो यहां पर ये दोनों बराबर है अगर आपको इतना ही पता चल जाएगा तो ये आप कर लोगे, दिक्कत वाली कोई बात यहां पर नहीं आएगी आपका। और या फिर आप इसे आर एक्स एम भी निकाल सकते हो, आर एक्स एम क्या होगा, मार्केट के एसडी में आपका बीटा लगा दो डिवाइड बाय एसडी ऑफ स्टॉक, दोनों निकल रहा है आपका, ये तो अपने आप ही आएगा। तो आपको ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैं नहीं कहता ये सब याद रखिए, आप बस ये याद रख लोगे ना कि स्टॉक नेट रिस्क ऑफ स्टॉक एक्स कैसे निकलेगा, मार्केट के एसडी में बीटा लगाने से भी निकलेगा, और नेट रिस्क ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, अपने एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन। तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का दो तरीका, एक तो मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो,
और या फिर आप क्या करो, एक तो मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगाओ या फिर अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दो। तो अब अगर मैं आपसे कोवेरियंस पूछूं, मैं आपसे ठीक है, अब मैं आपसे अगर कोवेरियंस पूछता हूं, यहां पर इसी को मिटा देता हूं, इसका जरूरत भी नहीं था। देखो कोवेरियंस मतलब क्या, कोवेरियंस एक्स और एम का मतलब क्या, नेट रिस्क ऑफ एक्स इंटू, मैं सीधा एसडीओ मार्केट लिखता हूं, क्योंकि नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही एसडीओ मार्केट होता है, तो इक्वल में नेट रिस्क ऑफ एक्स में क्या लिख सकता हूं, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दिया, ठीक है, इंटू ये एसडीओ मार्केट। तो मैंने बोला बीटा एक्स इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, एक तो ये आया, एक और कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एम निकालने का तरीका एक और, नेट रिस्क ऑफ एक्स इंटू एसडीओ पे, मैं नेट रिस्क ऑफ एक्स में ऐसे लिख सकता हूं अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन, और इधर ये एसडीओ एम तो आ गया। तो ये तो हमने ऑलरेडी पहले से दिखा हुआ है, कोरिलेशन आर इक्वल क्या, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी। तो वैसे कोवेरियंस क्या होगा, जैसे यहां पर ऊपर हमने देखा था, एकदम ऊपर आपने ये देखा था ना, कोवेरियंस कैसे निकलता है, ये देखो आर इक्वल कैसे निकलता है, आर इक्वल कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी। तो कोवेरियंस क्या होगा, कोवेरियंस इक्वल आर, ये ऊपर चला जाएगा आर इनटू एसडी इनटू एसडी। तो वैसे कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट क्या होगा, आर इनटू एसडी ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट। तो ये आया आपका जो मैंने आपको बताया अभी, है ना, ये आया आर इंटू एस डी ऑफ स्टॉक बाय एस डी ऑफ मार्केट, ये तो आना ही है, और या फिर ये आया। तो कोवेरियंस इस प्रकार निकल सकता आपका, है ना। और एक हमने देखा था दो स्टॉक के बीच का कोवेरियंस, अगर हम देखेंगे दो स्टॉक का कोवेरियंस भी हमने निकाला था, आइडेंटिफाई किया था, ये देखो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, आपको बस ये नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लिखना है, और इसका वैल्यू पुट कर दिया आपने। तो एक ये भी तरीका, बीटा एक्स बीटा वाई इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, मतलब ये कुछ नहीं, मार्केट के एस डी में बीटा ऑफ एक्स इंटू मार्केट के एस डी में बीटा वाई, तो बीटा एक्स बन गया, बीटा वाई बन गया, वेरियंस ऑफ मार्केट बन गया, बस बात कर, ये सारा बन गया। तो अगर ये सारा चीज बना आपका, तो अब मैं चाहता हूं हम एक काम करें, ऐसे लिखा हुआ तो है ही, पर आपको अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एक काम करूंगा, मैं फिर से आपके साथ लिखूंगा, मैं एकदम लास्ट में लिखता हूं मैं आपके साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज लिखूंगा मैं खाली। तो ये देखो मैं इंपॉर्टेंट चीज में क्या लिख सकता हूं, बीटा इक्वल कोवेरियंस, आपको ये एग्जाम के लिए ध्यान में रखना, कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, ये आपको बीटा आया, ठीक है। आर इक्वल क्या है, कोवेरियंस बाय एसडी इनटू एसडी, ये आर मैंने किसका निकाला पता है, ये आर एक्सएम का निकाला, आर कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट का निकाला मैंने ये, ठीक है, और या फिर कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक एंड स्टॉक निकालोगे तो क्या आएगा, कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड स्टॉक होगा, फिर एसडी ऑफ एक्स एसडी ऑफ वाई होगा। तो इसी से हमारा निकल के आता है कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट क्या होगा आपका, आर एक्स एम इंटू एसडी ऑफ एक्स एसडी ऑफ एम, और वही अगर और कोवेरियंस हम स्टॉक और स्टॉक का निकालें तो आर एक्स वाई होगा एसडी ऑफ एक्स एसडी ऑफ वाई होगा, अपने आप ही आएगा, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं मैंने पढ़ाया आपको यहाँ पर, ये हमने देखा यहाँ पर, ये चीज मैंने एक सिखाया आपको। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि आपका कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट अगर मैं बोलूं तो मैंने ये बोला ये और कुछ नहीं है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है इनटू नेट रिस्क ऑफ मार्केट है, मार्केट है ना, ये मैंने दिखाया आपको, ये आपको ये समझ में रखना है। अब इतना समझा, अब नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालने का मैंने तरीका बताया आपको कितना सारा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक मैंने क्या बोला, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा, या फिर अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन, ये मैंने आपको यहां पर बताया है ना, इतना आप ध्यान रख लो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है ना, नेट रिस्क ऑफ मार्केट तो एसडीओ मार्केट ही होगा आपको, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपको। तो यहां पर अगर ये पहले लिख देता हूं, चलो ये पहले लिख देता हूं मैं, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक मैंने यहां पर लिखा है, तो यहां पर आपको मैं अब इसको मैं अगर लिखूं तो मैं यहां पर नेट रिस्क ऑफ स्टॉक की जगह लिख सकता हूं मार्केट के एसडी में बीटा लगा दिया इनटू ये एसडीओ मार्केट ही होगा आपका, तो बीटा इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट हो जाएगा ये। और या फिर आप इसको एक और बार ऐसे लिख सकते हो, ये वाला जो हो गया नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, एक और तरीका अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन, और इधर ये हो गया। तो ये तो वो पहले ही निकाला हुआ आपका, ये देखो ये तो पहले से निकाला हुआ आपका, तो ये वही आ गया आपका, तो ये अपने आप आ रहे सारे, ऐसा नहीं कि मैं कुछ करवा रहा हूं। अब अगर मैं कोवेरियंस स्टॉक एंड मार्केट लिया, अब मैं अगर कोवेरियंस स्टॉक और स्टॉक का लूं,
तो ये क्या आएगा, नेट रिस्क ऑफ वाई स्टॉक वाई सॉरी एक्स इंटू नेट रिस्क ऑफ स्टॉक वाई, ये लिखा मैंने। तो ये मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, इधर भी मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगा दो, तो कोवेरियंस क्या बन रहा है, बीटा एक्स बीटा वाई वेरियंस ऑफ मार्केट बन रहा है। ये सब फॉर्मूला एकदम सिंपल है, ये सब याद भी नहीं रखना अगर ये ध्यान में है तो, नेट रिस्क का फॉर्मूला। तो मेन फॉर्मूला क्या है, मेन फॉर्मूला ये है, ये दो मेन फॉर्मूला है आपका, ये मैंने ये हुआ तो सब कोवेरियंस अपने आप निकल के आएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं आपका। और इसी दो से आपका एक और चीज निकल के आया था, इसी दो से एक और चीज निकल के आया था, बीटा इक्वल क्या बोल सकते हैं हम, कोरिलेशन एसडी डिवाइड बाय एसडीओ मार्केट, ये एक और निकल के आया था जो ऐसे एक दो जगह में यूज करता है, बट ये अपने आप ही बनेगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मेन चीज जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको बताई दिया, ये सब की जरूरत ही नहीं, कोवेरियंस अपने आप ही बनेगा। जब आप कोवेरियंस के लिए बस आप इतना ध्यान रखोगे ना, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इंटू नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, बस इससे अपने आप ही आपका ये बनेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात टेंशन वाली बात नहीं आपका। तो ये दो चीज बस आप ध्यान में रखोगे, डेट्स इट, बस बात खत्म, और कुछ भी आपको ध्यान रखने लायक नहीं है। वही चीज मैंने यहां पर भी लिखा है, जो मेन मेन चीज ही मैंने यहां पर लिखा है, अगर आप देखोगे तो ये देखो, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट के एसडी में बीटा लगा दो, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक अपने एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दो, ये तो इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन ही है, ठीक है। और कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट क्या होगा, वही ये तो मैंने खुद से अभी आइडेंटिफाई किया था, है ना, ये आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है, इसमें एक एसडी इक्वल लगा देंगे तो ये कोवेरियंस बन जाएगा, ये ना, और एक और बीटा एक्स बीटा वाई वेरियंस ऑफ मार्केट सब नीचे लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये सब कुछ आपका करा हुआ है। ये मैं यहां से मिटा दे रहा हूं, ये समझाने के लिए था, नीचे भी मैंने फिर से लिखा है। तो ये सब आपको ध्यान में रख लेने से हो गया, बाकी ये सब अब इसको अगर ये सब आपको ध्यान में आया, अब आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक क्वेश्चन है जिसका मैंने एग्जांपल बनाया, ये देखो आप बोला स्टॉक का एसडी दिया हुआ है 20%, बी स्टॉक बी का एसडी दिया हुआ है 18%, स्टॉक सी का एसडी दिया हुआ है 12%, और मार्केट का एसडी ही मार्केट का नेट रिस्क होता है, कोरिलेशन दिया हुआ ए स्टॉक और मार्केट, स्टॉक और मार्केट, स्टॉक और मार्केट का कोरिलेशन। तो मैंने क्या बताया था, अपने ही एसडी में अपना और मार्केट का कोरिलेशन लगा दो कि तो आपका नेट रिस्क नहीं आएगा। तो नेट रिस्क ऑफ ए क्या होगा, नेट रिस्क ऑफ ए होगा अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दो, तो 20 × 0.6 आपका नेट रिस्क ऑफ स्टॉक ए आएगा, यानी 12% आएगा। अब ये देखो, वैसे आपका अगर मैं बोलूं अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दो तो नेट रिस्क ऑफ बी आ जाएगा, ये देखो 18 × 0.95 इधर आ गया आपका 12 × 0.75, तो ये आपका नेट रिस्क आ गया। तो नेट रिस्क तीनों का हमारा आ चुका, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आ चुका है। अब बीटा मैंने क्या बोला था, बीटा मैंने बोला था आप तो कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट निकालो, या फिर बीटा आप ऐसे भी निकाल सकते हो, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न बाय चेंजेस इन मार्केट रिटर्न। चेंजेस इन स्टॉक रिटर्न में हम नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लेते हैं, क्या लेते हैं, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लेते हैं, और नीचे हम एसडीओ मार्केट बोलो या नेट रिस्क ऑफ मार्केट बोलो, पर खैर हम वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यहाँ पर बीटा इक्वल कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर। तो ये देखो नेट रिस्क निकाला आपने, तो क्या आप कोवेरियंस नहीं निकाल सकते आप, हालांकि यहां पर मैंने बीटा वैसे निकाला पर मैं ये मिटा देता हूँ, ये रहन देता हूं मैं, चलो एक और तरीके से कर दूंगा, मैंने नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट बोला, तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक ये एसडीओ मार्केट ही नेट रिस्क ऑफ मार्केट है, तो 12/15 किया मेरा बीटा आ गया, दूसरे का बीटा नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट, एसडीओ मार्केट ही नेट रिस्क ऑफ मार्केट होता है, मेरा बीटा आ गया, ये मेरा बीटा आ गया आपका। अब कोवेरियंस भी हम निकाल लेते हैं, तो अगर आप कोवेरियंस निकालोगे ए और बी का कोवेरियंस क्या होगा, दोनों का नेट रिस्क को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 × 17.1 205.2 होगा आपका, और बी और सी का कोवेरियंस क्या होगा, दोनों का नेट रिस्क को मल्टीप्लाई कर दो 17.1 × 9, ये आ गया आपका, और ए और सी का कोवेरियंस क्या होगा 12 × 9 नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इंटू नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, कोवेरियंस ये तो होता है 108 आ गया आपका। देखिए 108 आ गया, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, देखिए कुछ बफरिंग हुआ था, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। देखिए मैंने क्या बोला, कोवेरियंस कैसे निकलता है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इंटू नेट रिस्क ऑफ स्टॉक। तो आपका ए और बी का कोवेरियंस निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ए और बी का नेट रिस्क ले लूं, ए और बी का नेट रिस्क ये मल्टीप्लाई कर दिया आ गया, बी और सी के लिए बी और सी का नेट रिस्क मल्टीप्लाई कर दिया, और ए और सी के लिए ए और सी का नेट रिस्क मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोवेरियंस आ गया ए बी बी सी ए सी का कोवेरियंस आ गया। अब बीटा का एक और तरीका, बीटा के लिए आप ऐसे भी तो निकाल सकते हो, बीटा इक्वल हमने क्या बोला, कोवेरियंस किसका कोवेरियंस, स्टॉक और मार्केट का कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट से भी आप बीटा निकाल सकते हो, है ना, ये भी आपको तरीका पता है, तो ये तरीके से भी आप कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर एक और चीज निकालूंगा, कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट,
तो देखो स्टॉक और मार्केट का कोवेरियंस ये बीटा इक्वल, आप ये नहीं ले सकते ए और बी का कोवेरियंस, आप बीटा कैसे निकालोगे? आपको अगर ए का बीटा निकालना है तो स्टॉक ए और मार्केट का कोवेरियंस, तो ए का नेट रिस्क 12 है, मार्केट का नेट रिस्क की मार्केट का एसडीए 15 है, तो आप बताइए यहां पर आपका कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक ए और मार्केट कितना होगा? 12 × 15 = 180 होगा, ठीक है। और उधर कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक बी एंड मार्केट क्या होगा? 17.1 × 15 256.5, और इधर 9 × 15 कितना आ जाएगा? 135। तो ये देखो ये कोवेरियंस आ गया आपका तीनों का, स्टॉक और मार्केट का, डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट कर दो तो 180/225 अगर हम करें, 180/225 अगर हम करें तो ये 0.8 देखो वही आ रहा है, फिर 256.5/225 करें 1.14 देखो वही आया, फिर 135/225 करें 0.6 देखो यही आया। क्योंकि मैंने आपको ये तरीका इस तरीके से भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया था, मैं ये चलो ये रहने देता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी ये समझाया था, यहाँ पर रफ वाला पेज में जाता हूँ फिर से, मैं कहाँ गया रफ वाला पेज, ये मैं आपको वापस से बताऊ, मैंने क्या बोला बीटा इक्वल क्या? कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, ये तो मैंने बोला था आपका। कोवेरियंस मतलब क्या? नेट रिस्क ऑफ स्टॉक इनटू नेट रिस्क ऑफ मार्केट है, इसको मैं एसडीओ मार्केट लिख सकता हूँ, तो नीचे एसडीओ मार्केट दो बार है, वेरियंस है ना, तो एक एक कट गया आपका, तो ऊपर तो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बचा, नीचे नेट रिस्क ऑफ मार्केट बचा, ऊपर नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बीटा इक्वल नेट रिस्क ऑफ स्टॉक है डिवाइड बाय एसडीओ मार्केट, क्योंकि नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही एसडीओ मार्केट होता है, तो वही तो मैंने यहां पर लिखा, ये देखो आप, तो आप कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट से भी बीटा निकाल सकते हो, और या फिर आप चाहो तो आप सीधा नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट, या फिर आप इसको एसडीओ मार्केट बोलो, तो इससे भी आप कर सकते हो। तो ये जो है ना, ये आपका जो है, ये आपका एसडीओ मार्केट है, ये आपका एसडीओ मार्केट है, और ऊपर वाला नेट रिस्क, ये आपका एसडीओ स्टॉक नहीं है, ऊपर एसडीओ स्टॉक कभी नहीं ले सकते, ठीक है, ऊपर आप बीटा, ऊपर आप क्या लोगे? नेट रिस्क ऑफ स्टॉक लोगे, तो ये एसडीओ स्टॉक 20/18/12 नहीं आएगा, ये वाला आएगा, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा 12/17.19। तो देखो एसडी यहां पर ज्यादा है, ठीक है, अगर कोरिलेशन 1 होता ना हर जगह पे तब एसडी नेट रिस्क होता, जबकि कोरिलेशन कम है इस वजह से नेट रिस्क भी उतना कम हो रहा है, तो कोरिलेशन 0.6 है, तो 20 का 0.6 12 आ गया, 18 का 0.95 17.1 आ गया, 12 का 0.75 9 आ गया आपका, क्योंकि कोरिलेशन ही तो रिस्क काटता है, जब आर इक्वल 1 हो आपका तो रिस्क नहीं करता, आर जब लेस देन 1 हो तो आपका रिस्क कटता है आपका यहाँ पर, है ना, तो वही चीज हमने यहाँ पर देखा आपको, है ना, क्या ये समझ में आया आपको एकदम अच्छे से? अगर ये एकदम अच्छे से समझ में आया तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये सारा चीज मैंने क्वेश्चन भी करा दिया आपको एकदम अच्छे से, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो भी बता दिया। अब मैं आपको सिक्योरिटी मार्केट लाइन और करेक्टरिस्टिक्स लाइन बताऊंगा, उसके बाद आपका कुछ कुछ साफ रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये सब आपको रिवाइज कराना है, उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चन कराना, फिर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में आ जाएंगे, और जो जो क्वेश्चन है वो भी हम फटाफट से गो थ्रू करवा दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, और मेन मेन फॉर्मूला का एक सीट भी आपको लास्ट में दे दूंगा, जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान में रखना है, बाकी तो मैंने बोला ना ज्यादा कुछ ध्यान में रखना, बीटा का फॉर्मूला, ठीक है, और नेट रिस्क ऑफ स्टॉक पता करना, बस ये पता करने से आपका आराम से हो जाएगा सारा चीज, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ बताया। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन, देखो सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो सिंपल है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन का आपका इक्वेशन क्या पता है? वही रिक्वायर रेट इक्वल आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा, बट आपका जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन है वो सीएपीएम मॉडल में आता है, और सीएपीएम का एजम्पशन क्या रहता है पता है? सीएपीएम का एजम्पशन रहता है ईआर इक्वल्स आरई, तो इसलिए हम ईआर को भी आरई मानते, ईआर को भी आप आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा बोल सकते हो, समझ में आया? ईआर इक्वल आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा हम बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं। अब देखो यहां पर आर एफ सबका कॉमन रहेगा, रिस्क फ्री रेट तो हर स्टॉक के लिए कॉमन है, चाहे टीसीएस हो, विप्रो हो, या टाटा हो, कोई भी हो, आपका आर एफ तो सबका सेम रहेगा, और मार्केट का रिटर्न सेंसेक्स तो या निफ्टी तो एक ही है आपका, तो आर एफ और आर एम सबका सेम रहता है। तो रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं? रिक्वायरमेंट निकालते हैं ना हम, जो ई आर बोल दो या आर ई बोल दो, जो रिक्वायरमेंट निकालते हैं हम, सबका बीटा लगाते हैं। बीटा निकालना हमने सीख लिया,
किसी भी स्टॉक का बीटा निकालते कैसे वो हमने सीख लिया। तो अब आप सबके स्टॉक का बीटा आपने निकाल लिया, वही बीटा आप लगाओगे। तो देखो फाइव, देखो सभी स्टॉक एबीसी, आरती, सन फार्मा, टीसीएस, रिलायंस, कुछ एग्जांपल या सभी का मैंने आरएफ फाइव ही है सबका। आरएफ, आरएफ माइनस आरएफ भी सभी का 12-5 ही आप देख सकते हो, क्योंकि आपका मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना दे रहा है, 7% दे रहा है। अब उसमें अब सब अपना अपना बीटा लगाएंगे। अगर एबीसी का बीटा 0.5 है 0.5 लगाएगा, आरती का 0.8 है 0.8 लगाएगा, सन फार्मा का 1 है, टीसीएस का 1.5 है, रिलायंस का 2 है, ये लगा के सबने अपना रिक्वायर्ड बता दिया। तो आपको ये समझना है, एक ग्राफ के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आरएफ तो हमेशा हमेशा किस पे रहेगा पता है, इस वाई एक्सिस में ही रहता है आपका, क्योंकि आरएफ का बीटा जीरो रहता है आपका। तो इधर मैंने आपका रिक्वायर्ड रखा है और इधर मैंने बीटा रखा, ये रिक्वायर्ड यार अगर सीएपीएम का एजम्पशन है तो यार इक्वल आर ही होगा, अदरवाइज रिक्वायर्ड आपका इधर है और सीएपीएम आर ही निकाल के देता आपको, ये आर ही निकाल के देता है ऐसे, है ना। एसएमएल डिनोट्स आर ही, तो मैं एक बार ईआर नहीं लिखता हूं, मैं आर ही लिखता हूं। आगे जाके एजम्पशन का जब आप इस्तेमाल करोगे तब आप ईआर बोल पाओगे, अदरवाइज आर इक्वल आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा ही हुआ आपका। और सिक्योरिटी वैल्यूएशन में तो लिखा हुआ साफ साफ कि ईआर और आरई को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, अगर आपका स्टॉक करेक्टली प्राइस होता है तो वहां पर ईआर इक्विवेलेंट टू आरई होता आपका। तो अब यहां पर आप देखो ये इक्वेशन आरई का, तो मैंने यहां पर आरई के वैल्यूज पुट किए अलग अलग 20 तक का, तो इसमें ये अलग अलग वैल्यूज आ रहा है और बीटा इधर मैंने रखा, तो मैंने सब प्लॉटिंग किया। ये मैंने बोला 0.5 का बीटा में रिक्वायर्ड कितना 8.5% है, 0.8 के बीटा में रिक्वायर्ड कितना 10.6%, ये प्लॉटिंग किया और प्लॉटिंग करके मैंने ये पता किया, मैंने ये पाया कि स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। और ऑब्वियस ये बात है स्ट्रेट लाइन में आएगा, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा बीटा होगा उतना ज्यादा रिक्वायर्ड होगा आपका। तो एक आपका यूनिफॉर्म के साथ, यूनिफॉर्मिटी के साथ में जैसे जैसे बीटा बढ़ेगा वैसे वैसे रिक्वायर्ड उसी यूनिफॉर्म में उसी रेशियो में आपका रिक्वायर्ड बढ़ेगा, इसलिए आपका हमेशा ये स्ट्रेट लाइन में फॉल करता है। और आपका जो वन से कम बीटा होता है उसे हम डिफेंसिव स्टॉक बोलते हैं, जो वन से ज्यादा बीटा होता है उसे हम एग्रेसिव स्टॉक बोलते हैं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन नंबर 17 है क्वेश्चन बैंक का, वो क्वेश्चन नंबर 17 भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, बेहतर रहेगा। मैं क्वेश्चन बैंक एक बार खोलता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो ये देखो क्वेश्चन नंबर 17, मैं जरूरी जरूरी क्वेश्चन भी फटाफट रिकॉल कराऊंगा। देखिए Assuming that shares of ABC Limited and XYZ Limited are correctly priced, बोला correctly priced है ना, CAPM model, capital asset pricing model के हिसाब से correctly priced है, मतलब क्या बोलना चाहता है, ER equal RE, CMKPM का assumption ये, अगर stock correctly priced होगा तो ER equals RE होगा आपका। तो इन्होंने बोला expected return ये है और beta दिया हुआ है, तो हम equation बना सकते हैं, ABC का equation क्या बनेगा पता है, ER equal RE, लिख दिया RF प्लस आर एम माइनस आर एफ और बीटा की जगह 1.2 लिख दिया, तो आर ई का वैल्यू पुट कर दिया जो कि ई आर ई होगा, और आर एफ आर एम माइनस आर एफ को खाली छोड़ा और बीटा का वैल्यू प्लॉट कर दिया मैंने। फिर नेक्स्ट 17.1 भी आपका एक्स वाई जेड का अगर हम बात करें, 17.1 इक्वल आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू मैंने 0.9 लगा दिया यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर ये मैंने किया। अब अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दू, 1-2 कर दू मैं यहाँ पर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं 1-2 करूंगा तो आरएफ आरएफ कट जाएगा मेरे यहाँ पर, ठीक है। इधर कितना आ रहा है दोनों का डिफरेंस, 1-2 अगर आप कर दोगे 18.1 2.7 आएगा, आरएफ आरएफ माइनस कट जाएगा आपका, और 1.2 आरएफ माइनस आरएफ 0.9 आरएफ माइनस आरएफ अगर आप देखोगे तो 0.3 आरएफ माइनस आरएफ होगा ही। तो देयरफॉर आपका आरएफ माइनस आरएफ कितना आ रहा है पता है, 2.7/0.3, तो ये 2.7/0.3 कितना हो रहा है, ये 9 आ रहा है, तो आर एम माइनस आर एफ हमारा 9 आ रहा है। अब एक इक्वेशन में अगर आप बैठा दोगे इसकी वैल्यू तो आपका आ जाएगा आर एफ, देखो 19.8 इक्वल आर एफ है प्लस आर एम माइनस आर एफ, तो जस्ट मैंने पता किया 9 × 1.2 यानी आर एफ प्लस 10.8 हो जाएगा, तो देयरफॉर आर एफ क्या आएगा पता है, 19.8 − 10.8 आ जाएगा, यानी आर एफ 9 आ जाएगा। तो देखो आर एफ हमारा 9 आ गया पर, अब आर एफ 9 आया तो हम आर एम भी निकाल देंगे, तो जबकि आपका आर एम माइनस आर एफ कितना आया था, 9 आया था, तो आर एम माइनस आर एफ 9 आया था, आर एम माइनस आर एफ की जगह वैल्यू बैठा दिया तो आर एम आपका 18% होगा आपका। तो ये तोड़ने से आपका ये वैल्यू आ जा रहा है, जो कि मैंने यहां पर क्या देखो, दो इक्वेशन बना है यहां पर,
एकदम इजी से इक्वेशन था, ER इक्वल RE होता है, थोड़ा तो RM इक्वल RF प्लस 0.09 बोलो या फिर RM माइनस RF इक्वल टू 9% बोलो, 0.09 लिखा है मैंने डेसिमल में वैसे रख दिया, 9% यानी 0.09 होता है। फिर मैंने इक्वेशन को तोड़ा तो मैंने पाया RF 9% है और आगे फिर RM भी मेरा 18% आ गया। तो आपका इक्वेशन क्या बनता है, देखो इक्वेशन में हम बीटा का जगह खाली छोड़ते बाकी सारा भर देते हैं, क्योंकि बीटा सबको आके अपना प्लॉट करके जाएंगे, तो एग्जाम में ये इक्वेशन आपको देना पड़ेगा, ये इक्वेशन ये एग्जाम के लिए ये जरूरी। अगर SML पूछे, SML का इक्वेशन पूछे तो आप क्या बोलोगे, RF अपने 9 निकाला लगा दोगे, RM 18 निकाला लगा दोगे, RF लगा दिए, बीटा का जगह हमेशा खाली छोड़ना है। तो SML कभी भी पूछे तो बीटा का जगह खाली छोड़ के हम आंसर देंगे 9 प्लस 9 बीटा। अब सब अपना अपना बीटा लगाएगा, ABC अपना बीटा लगाएगा, XYZ अपना बीटा लगाएगा, दूसरा कोई और अपना बीटा लगाएगा, तो इस प्रकार से ये आपका इक्वेशन बनता है। यही आपका था सिक्योरिटी मार्केट लाइन, बहुत ही सिंपल सा चीज था। अगर ये समझ में आया तो अब मैं आपको, स्नीजिंग हो रहा है नहीं आ रहा, एक सेकंड रुकना। देखिए करेक्टरिस्टिक्स लाइन अब हम डिस्कस करेंगे। जैसे सिक्योरिटी मार्केट लाइन जो था ना वो डिनोट क्या करता था बताओ, वो आरई को डिनोट करता था, यानी SML जो वो आरई को डिनोट करता था, उसे हम RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा निकाल देते, और आपने देखा भी था SML का जो इक्वेशन है वो क्या है, RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा ही है, वो RE को सिग्निफाई करता है, RE को डिनोट करता है। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स लाइन जो है ना वो ER को डिनोट करता है, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखो कि आप देखो यहां पर मैंने तोड़ के भी बताया, मैं बताऊंगा करेक्टरिस्टिक्स लाइन किसको डिनोट करेगा, ER को डिनोट करेगा। और करेक्टरिस्टिक्स लाइन में ये एज्यूम किया जाता है कि RF विल ऑलवेज बी जीरो, यानी करेक्टरिस्टिक्स लाइन का जब भी आप इक्वेशन बनाओगे आप ये मान के चलना क्या है, RF जीरो है, याद रहेगा, यस याद रखना पड़ेगा, करेक्टरिस्टिक्स लाइन का एजम्पशन है कि RF आपका जीरो होगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आप देखो जो इक्वेशन जो है ना करेक्टरिस्टिक्स लाइन का वो क्या, अल्फा प्लस बीटा इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट है। और आगे आप जाके पढ़ोगे अल्फा जो है ना, जिसे मैं साफ रेशियो, ट्रेनर रेशियो और जेंसन अल्फा पढ़ाऊंगा, अल्फा इक्वल क्या है पता है, ER माइनस RE है। जब स्टॉक करेक्टली प्राइस होता है तो अल्फा जीरो होता है, क्यों होता है, क्योंकि तब ER और RE सेम ही रहता आपका, तो अल्फा जीरो रहता है। जब आपका ER ग्रेटर देन RE होता है तो अल्फा पॉजिटिव आएगा आपका। ER और RE में क्या फर्क है, RE हमारा रिक्वायर्ड रिटर्न है और ER क्या है आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। जैसे कि आप देखो अगर पिछले सालों का डेटा दिया हुआ है, जो हम एक्स बार निकालते हैं ना, जैसे पिछले सालों का डेटा से आप एक्स बार जो निकाल दो चाहे मार्केट हो या स्टॉक हो, ये जो है ये आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इसी को ER बोलते हैं। और RE कैसे निकलेगा, वो तो RE प्लस RE माइनस RE इनटू बीटा से निकलेगा, जो आपने यहाँ पर बीटा आइडेंटिफाई किया, देख लो मार्केट का क्या रिटर्न है, रिस्क फ्री रेट क्या है, उसमें बीटा निकाल के आप RE निकालोगे यहाँ पर, तो ER ये हो गया, स्टॉक का ER ये, मार्केट का ER ये हो गया, ये मार्केट रिटर्न है, ये और कुछ नहीं, ये मार्केट रिटर्न है। और यही आपका क्या है, ये आपका ER है, स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और आपके पास बीटा RF और RM से आपका RE निकल के आ जाएगा। तो यहां पर ये ध्यान रखना, आपका ER जब ग्रेटर देन RE होता है तब आपका अल्फा पॉजिटिव होता है, ER लेस देन RE होता है तो अल्फा नेगेटिव होता है, वो नीचे मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हमने समझा पर, तो ये इक्वेशन जो है करेक्टरिस्टिक्स लाइन का वो ध्यान रखना, वो है अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। अल्फा क्या है पता है, अल्फा है ER माइनस RE, और बोले सर प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट भी तो है, तो बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट क्या पता है, ये RE है, क्योंकि RF आप जीरो मानोगे, अगर आप RF जीरो मानोगे, देखो RE इक्वल के RF प्लस RM माइनस RF इनटू बीटा में पता है, अगर मैं इसको जीरो ले लूं, इसको भी जीरो ले लूं, तो ये बीटा इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट ही होगा। तो आपका बीटा इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट और कुछ नहीं, RE अगर RF आपका जीरो हुआ तो, है ना, तो ये मेरा RE ही है, तो RE RE कट हो जाएगा, आपका ER ही बचता है जो मैंने आपको बताया था। इसलिए मैंने कहा था करेक्टरिस्टिक्स लाइन जो है वो डिनोट करता है किसको, ER को डिनोट करता है। बट आपको एग्जाम के लिए यही ध्यान रखना है कि इक्वेशन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स लाइन और कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट है। इसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स लाइन तीन प्रकार का बनता है। जब आपका ER इक्विवेलेंट टू RE होता है, यानी अल्फा जब आपका जीरो होता है, अल्फा जब आपका जीरो होगा तो आपका स्लोप ऑफ बीटा जो है ना वो जीरो से शुरू होगा। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, क्विक रिविजन है, एग्जाम ओरिएंटेड बता देता हूं, अगर आप बनाओगे करेक्टरिस्टिक्स लाइन तो ये ध्यान रखना, आपका जो अल्फा है अगर जीरो हुआ तो स्लोप ऑफ बीटा जीरो से शुरू होगा, लेकिन अगर आपका अल्फा पॉजिटिव है तो स्लोप ऑफ बीटा आपका जीरो से चालू नहीं होगा, वाई एक्सिस में जीरो के ऊपर, ओवर जीरो, जीरो के ऊपर से शुरू होगा आपका। लेकिन जब आपका अल्फा नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वो जीरो के नीचे, जीरो के नीचे ये तो नेगेटिव हो गया,
तो ये जो नेगेटिव एरिया यहां से शुरू होगा आपका, यानी जीरो से नीचे से शुरू होगा, वाई एक्सिस ये, वाई एक्सिस में जीरो के ऊपर से शुरू कब होता है, जब अल्फा पॉजिटिव होता है। जीरो से नीचे से कब शुरू होगा, जब अल्फा आपका नेगेटिव होगा। तो तीन प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन बनता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में ही हम इसके अंदर हम दो फॉर्मूला सीखते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क और कुछ नहीं, जो नेट रिस्क ऑफ स्टॉक निकालते थे ना मार्केट के एसडी में, बीटा लगाने से नेट रिस्क ऑफ स्टॉक आता है, वही सिस्टमेटिक रिस्क है। तो आपका अब एक बात बताओ, टोटल रिस्क इक्वल क्या होगा? टोटल रिस्क मतलब क्या, नेट रिस्क होगा प्लस समथिंग होगा, क्योंकि नेट रिस्क आपका कम होता है, लेस देन टोटल रिस्क होता है। नेट रिस्क में कुछ जोड़ दोगे तो आपका टोटल रिस्क आता है, तो वो जो कुछ जोड़ देंगे ना उसी को हम अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते हैं, और नेट रिस्क को कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक रिस्क बोला जाता है, बस वो वेरियंस फॉर्म में हम बताते हैं। तो आप देखिए यहां पर, अब आपको ये ध्यान में रखना है, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आपको बता रहेगा अल्फा प्लस बीटा इनटू रिटर्न द मार्केट, और ये ध्यान रखना सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए स्टॉक जब भी आपके दिमाग में, नेट रिस्क को याद करना, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ ए स्टॉक जब भी दिमाग में, नेट रिस्क को याद करना, नेट रिस्क ऑफ ए स्टॉक। नेट रिस्क ऑफ ए स्टॉक का मैंने दो फॉर्मूला बताया था, एक मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगाना, मार्केट के एसडी में बीटा लगाना, और एक अपने एसडी में अपना और मार्केट का कोरिलेशन लगाना। बट सिस्टमेटिक रिस्क के लिए पहले वाला फॉर्मूला कौन सा, मार्केट के एसडी में अपना बीटा लगाना ही सिस्टमेटिक रिस्क है, बस उसको वेरियंस फॉर्म में रखेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये देखो यहां पर, अब इसको ये बोलो या फिर बीटा ऑफ एक्स इंटू एसडी ऑफ मार्केट को स्क्वायर कर दो, तो अब इसको पूरा को स्क्वायर कर दो या फिर बीटा को स्क्वायर कर दो, मार्केट को भी स्क्वायर कर दो, एसडी ऑफ मार्केट को, तो बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट बन जाता है। क्या ये सिस्टमेटिक रिस्क है, और ये टोटल रिस्क नहीं, ये कटा हुआ रिस्क है, नेट रिस्क के बराबर ही है। इसमें ही हम अनसिस्टमेटिक रिस्क को जोड़ देंगे तो टोटल रिस्क आ जाता है। अनसिस्टमेटिक रिस्क कुछ नहीं है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म, एरर टर्म ईआई बोला जाता है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म को ही अनसिस्टमेटिक रिस्क बोला जाता है। तो ये तो मैंने स्टॉक की बात की, स्टॉक का सिस्टमेटिक रिस्क है बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट, यानी नेट रिस्क का स्क्वायर फॉर्म है ना, और अनसिस्टमेटिक रिस्क है वेरियंस ऑफ एरर टर्म। तो टोटल रिस्क क्या होगा, टोटल रिस्क होगा सिस्टमेटिक रिस्क अनसिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक रिस्क में कुछ जोड़ दो, अनसिस्टमेटिक जोड़ दो, यही आपका टोटल रिस्क है, क्योंकि टोटल रिस्क मतलब पूरा रिस्क, और सिस्टमेटिक रिस्क मतलब नेट रिस्क, इसमें आपका जो एक्स्ट्रा से एरर है वो जोड़ देंगे तो टोटल रिस्क आता है। तो ये ध्यान रहेगा, टोटल रिस्क इक्वल सिस्टमेटिक प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो गया आपका, मार्केट के एसडी में बीटा लगाओ स्क्वायर फॉर्म में, और अनसिस्टमेटिक रिस्क है वेरियंस ऑफ एरर टर्म। तो ये तो मैंने स्टॉक का बताया, अगर आप पोर्टफोलियो की बात करोगे तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो अगर मैं लूंगा, जैसे मैंने यहां पर लिया, यहां पर एक्स लिया, मैंने स्टॉक लिया बीटा स्टॉक का, अगर मैं पोर्टफोलियो का सिस्टमेटिक रिस्क निकालूंगा तो मैं बीटा पोर्टफोलियो का लूंगा। जैसे अलग अलग स्टॉक का बीटा है ना, वो तो अगर वो इस्तेमाल करोगे तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक आएगा। अगर पोर्टफोलियो का बीटा निकालिए आपने, अलग अलग स्टॉक का बीटा में एवरेज करो, वेट लगाओ, आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा। तो मार्केट के एसडी में पोर्टफोलियो का बीटा लगा दोगे, स्क्वायर कर दोगे, तो वो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो हो जाएगा। और अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो क्या पता है, जैसे हमने रिस्क ऑफ ए पोर्टफोलियो निकालते थे ना, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी प्लस वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ सी प्लस टू इंटू वेट इंटू वेट इंटू को वेरियंस, ऐसे करते थे हम लोग। लेकिन यहां पर जब अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो होगा तो वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ ए होगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ बी होगा, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ सी होगा, ये होगा, लेकिन आपका कोवेरियंस का यहाँ पर कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये एरर टर्म है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है, ये कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पर कोवेरियंस का कोई काम नहीं है। यहाँ पर आप क्या करोगे, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एरर टर्म ऑफ ए, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एरर टर्म ऑफ बी, यानी ये देखो ई भी लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब वेरियंस ऑफ एरर टर्म, तो ये अलग अलग स्टॉक का ही आएगा वेरियंस ऑफ एरर टर्म, तो सब में वेट स्क्वायर लगा देना, वही आपका अनसिस्टमेटिक रिस्क है, और टोटल क्या होगा, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक का प्लस। तो ये याद रहेगा सर, हाँ, सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक मार्केट के एसडी में अपना स्टॉक का बीटा लगाओगे, और पोर्टफोलियो का पूछेंगे तो पोर्टफोलियो का बीटा लगेगा, बस इतना ही। अनसिस्टमेटिक रिस्क स्टॉक का है वेरियंस ऑफ एरर टर्म, और वैसे पोर्टफोलियो मतलब एक से ज्यादा स्टॉक होगा, तब हम लेंगे वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एरर टर्म ऑफ स्टॉक एक्स, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एरर टर्म ऑफ वाई, वेट स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एरर टर्म ऑफ जेड, जितना आपका स्टॉक है उस हिसाब से आपका चलते जाएगा आपका ये। और टोटल रिस्क पोर्टफोलियो का अगर हुआ तो सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो और अनसिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, बस बात खत्म। तो ये अगर आपने समझा, तो मैं अब आपको एक क्वेश्चन भी आपको इसका मैं बता देता हूं, एक अच्छा सा कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का एक क्वेश्चन भी है, वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो ध्यान दे दीजिए आप एक बार बस खाली। ये देखिए यहां पर, आप यहां पर इन्होंने क्या दिया हुआ है, सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न दिया हुआ है, मार्केट का रिटर्न दिया हुआ है, ये एक्स हो गया, ये एम हो गया, तो इसका एवरेज कर दोगे तो आपका एक्स बार जो आएगा ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। आप इन सबको टोटल डिवाइड बाय 10 करोगे
तो ये जो 12 आएगा ना, यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है, ठीक है। फिर आपका जो मार्केट का भी निकालोगे, आपको मैंने यहां पर तो थोड़ा सा अलग वे में किया इन्होंने, मार्केट का भी रिटर्न जो हम अपने तरीके से करते हैं, मेरे क्वेश्चन बैंक में देखोगे मार्केट का रिटर्न भी जो आएगा, जैसे एम माइनस एम बार, मार्केट के रिटर्न से आप एम माइनस एम बार होल स्क्वायर करोगे, वेरियंस ऑफ मार्केट आएगा, एसडी ऑफ मार्केट आएगा, है ना, और एक आपका एम बार भी तो आएगा। तो जो एम बार है वही आपका क्या पता, रिटर्न ऑफ मार्केट है, मार्केट का रिटर्न वही हो गया आपका, है ना, तो वो आपका मार्केट का रिटर्न हो जाएगा। जैसे हमने कहा था ना आपका जो अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, तो रिटर्न ऑफ द मार्केट और कुछ नहीं, इनका एवरेज ही आपका, और बीटा निकालेंगे इन दोनों से आपका कोवेरियंस आएगा, कोवेरियंस बिटवीन स्टॉक एंड मार्केट बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, तो बीटा इक्वल कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट, इसी से निकल ही जाएगा आपका ये, मैंने तो ऐसा एग्जांपल भी आपको करवा दिया था, है ना, तो बीटा आपका निकल जाएगा, देखो आपका इससे आपका इन दोनों का एक्स माइनस एक्स बार आएगा, इसका एम माइनस एम बार आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन से कोवेरियंस आ जाएगा और इससे आपका वेरियंस ऑफ मार्केट आ जाएगा, तो बीटा भी आपका निकल जाएगा, सिक्योरिटी एक्स से ईआर निकल जाएगा, इससे आपका रिटर्न ऑफ मार्केट निकल जाएगा, अपने आप कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन का इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा इनटू रिटर्न ऑफ द मार्केट। और आप ये ध्यान में रखना, यहां पर आप इक्वेशन में जो आप खाली जगह छोड़ते हो वो मैं आपको बता देता हूं, कौन सा खाली जगह छोड़ोगे, हमेशा रिटर्न ऑफ द मार्केट, अल्फा पुट कर देना, बीटा पुट कर देना, बस रिटर्न ऑफ द मार्केट को खाली छोड़ना। जैसे हमने क्या देखा था, सिक्योरिटी मार्केट लाइन में बीटा को खाली छोड़ते थे, आरएफ आरएन को फिल कर देते थे, बीटा को खाली छोड़ते थे, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन में आप रिटर्न ऑफ मार्केट को खाली छोड़ो, क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक है कि सिक्योरिटी मार्केट लाइन में बीटा ही सब कुछ है, बीटा के बेसिस में आपका रिक्वायर्ड बदलता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन ये बोलता है कि आपका मार्केट का रिटर्न के बेसिस में स्टॉक का रिटर्न चेंज होता है, ये भी सही बात है ना, तो इसलिए मार्केट का रिटर्न का जगह खाली छोड़ा जाता है। बाकी मैंने डिटेल्ड रिविजन में तो ये सब कुछ अच्छे से बताया हुआ ऐसे भी, है ना, तो ये सारा मैंने आपको समझा दिया। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पर उससे पहले मैं आपके साथ एक दो कंसेप्ट और डिस्कस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ एक दो कंसेप्ट और डिस्कस करूंगा, फिर क्वेश्चन क्वेश्चन जो रहेगा आपके साथ डिस्कस करूंगा। साफ रेशियो, साफ रेशियो, अब ये ध्यान रखना, साफ रेशियो और कुछ नहीं है, एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ एसडीए, यानी 1% का एसडी का रिस्क उठाने के लिए आप एक्स्ट्रा रिटर्न कितना कमा रहे हो। एक्स्ट्रा रिटर्न का मतलब ये जो आपका ईआर, ये टोटल रिटर्न है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, इसमें आप आरएफ माइनस कर दो, क्योंकि आरएफ के लिए रिस्क नहीं उठाना पड़ता है, तो आरएफ माइनस कर दो, ईआर से आरएफ माइनस कर दिया, वही मैं एक्स्ट्रा रिटर्न बोलता हूं। एक्स्ट्रा रिटर्न मतलब आरएफ के ऊपर कितना कमाया, क्योंकि आरएफ में तो रिस्क उठाना नहीं पड़ता है, तो आरएफ के जो ऊपर कमाया उसी के लिए तो रिस्क उठा रहे हो, तो उसके लिए रिस्क उठा रहे हो, मतलब कितना 1% का रिस्क में कितना रिटर्न कमा रहे हो, तो इसलिए आपका साफ रेशियो क्या है, ईआर माइनस आरएफ बाय एसडी हो गया आपका। ट्रेनर रेशियो क्या है आपका, ईआर माइनस आरएफ बाय बीटा है, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, साफ रेशियो का पहला लेटर एस है, एसडी हो, और ट्रेनर रेशियो में बीटा होगा, ये देखो, ठीक है, समझ में आया। और जेनसन अल्फा मैंने ऑलरेडी बता दिया, अल्फा इक्वल क्या, ईआर माइनस आर ई है, अगर अल्फा जीरो है मतलब करेक्टली प्राइस है, जहां पर ईआर इक्विवेलेंट टू आर ई होता है, यहां पर आपका क्या होता है पता है, ईआर इक्विवेलेंट टू आर ई होता है आपका, ठीक है, और अल्फा पॉजिटिव हुआ तो यहां पर ईआर आपका ग्रेटर देन आर ई होता है, तब अल्फा पॉजिटिव रहता है, और जब ईआर लेस देन आर ई होता है तब अल्फा नेगेटिव होता है, तो ये आपका। और ये ध्यान रखना, हमेशा साफ रेशियो ट्रेनर रेशियो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ऊपर रिटर्न है, न्यूमरेटर में रिटर्न है, रिटर्न जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन था, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम निकालते थे एसडी बाय कैश फ्लो या एसडी बाय एनपीवी या एसडी बाय एक्सपेक्टेड एसडी बाय मीन, ऊपर वहां पर एसडी होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में ऊपर न्यूमरेटर में एसडी होता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम हुआ जाता अच्छा माना जाता है, लेकिन साफ रेशियो ट्रेनर रेशियो में ऊपर रिटर्न है इसलिए ये ज्यादा हुआ हुआ अच्छा माना जाता है ना, तो ये साफ रेशियो ट्रेनर रेशियो जेनसन अल्फा भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। अब इसके रेस्पेक्ट में कुछ क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला क्वेश्चन कराऊंगा, पर उससे पहले साफ रेशियो वाले क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इन्होंने ईआर दिया हुआ है सभी का, ए बी और सी का ईआर दिया हुआ है, एसडी दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है, कोरिलेशन विद मार्केट दिया हुआ है आपको, आरएफ आरएम और एसडी दिया हुआ है। तो अगर आपको साफ रेशियो निकालना है तो टेंशन की कोई बात नहीं, ये जो ईआर है ना इसमें आरएफ माइनस कर दो,
19 माइनस 9 क्या होगा 10 होगा, 15 माइनस 9 क्या होगा 6 होगा, 15 माइनस 9 क्या होगा 6 होगा, ये ER माइनस RF हो गया, इसको डिवाइड बाय SD कर दो। आपने डिवाइड बाय SD किया आपका साफ रेशियो आ जाएगा। तो देखो 10 डिवाइडेड 2.5 4, 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 डिवाइडेड बाय 0.8 7.5 आपका साफ रेशियो आ जाएगा। अब ट्रेनर रेशियो के लिए मुझे क्या चाहिए, बीटा चाहिए। ER माइनस RF तो चलो ठीक है, मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, यही है 10, यही है 10, 6 और 6, ये ER माइनस RF है, मुझे बीटा निकालना है। तो मैं बीटा कैसे निकालूंगा, अब ये टेंशन की घड़ी आ गई, बीटा कैसे निकालोगे। तो बीटा निकालने के लिए आप देखो इंफॉर्मेशन क्या दोगे, देखो अपने ही एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगा दोगे तो आपका नेट रिस्क आ जाएगा। तो अब स्टॉक ए का नेट रिस्क क्या होगा, अपने एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन, कोरिलेशन विद मार्केट मतलब आरएक्स, तो नेट रिस्क आ जाएगा, दिस इनटू दिस करोगे नेट रिस्क आ जाएगा। और बीटा क्या, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय एसडी ऑफ मार्केट डिवाइड बाय एसडी कर दो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट रिस्क आएगा, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया नेट रिस्क आ गया, नेट रिस्क तीनों केस में आ गया। अब नेट रिस्क अगर तीनों केस में आ गया तो बीटा भी आ जाएगा, बीटा क्या होगा नेट रिस्क ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय एसडी ऑफ मार्केट, देखो डिवाइड बाय एसडी ऑफ मार्केट कर दिया, नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही एसडी ऑफ मार्केट होता है, तो आपका बीटा आ गया। अब कुछ नहीं करना है, ER माइनस RF में बीटा से डिवाइड कर दो, ट्रेनर रेशियो क्या है ER माइनस RF बाय बीटा, तो 10 डिवाइड बाय बीटा, सॉरी 10 डिवाइड बाय 1.75, 6 डिवाइड बाय 0.9, 6 डिवाइड बाय 0.65 आपका ट्रेनर रेशियो आ जाएगा। तो आराम से आपको तो ये समझ में आया, बस ये ध्यान रखना नेट रिस्क ऑफ बीटा इक्वल क्या है, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक, नेट रिस्क ऑफ स्टॉक हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां पर अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो ये होगा आपका, पर मैं लॉजिकली बताता हूं। तो मार्केट के एसडी में नहीं, अपने एसडी में अपना मार्केट का कोरिलेशन लगाया तो आपका नेट रिस्क आएगा और नीचे नेट रिस्क ऑफ मार्केट, तो बीटा इक्वल हुई था नेट रिस्क ऑफ स्टॉक बाय नेट रिस्क ऑफ मार्केट, नेट रिस्क ऑफ मार्केट ही एसडी ऑफ मार्केट, तो आपका ये आएगा। आप वैसे समझो या फिर फॉर्मूला याद करो, आपका कॉल है ये, ठीक है, तो आपका फिर आ जाएगा आराम से। तो ये भी मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया, अच्छा क्वेश्चन जो एक था वो मैंने आपको करवा दिया। अब इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन बैंक का वो डिस्कस कराऊंगा और आगे कुछ कुछ म्यूचुअल फंड का भी क्वेश्चन है, ये पहले डिस्कस कराते तो फिर क्वेश्चन नंबर 11, 19, 20 अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो मैंने देखे उठाने का है, जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना उठाने का, वही मैं सारे यहाँ पर रखा है मैंने, जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना चाहिए। उसके बाद भी कुछ बचेगा तो वो भी मैं बता दूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। चलो तो मैं एक और क्वेश्चन जो है आपका साफ रेशियो का वो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड में एक क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो का एक कंसेप्ट है। एनएवी म्यूचुअल फंड का 70.71, जिसमें 99% इक्विटी 1% कैश है। साफ रेशियो दिया हुआ है, ट्रेनर रेशियो दिया हुआ है, एसडी म्यूचुअल फंड का डी का दिया हुआ है, एसडी म्यूचुअल फंड डी का एसडी दिया हुआ है आपका, ठीक है। और आपका एनुअल कॉस्ट 3% पर है ना, मैं एक कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे, एनएवी म्यूचुअल फंड के मैंने अच्छा एक ही लिया यहाँ पर, अच्छा एक ही इन्फॉर्मेशन लिया, क्वेश्चन वहां पर दो म्यूचुअल फंड का, मैंने एक ही का लिया यहाँ पर। तो एनएवी म्यूचुअल फंड और एसडीओ म्यूचुअल फंड भी डी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लिया मैंने। म्यूचुअल फंड का एनएवी इतना है, 99% इक्विटी 1% कैश है, साफ रेशियो ट्रेनर रेशियो दिया हुआ है, एसडी भी दिया हुआ है, एनुअल कॉस्ट बता दिया 3 रुपीज पर है ना, मैं बोला मार्केट फॉलो का 5% से, तो मार्केट अगर फॉल होगा आपका 5% से तो एसडीओ मार्केट क्या होगा 5, मार्केट फॉल होगा 5% से मतलब हम मानेंगे कि मार्केट का चेंज कितना 5%, हम एसडीओ मार्केट 5% मानेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें एसआर दिया हुआ, तो हम एसआर का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे, हमें पता साफ रेशियो, एसआर मतलब साफ रेशियो इक्वल क्या ER माइनस आर एफ बाय एसडी, और टीआर भी दिया हुआ टीआर इक्वल ER माइनस आर एफ बाय बीटा, तो ER माइनस आर एफ, ER है क्या आपके पास, ये देखिए आप ER नहीं है, RF भी नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास SD है, तो हम ER माइनस RF का जगह खाली छोड़ देंगे, SD का जगह फुल कर देंगे, और SR का भी जगह हमारे पास है, SR साफ रेशियो भी 2 हमारे पास है, तो इससे हमने ER माइनस RF निकाल लिया, क्योंकि SD का वैल्यू हमारे पास है, सॉरी साफ रेशियो का वैल्यू हमारे पास है, SD का भी वैल्यू हमारे पास है, तो इससे हमने ER माइनस RF निकाल लिया। अब ट्रेनर रेशियो में हम क्या करेंगे, ट्रेनर रेशियो भी 15 आपके पास है और ER माइनस RF जस्ट अभी निकाला 22.5, वो सब केस में सेम रहेगा, तो अब आपका बीटा जो नहीं था वो बीटा आपने निकाले 1.5, तो बीटा 1.5 का मतलब क्या है पता है,
अगर मार्केट 5% से गिर रहा है और आपका बीटा 1.5 है, मतलब आप 7.5% से गिरोगे, तो स्टॉक कितने से गिरेगा? 7.5% से गिरेगा। अब आपका स्टॉक कितना है? 70.71 में 99% इक्विटी है, तो 70.71 का 99% कितना है? 70 है। ये 70 आपका गिरेगा 7.5% से, तो 64.75 होगा। और कैश तो आपका वही का वही रहेगा जो आपका 1% है। 70.71 का 1% करोगे आपका 0.71 आएगा, 0.707 राउंड ऑफ कर दिया, 0.71 आएगा। तो 0.71 आपका जो है ये वही का वही रहेगा, लेकिन इसमें एक आपका एनुअल कॉस्ट ₹3 पर है ना, मैं ये माइनस करेंगे यहां पर, ये 1 मंथ का हम कर रहे हैं, ये आपका 1 मंथ का है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 1 मंथ का ध्यान रखना, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तो 1 मंथ का कितना रहेगा ये? 3 × 1/12, 0.25 आएगा। तो 0.25 का मेरा खर्चा है, तो वो तो कैसे माइनस करूंगा? तो मेरा अल्टीमेटली एनएवी 65.21 आएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, साफ रेशियो और एसडी दिया हुआ था, जिसकी मदद से मैंने ईआर माइनस आरएफ निकाल लिया। अब इसी ईआर माइनस आरएफ का यूज करके ट्रेनर रेशियो भी दिया हुआ, मैंने बीटा पता किया। अब मार्केट 5% से गिरा, हमारा बीटा 1.5 है, तो हमारा स्टॉक 7.5% से गिरेगा। 70.7 का हमारा एनएवी म्यूचुअल फंड था ओपनिंग, 99% इक्विटी, 1% कैश है, तो 99% जो इक्विटी है वो 70 का इक्विटी और 0.71 का कैश है, मैंने पता कर लिया। यानी 70.71 में 70 का इक्विटी और 0.71 का कैश है। ये 70 जो है 7.5% से गिरेगा, क्योंकि मार्केट 5% से गिरा, हमारा बीटा 1.5 है, हम 7.5% से गिर के इतना आ जाएगा। और इसमें हम 0.25 का जो हमारा एक्सपेंस है वो माइनस करेंगे, कैश 0.46 आ गया, 65.26 टोटल हो जाएगा आपका, बस बात खत्म। ये भी मैंने अच्छा क्वेश्चन था जो आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलिए, कुछ कुछ और अच्छे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फिर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत सिंपल है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको बता देता हूं कैसा है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखोगे, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कृष्णा लिमिटेड का। कृष्णा लिमिटेड का बता दिया एवरेज शेयर प्राइस, डिविडेंड पर शेयर, एवरेज ये मार्केट का इंडेक्स है, ये ध्यान रखना, ये एवरेज मार्केट का इंडेक्स है, और ये डिविडेंड यील्ड भी मार्केट का बोला। मतलब कृष्णा लिमिटेड का तो डिविडेंड ये है स्टॉक का, अलग से डिविडेंड यील्ड और दिया है, तो ये मार्केट का दिया, इनको लिखना था मार्केट, इन्होंने मिस कर, ये लिखना था। और ये रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, मतलब ये आरएफ हो गया आपका। तो मेरी बात सुनो, हमें क्वेश्चन ने बोला बीटा बताओ, तो बीटा बताने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए स्टॉक का भी, और एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए मार्केट का भी, तभी तो आएगा। मार्केट का क्या क्या रिटर्न है उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा, और स्टॉक का भी एक्सपेक्टेड रिटर्न निकलेगा। तो आप देखो यहाँ पर 2012 में स्टॉक का प्राइस 245 था, और 2013 में 53 हो गया, यानी ₹8 बढ़ा। और हम अब क्या करेंगे, 2012 से पहले क्या प्राइस था हमें नहीं पता, तो 2012 का रिटर्न निकालना पॉसिबल नहीं है, बट 2013 का रिटर्न निकालना पॉसिबल है। 2013 में 245 से 253 हो गया, यानी ₹8 प्राइस चेंज हुआ, और डिविडेंड हमें मिला ₹22, यानी ₹30 हमें मिला, और ओपनिंग कितना था 245। तो 30/245 × 100 अगर हम करेंगे तो हमारा रिटर्न आ जाएगा कृष्णा का। तो वैसे ही करके हम 3 साल का, भले 4 साल का डेटा दिया हुआ है, बट आप 3 साल का रिटर्न निकाल सकते हो। कृष्णा लिमिटेड का 2012 का रिटर्न हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि उससे पहले का प्राइस नहीं पता। 13, 14, 15 का हमने निकाल लिया। देखो ये आपका प्राइस चेंज था, ये आपका डिविडेंड था, डिवाइड बाय ओपनिंग प्राइस 245 था आपका 2012 के बिगिनिंग में, यानी 13 के बिगिनिंग में, मतलब 2012 में आपका, अगर 1 अप्रैल 2012 समझ लो, जो भी समझो, आपका बिगिनिंग में 245 था आपका, है ना। तो ये परसेंटेज रिटर्न है, ऐसे ही आप 3 साल का रिटर्न निकालोगे कृष्णा लिमिटेड का। मार्केट का भी रिटर्न आप कैसे निकाल सकते हो? देखो मार्केट में एकदम सिंपल तरीके से अगर आप देखोगे, डिविडेंड का परसेंटेज ही सीधा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बस जो प्राइस चेंज है ना उससे परसेंटेज निकालो। प्राइस कितना चेंज हो रहा है 2013 में? आपका 117 बढ़ रहा है, कहां से? 2013 से। 117/2013 × 100, तो प्राइस चेंज का परसेंटेज देख लो, तो आपका ये जो परसेंटेज आएगा ये प्राइस चेंज का परसेंटेज आ जाएगा, प्लस आपका ये तो दिया हुआ है डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज, तो आपका रिटर्न आ गया यहाँ पर। तो डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज 5% हमने सीधा ही ले लिया, देखो 5, 6, 7 हम सीधा ही ले लेंगे, और बाकी प्राइस चेंज का परसेंटेज अलग से निकाल लेंगे हम यहाँ पर। 5, 6, 7 ले लिया और सीधा लगा दिया, तो ये आपका रिटर्न आ गया, स्टॉक का रिटर्न हो गया, ये आपका मार्केट का रिटर्न हो गया। आपको मेहनत इसी में करनी है, ये कर लिया फिर तो आपको आता ही है। तो देखो स्टॉक का रिटर्न मैंने यहाँ पर लिखा x, x बार निकाला, x माइनस x बार, और वेरिएंस और एसडीओ एक्स निकाल लिया।
वैसे एम का रिटर्न निकाला, एम माइनस एम बार वेरियंस ऑफ मार्केट निकाली, एसडीओ मार्केट निकाल लिया, और यही एक्स माइनस एक्स बार एम माइनस एम बार को मल्टीप्लाई करके को वेरियंस भी निकाल लिया, टोटल डिवाइड बाय थ्री करके। अब बीटा क्या, बीटा इक्वल क्या, को वेरियंस डिवाइड बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। तो को वेरियंस है 14.1325 और वेरियंस ऑफ मार्केट है 7.3825, 1.913 आपका बीटा आ गया आपका। और आईसी के आंसर अगर आप देखोगे ये आपको 1.897 आ रहा है, हमारा 1.9 है ना, तो लगभग सेम ही है, बस इनका तरीका जो है वो थोड़ा सा अलग है। हम अपना तरीका से भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप फिर भी बोलोगे नहीं सर हमें तो आईसीए का तरीका ही करना है, देखो हर जगह मैंने आईसीए का तरीका पढ़ा है, ये भी आईसीए का तरीका है, ऐसा नहीं है जो मैंने आपको कराया वो आईसीए का तरीका नहीं है, बस फर्क इतना आईसीए अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करता है। यहां पर इसने अलग तरीका का इस्तेमाल किया, यहां पर इसने एक्स का रिटर्न लिया, मार्केट का रिटर्न लिया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और एक आपका वाई स्क्वायर निकाल के मार्केट का वेरियंस भी ऐसे करके निकाला। फिर आपको ये फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा जो कि आपको याद करना, अगर आप चाहो तो ये याद करके कर सकते हो, पर मेरा वाला भी पूरा करेक्ट है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऑब्जर्वेशन जो है ना, यहाँ पर इन्होंने पूछा है आप अपना ऑब्जर्वेशन भी दीजिए, ये ऑब्जर्वेशन से मैं थोड़ा सा कम संतुष्ट हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ी गड़बड़ी नजर आ रही है, वो आप देख लीजिएगा। ये जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ यहाँ पर आपका, ऑब्जर्वेशन में इन्होंने क्या दिया पता है, क्या किया इन्होंने, ये जो बीटा निकाला ना, ये बीटा का हर जगह पे इस्तेमाल किया, 1.897 देखो हर जगह पे बीटा का इस्तेमाल किया। अरे भाई ये तो आज का एवरेज बीटा है, इन्होंने 2012, 13, 13, 14, 14, 15 हर जगह में बीटा लिया, मतलब इन्होंने 3 साल का जो अलग अलग आर एफ है 666 ये आर एफ का इस्तेमाल किया इन्होंने, ठीक है, और आर एम माइनस आर एफ, आर एम भी जो 3 साल का अलग अलग आपने निकाला है, हमने निकाला था ना 3 साल का अलग अलग आर एम, 10.81, 16.33, 16.679, ये देखो आर एफ लिया और ये आपने आर एम हर साल का लेके, और बीटा फिर हर साल का आता, बीटा फिर ये क्यों लिया आपने, इन्होंने बीटा ये वाला लेके ये आर ही निकाला और एक्चुअल रिटर्न जो स्टॉक का रिटर्न है ये लिया और एक्शन बताया भाई से, तो ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था, मतलब चलो ठीक है इसको तो इन्होंने ले लिया ई आर, ठीक है ये एक्चुअल रिटर्न है, इसको इन्होंने आर ही मान लिया, तो जबकि ई आर आपका लेस देन आर ही, इन्होंने बोला सेल करो अल्फा नेगेटिव, मतलब ये क्या है, ये इन्होंने आर ही बोला है, ये एक्चुअल रिटर्न को ई आर माना है और यहाँ पर ई आर माइनस आर ही किया गया है, जहां पर बीटा का चीज जो मुझे थोड़ा सा कम समझ में बैठा, आप इसको मतलब इनका सही नहीं है तरीका, जो मुझे पूरा समझ में बैठा इनका तरीका सही नहीं करने का, ये आप याद करोगे ईयर वाइज जो ऑब्जर्वेशन है आईसीए के अनुकूल आपको याद करना पड़ेगा वो चीज, आपके पास कोई उपाय नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पर ये बोला गया कि इनके पास सब्सटेंशियल कैश फ्लो और आने वाले कुछ समय के बाद इनको एक्सपेंडिचर की जरूरत पड़ेगी, अभी इनके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है और इसलिए इन्होंने शॉर्ट टर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो अलग अलग चार अलग अलग सिक्योरिटी है, चार अलग अलग जगह पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए, नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा बता दिया उसका रेस्पेक्टिव बीटा, मार्केट प्राइस पर शेयर और एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड दे दिया, आरएम भी दिया हुआ है, आरएफ भी दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटेड टू डेट ऑफ द मार्केट, ये कैसे निकालेंगे, देखो मार्केट के रिलेशन में रिस्क कितना है वो आपको बताना है, तो आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिया हुआ है और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया हुआ है, तो इससे टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस से टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट में अब ये टोटल इन्वेस्टमेंट से आपको वेट्स पता चल जाएगा और वही वेट्स बीटा में लगाएंगे तो पोर्टफोलियो बीटा आएगा आपका, तो यहाँ पर दो चीज आएगा, एक तो आपका देखिए अलग अलग रिटर्न्स दिया हुआ आपको, देखो 19.5, 24, तो वो वेट्स क्या करेंगे, अगर इसी रिटर्न्स में वेट्स लगा देंगे तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा और इसी बीटा में हम वेट्स लगा देंगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, तो सिंपल रखना आपका वेट्स कैसे आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस, तो ये जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ना इसी से ही वेट आएगा, ये चारों का टोटल कर लो कितना हो रहा है और वो पहले वाला डिवाइड बाय टोटल आपका ये सारे वेट्स आ जाएंगे, तो वंस यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वेट्स निकालना, और ये वेट्स कैसे है इसका टोटल भी करना पड़ेगा आपको कितना आ रहा है, 257,400 डिवाइड बाय टोटल ये वेट आएगा, 233,600 डिवाइड बाय टोटल ये वेट आ जाएगा, ये वेट आ गया, अब यही वेट आप एक्सपेक्टेड रिटर्न में लगा दोगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड लिखा है मतलब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न है, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में लगा दोगे तो आपका पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोई प्राइस चेंज वगैरह का जिक्र नहीं, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, तो यहां पर आपका ये सारे जो रिटर्न्स दिए हुए हैं इस पे वेट लगाया हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा, और ये जो अलग अलग बीटा दिया हुआ इस पे हमने वेट लगाया तो आपका पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा,
तो आपका दो चीज आया यहाँ पर, पोर्टफोलियो रिटर्न, पोर्टफोलियो बीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर आपका आरएफ दिया हुआ 11 और आरएम दिया हुआ 19%। तो अगर आप देखोगे, मैं मेरे पास पोर्टफोलियो मुझे इतना रिटर्न दे रहा है 22.38%। अब मैं देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या, अगर ये बीटा हुआ तो आपका 1.46 का बीटा, आरए माइनस आरएफ 8 है, 8 × 1.46 प्लस 11, हमारे रिक्वायर्ड है 22.68 और ये हमें रिटर्न दे रहा है 22.38। तो यहाँ पर अल्फा हमारा नेगेटिव आएगा क्योंकि ईआर है 22.38 और आर ई आपका आर है 22.68 आपका, यानी यहाँ पर आपका जितना आपकी रिक्वायरमेंट है 22.68 उससे कम ही आपको ये पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं खराब है, हम बोलेंगे सेल करना पड़ेगा हमें कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट। बट आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना पता है, एज पर सीएपीएम मॉडल आप ये एजम्पशन ले लो कि यही अगर आर ई हुआ तो ऐसे सिचुएशन में ईआर को आर ई मानते हुए आप इसकी बेसिस में बीटा निकालो। जैसे आप देखो एग्जाम में यही करना, ईआर इक्वल आर ई मानना और ये ईआर आर ई हो जाएगा आपका और इसमें लिख देना आर एफ प्लस आर एफ माइनस आर एफ इंटू बीटा। तो मतलब अगर 22.38% को हम आर ई समझे तो ऐसे सिचुएशन में बीटा हमारा कितना होना चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम बीटा हमारा 1.42 होना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे जबकि बीटा आपका 1.46 है तो आपका ये मार्जिनली रिस्की है, कम मार्केट के कंपेरिजन में आपका ये प्रोजेक्ट रिस्की है, आपका ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है आपका रिस्की है। तो हमारा तरीका अलग होगा। देखो वैसे भी हम बोल सकते थे कि रिस्की है प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो रिस्की है, क्यों पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट नहीं पोर्टफोलियो रिस्की है, क्यों, क्योंकि आपका 22.38% आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है पर रिक्वायर्ड आपका 22.68% आ रहा था तो ये रिस्की हुआ। लेकिन हम इसके टर्म्स में नहीं बताएंगे, इसको आर ई पकड़ते हुए हम बीटा निकालेंगे और हम बताएंगे कि देखो बीटा आपका 1.46 है पर मैक्सिमम होना चाहिए 1.42, तो ये मार्जिनली रिस्की है पोर्टफोलियो, ऐसा करके बताएंगे क्योंकि इन्होंने भी रिस्क के पर्सपेक्टिव में पूछा है। तो हम रिस्क के पर्सपेक्टिव में बताएंगे कि पोर्टफोलियो का बीटा है इतना पर होना चाहिए इतना, तो उस हिसाब से ये रिस्की है यहाँ पर, तो ये आपने करा। फिर बोला कि बताओ क्या कॉम्पोजिशन ऑफ द पोर्टफोलियो आपको चेंज करना चाहिए क्या, हमसे ये पूछा गया। तो ये हम कैसे बताएंगे कि देखो इंडिविजुअली एक एक करके बताएंगे, तो इंडिविजुअली एक एक करके आपका यही तो ईआर है, ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड ही आपका ईआर 19.5 24 17 17.5 26 ये आपके जो ईआर हो गए। अब आर ई निकालो, आप एक एक करके आर ई निकाल सकते हो, यहाँ पर क्या करोगे, सबका अपना अपना बीटा दिया हुआ है और आर एफ और आर एम भी दिया हुआ है, तो आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा लगा देना, 11 प्लस 19 माइनस 11 इंटू ये बीटा लग जाएगा। देखो 11 प्लस 19 माइनस 11 तो सब में कॉमन है और सबका बीटा लगा दिया तो आर ई आ गया। तो यहाँ पर ई आर और आर ई को कंपेयर कर लो, पहले वाले में ई आर लेस देन आर ई है मतलब अल्फा नेगेटिव होगा आपका, अल्फा नेगेटिव का मतलब ही होता है कि हमें बेच देना चाहिए क्योंकि हमारा ये इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है क्योंकि एक्सपेक्टेड इतना मिलेगा पर मिलना चाहिए इतना, तो हम बोलेंगे कि बेचो। जब भी ई आर अल्फा नेगेटिव आता हम बोलेंगे कि बेचो, अल्फा पॉजिटिव आता मतलब और खरीदो और अल्फा जीरो आता मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता करेक्टली प्राइस है। अब देखो 24% है इन्वेस्टमेंट टू का लेकिन आर ई है 29.24%, तो यहाँ पर भी अल्फा नेगेटिव है मतलब बेचो। यहाँ पर 17.5% एक्सपेक्टेड है पर रिक्वायर्ड उससे भी ज्यादा है मतलब यहाँ भी बेचो। बस यहाँ पर आप देखो एक्सपेक्टेड रिटर्न 26% है और रिक्वायर्ड 23% है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे खरीदो। तो ये सारे स्टॉक्स बेच के आप ये खरीद सकते हो यहाँ पर, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन इस प्रकार बता देंगे यहाँ पर है ना, और ये थ्योरी यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जैसा आप रीड कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको वेट्स का इस्तेमाल करके पोर्टफोलियो रिटर्न पोर्टफोलियो बीटा निकालना है, फिर इसी को आर ई समझते हुए पता करो थ्योरेटिकली बीटा इतना होना चाहिए 1.42 है, 1.46 तो कंपैरेटिवली रिस्की है। फिर इंडिविजुअली ई आर तो आपके पास है, ये ई आर है आपका और आर ई आपने निकाल लिया और आपने बता दिया बाई की सेल, अल्फा नेगेटिव तो सेल अल्फा पॉजिटिव तो बाई, बात खत्म, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका। अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, हालांकि यहाँ पर कोई नया कंसेप्ट नहीं, कंसेप्ट जो सीखा वही है, बस यहाँ पर ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पार्टिकुलर क्वेश्चन के पैटर्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो ये भी हम फटाफट से रिवाइज करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा एक बार बड़ा कर देता हूँ, बाद में छोटा कर दूंगा ताकि स्क्रीन में आपको बड़ा दिखेगी। देखो क्वेश्चन नंबर 28, पोर्टफोलियो मैनेजर का 4 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, ये 4 स्टॉक है पोर्टफोलियो मैनेजर का, नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दिया अलग अलग, मार्केट प्राइस पर शेयर भी बता दिया, बीटा भी दिया है, बोला पोर्टफोलियो बीटा बताओ। तो भाई नंबर ऑफ शेयर्स में मार्केट प्राइस पर शेयर लगा दोगे तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ जाएगा है ना, इन्वेस्टमेंट वैल्यू सभी का आ गया, देखो 10,000 × 50 इन्वेस्टमेंट वैल्यू आ गया। इसी से आप वेट निकाल लो, आप टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, देखो 12 लाख हो रहा है, तो वेट्स क्या होगा आपका 5/12, 1/12, 2/12, 4/12, ये वेट्स हो गया आपका।
अब इसी बीटा में वेट लगा दोगे तो पोर्टफोलियो बीटा आ गया हमारा, तो पोर्टफोलियो बीटा आया हमारा 1.08 सॉरी पोर्टफोलियो बीटा हमारा 1.108। अब क्वेश्चन है देखो क्या बोला, पोर्टफोलियो बीटा पूछा हमने बता दिया 1.108। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इफ द पीएम सिक्स टू रिड्यूस द बीटा टू 0.8 हाउ मच रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट शुड ही ब्रिंग इन, मतलब आपको बीटा जो है ना 0.8 उसको आपको सॉरी बीटा जो 1.108 फिलहाल हमारा 1.108 है, हमें इसे रिड्यूस करके 0.8 में लाना है। तो क्वेश्चन बोला कि कितना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट आप लेके आओगे ताकि आपको बीटा 0.8 में पहुंचा देना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा जो है वो 0 होता है, हमें ये पता है। तो आप देखो दो सिचुएशन दिख रहा है, ये जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसका बीटा है 1.108 और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट का बीटा 0 होता है। तो दोनों में हम ऐसा वेट लगाए कि आपका बीटा बन जाए ओवरऑल 0.8। तो इसमें मान लो W लगा दूंगा और रिस्क फ्री में 1-W लगा दूंगा, या फिर रिस्क फ्री का वेट W हो जाएगा, इसका 1-W हो जाएगा, बात खत्म। तो आपका इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग यहां पर, चलो हम यहां पर क्या करते हैं, W किसका लिया वो मैं देख ले रहा हूं, पोर्टफोलियो का ले रहा, चलो ठीक है मैं इसको W ले रहा हूं, ठीक है पोर्टफोलियो बीटा का वेट W है और रिस्क फ्री का बीटा 0 है, इसको हमने 1-W ले लिया क्योंकि रिस्क फ्री का बीटा 0 होता है और दोनों का मिला के बीटा कितना होना चाहिए 0.8 होना चाहिए। तो आप देखिए आपका इक्वेशन कैसा बनेगा, पोर्टफोलियो का बीटा जो है 1.108 उसमें हमने वेट लगाना है, कुछ पता नहीं कितना इन्वेस्टमेंट करना, वेट W पकड़ लिया। RF का बीटा 0 होता है, उसको हमने 1-W का वेट दे दिया, टोटल आपका बीटा 0.8 होगा। तो इस प्रकार से W आपका निकल के आ गया 0.72 और 1-W आ गया 0.72 2.278। तो W 0.722 आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो पोर्टफोलियो में आपने 12 लाख का पैसा लगाया ना, इसका वेट होना चाहिए कितना 0.72, क्योंकि इसी को हमने W पकड़ा है ना पोर्टफोलियो को। तो यहां पर अगर ये 0.722 है तो ऐसे सिचुएशन में टोटल क्या होगा, यानी 12 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो में उसका वेट होना चाहिए 0.722, तो टोटल कितना होगा डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 0.722 कर दिया, 1662050 आया, तो मतलब डिफरेंस जो है वो आरएफ का इन्वेस्टमेंट होगा, बात खत्म। तो एकदम सिंपल है, बस ये इक्वेशन आप देख लो एकदम सिंपल है यहाँ पर। तो हमने बोला कि पोर्टफोलियो में जो पैसा लगाएंगे कितना लगाएंगे उसका डब्ल्यू वेट रखा, आरएफ का 1-W लगा, डब्ल्यू हमने निकाल लिया 0.722। अभी हमें पता चल गया जो 12 लाख रुपीज हमने पोर्टफोलियो में लगाया उसका वेट है 0.722, तो इसका कितना होगा आ जाएगा 12 लाख बाय 0.72 कर गया तो इसका हमने आ गया। तो यहां पर ये हो गया पॉइंट नंबर 3 भी कुछ इस प्रकार ही करना, इसका 1.2 होगा बस। तो इक्वेशन यही ही बनाना है आपको, बस इसकी जगह पे 1.2 हो जाएगा। देखिए ये देखो पोर्टफोलियो बीटा में वेट लगाया, आरएफ का बीटा में 1-W 1.2 आया, तो W आ रहा है 1.083। तो जो 12 लाख है ना ये इक्विवेलेंट टू 1.083 का वेट देंगे हम, तो 12 लाख डिवाइड बाय 1.083 करेंगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 1108033 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या पता, आप आरएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, आरएफ से बोरो करोगे, आप आरएफ से भी बोरो करके, यानी जो 12 लाख रुपीज है वो तो हम लगाएंगे, हम उल्टा आरएफ से और खुद का 12 लाख पूरा नहीं लगाएंगे, हम आरएफ से भी कुछ बोरो करेंगे पैसा। तो आप क्या करोगे, देखो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इतना और आपका पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट है 12 लाख, तो आप आरएफ में डाइवेस्ट करोगे, इन्वेस्ट नहीं, देखो डाइवेस्ट लिखा हुआ है 91967, हम डाइवेस्ट करेंगे मतलब आरएफ से बोरो करेंगे, मतलब हम 12 लाख रुपीज जो पोर्टफोलियो में पैसा लगा रहे सारा पैसा खुद का नहीं लगाएंगे, खुद का पैसा सिर्फ इतना ही लगेगा 1108033, ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा होगा, बाकी ये पैसा हम बोरो करके लगाएंगे आरएफ से। तो आई थिंक ये समझ में आ गया, ये क्वेश्चन आप अच्छे से जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आप जरूर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी मुझे पढ़ाना है, ये पढ़ाने से पहले आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी पढ़ाने से पहले और भी कुछ को छोटे छोटे डिस्कशन हमने कर रखे हुए वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है वो मैं आपको बता देता हूँ। कैपिटल मार्केट लाइन में इस वीडियो में आपको नहीं कराऊंगा, कैपिटल मार्केट लाइन को आपको सेपरेटली यूट्यूब में मिल जाएगा, 20 मिनट्स में मैंने ये पूरा अच्छे से कराया, तो ये बेहतर रहेगा, कैपिटल मार्केट लाइन आप यूट्यूब से देख लेना, अच्छे से मैंने वहां पर बताया है आपको, ठीक है शॉर्ट में बताना हुआ तो देख लेंगे लास्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, यस अब मैं आपको एक और छोटा सा एग्जांपल है वो आपके साथ डिस्कस करके उसके बाद हम आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में चले जाएंगे और फिर बाद में एक बार लास्ट में क्वेश्चन में को गो थ्रू कर लेंगे। तो अब देखिए यहां पर फेस वैल्यू बताया हुआ क्वेश्चन का 10 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स है 500 शेयर्स,
500 शेयर्स आपने खरीदा है, नंबर ऑफ शेयर्स जो 500 है वो आपने खरीदा 150,000 रुपीज देके। डिविडेंड इसमें दिया गया, डिविडेंड यील्ड नहीं लिखा हुआ, सिर्फ डिविडेंड लिखा हुआ 30% दिया गया। तो जो 30% डिविडेंड दिया जाएगा ना वो फेस वैल्यू में ही दिया जाएगा। तो 30% ऑफ 10 यानी 3 रुपीज का डिविडेंड होगा ये। मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2002 को हो गया 290। तो आप ये देखो आपने खरीदा कितने में था, 150,000 रुपीज में 500 शेयर्स खरीदा, तो एक शेयर का कॉस्ट आपका 300 आ रहा था। तो अब अगर आपसे रिटर्न पूछा जाए तो रिटर्न में दो चीज होता है, डिविडेंड क्या मिला और प्राइस चेंज। तो डिविडेंड तो हम बोलेंगे हमें 3 रुपीज मिला है, और प्राइस चेंज तो उल्टा गिरा है। 300 में हमने शेयर खरीदा था, 150,000 डिवाइड बाय 500 करो, 300 में हमने शेयर खरीदा, आज इसकी प्राइस 290 होगी, मतलब 10 रुपीज का कैपिटल लॉस है आपका, और 3 रुपीज डिविडेंड मिला, तो नेट लॉस आपका 7 रुपीज का -7 आएगा। तो -7 का आपका लॉस आया पर शेयर में जो आपने 300 रुपीज देके खरीदा, तो मतलब -2.33% आपका रिटर्न है। तो रिटर्न हमारे यहां पर क्या नेगेटिव है, रिटर्न हमारा 31 मार्च 2002 को हमारा रिटर्न नेगेटिव है। अब उसके नेक्स्ट डे 1 अप्रैल 2002 को इन्होंने हमें एक्सपेक्टेशन दिया, देखो ये एक्चुअल डाटा, तो ये रिटर्न भी आपका एक्चुअल हुआ, ये रिटर्न भी आपका एक्चुअल हुआ, क्योंकि आपके पास कॉस्ट है, ईयर एंड का मार्केट प्राइस है, और डिविडेंड भी कितना दिया बता दिया, तो एक्चुअल रिकल क्या आया ये। अब 1 अप्रैल 2002 को इन्होंने बोला कि डिविडेंड लाइकली है कि 35% दिया जाएगा, 35% दिया जाएगा फेस वैल्यू में, यानी 3.5 का डिविडेंड दिया जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। इसके अलावा बोला मार्केट प्राइस जो है वो कितना हो सकता है, बोला 220 भी हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 20% है। अच्छा हमने कुछ बदला है यहाँ पर, देखो ये वाला डेटा बदला है हमने, मैंने सॉल्यूशन 290 310 330 लिया है, ये अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, 290 310 330 हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ये तो क्या एक्सपेक्टेशन, एक्चुअल में हुआ नहीं, तो एक्सपेक्टेशंस में रिस्क भी आएगा, यहां रिस्क नहीं है, ये तो एक्चुअल रिटर्न है। तो एक्सपेक्टेड रिस्क आपका 290 310 330 कुछ भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या होगा, 35% ऑफ 10 3.5, और एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होगा, 290 में 20%, 310 में 50%, 330 में 30% लगाया, 312 का एक्सपेक्टेड प्राइस आया। तो प्राइस आपका क्लोजिंग 31 मार्च 2002 को 290, अब 300 नहीं रहा, 300 तो आपका ओपनिंग था, अब 290 हो चुका है, अब 290 से हमें लग रहा है आगे जाके प्राइस 312 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड प्राइस चेंज कितना दिख रहा है मुझे, 22 दिख रहा है, और डिविडेंड कितना दिख रहा है, 3.5, 22 और 3.5 यानी 25.5 का हम रिटर्न जनरेट करेंगे इंटू 100, और कहां से बढ़ रहा है, 290 से, क्योंकि अब 290 हो चुका है, तो 290 बेस रहेगा, यानी 8.79% हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब यहां पर आपका 8.79% एक्सपेक्टेड रिटर्न है। अब यहां पर आपको क्वेश्चन अगर रिस्क निकालने को बोले तो रिस्क भी निकालोगे, हालांकि मैंने ये करके नहीं दिखाया, आपको आता है, देखो अलग अलग प्राइस है, तो अलग अलग प्राइस के बेसिस में आप अलग अलग रिटर्न निकाल सकते हो। जैसे डिविडेंड तो हर केस में 3.5 ही रहेगा आपका, तो आप तीन अलग अलग रिटर्न निकाल सकते हो यहाँ पर, 3.5 आपका डिविडेंड रहेगा, 290 अगर आपका प्राइस हुआ तो प्राइस चेंज कुछ भी नहीं आया, आपका जीरो है। तो 3.5 by 290 into 100, ये फर्स्ट केस का आपका क्या हो गया, रिटर्न हो गया, फर्स्ट केस का रिटर्न हो गया। सेकंड केस का रिटर्न क्या हो जाएगा, 290 से 310 हुआ, 20 रुपीज बढ़ा प्लस 3.5, 23.5 डिवाइड बाई 290 into 100, ये सेकंड केस का रिटर्न हुआ, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी भी अलग अलग दी हुई। फिर 330 हुआ तो 43.5 डिवाइडेड बाय 290 into 100, तो तीन अलग अलग रिटर्न आएंगे, और तीन प्रोबेबिलिटी भी आपके पास है। तो तीन अलग अलग रिटर्न में, तीन अलग अलग रिटर्न में प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा, जो कि यही आएगा आपका। फिर x माइनस x बार होल स्क्वायर करोगे, वेरियंस से एस डी आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको एस डी पूछे तो एस डी भी आप निकाल लोगे आराम से, वो आपको आता है स्टाइल एकदम अच्छे से, जो एकदम स्टार्टिंग में बताया था ना, ये देखो अलग अलग रिटर्न में प्रोबेबिलिटी लगा के हम वेरिएंस निकाल सकते थे, है ना। वैसे यहां पर आपको तीन अलग अलग रिटर्न निकालना पड़ेगा, मैं काम करता हूं फिर से एक बार मैं बता देता हूं ये चीज, क्योंकि मुझे डर है कहीं आपका। देखो तीन सिचुएशन है, डिविडेंड तो तीनों सिचुएशन में एक्सपेक्टेड 3.5 ही है। अगर मान लीजिए 290 हुआ, ठीक है, प्राइस चेंज, तो प्राइस चेंज 290 हुआ तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं आपका, 290 जीरो रहेगा, तो हम क्या लेंगे, 3.5 प्राइस चेंज जीरो रहेगा तो 3.5 by 290 into 100 ये रिटर्न आ जाएगा। दूसरे वाले में 310 हुआ तो प्राइस चेंज 20 है, यानी 23.5 by 290 into 100, और इधर है 43.5 by 290 into 100, तीन रिटर्न आ गया ना। तो तीन रिटर्न में प्रोबेबिलिटी लगा दो
जो दिया हुआ है, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, यानी एक्स बार आ जाएगा आपका, फिर एक्स माइनस एक्स बार करके वेरियंस निकाल लोगे आराम से, क्या दिक्कत। अब बस ये ध्यान रखना, डिविडेंड अगर दिया हुआ है तो वो हमेशा फेस वैल्यू में लगता है, टाइम पीरियड नहीं होता है, लेकिन डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है तो वो मार्केट प्राइस में लगेगा, एज वेल एज कितना टाइम पीरियड में रिटर्न आ रहा है वो भी मायने रखेगा। अगर 6 महीने में आ रहा है तो 6/12 करोगे, लेकिन आपका फेस वैल्यू में जब आप डिविडेंड लेते हो तो कभी भी टाइम पीरियड को हम कंसिडर नहीं करते। फिर एक और आपका क्वेश्चन है, रिस्क फ्री रेट कैसे निकाला जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा हमारे क्वेश्चन बैंक में। देखो वो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए आरएफ मतलब वही है, रिस्क फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आपको मिलता है वही आरएफ है, और आरएफ भी तो चेंज हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का रिटर्न भी चेंज हो सकता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 7% ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो ट्रेड करेगा $140 में ट्रेड कर रहा है, मतलब इसकी करेंटली प्राइस क्या पता है, प्राइस इसकी 140 है, और 7% ट्रेजरी बॉन्ड का मतलब क्या पता है, कूपन 7% मिलेगा। हम ये मानेंगे इसकी फेस वैल्यू एज्यूम करेंगे, देखो हम ये एज्यूम करेंगे कि फेस वैल्यू तो $100 है, तो प्राइस आपका इतना, कूपन यहाँ पर मान लो कितना मिलेगा, 100 का 7% 7 मिलेगा, 7% का मतलब ये नहीं कि 140 में 7% मिलेगा, 7% फेस वैल्यू में मिलता है, हम एज्यूम करें 100 पे 100 फेस वैल्यू है, 100 का 7% कूपन 7, कूपन 7 है लेकिन प्राइस इसका 140 है, तो हम 7 रुपीज कमा रहे 140। अगर अगर कोई भी आज ये बॉन्ड खरीदेगा गवर्नमेंट बॉन्ड तो 140 रुपीज दे के बॉन्ड खरीदेगा और वो कमाएगा 7 रुपीज। मान लीजिए आज मैं 140 देके अगर खरीदता हूं तो मैं हर साल कितना कमाऊंगा, 7% कूपन कमाऊंगा 100 की फेस वैल्यू में 7 रुपीज, तो 7 कमाऊंगा 140 लगा के, 7/140 × 100 5% आ जाएगा आपका। तो ये देखो मैंने आरएफ यहां पर निकाला, तो आरएफ यहां पर 7% नहीं है, 5%, 7% तो ये कूपन है 100 की फेस वैल्यू में मिलेगा। अगर आपका $140 प्राइस है मतलब आपका आरएफ कितना है, 5% आपका, ये रिस्क फ्री रेट है 5%। आई थिंक ये समझ में बैठ गया आपको। तो क्रिटिकल लाइन इक्वेशन भी एक टॉपिक है जो हमें लास्ट में डिस्कस करना है, उससे पहले अब मैं आपको ये समझा देता हूँ आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी। आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी भी काफी सिंपल है अगर आप देखोगे। अब आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में आ जाते हैं, जैसे हमने अभी कैपिटल मार्केट थ्योरी जो पढ़ा था उसमें हमने एक ही रिस्क फैक्टर देखा था, बीटा। बीटा ही ओनली एक सिंगल रिस्क फैक्टर है जो सेंसेक्स या निफ्टी को ऐसे प्रॉक्सी मान लेते हैं, बीटा निकालते हैं। लेकिन आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी हमें ये समझाता है कि फैक्टर एक नहीं हो सकता, अनेको फैक्टर हो सकता है, और अनेको फैक्टर के अनेको प्रीमियम होने चाहिए, अलग अलग रिस्क प्रीमियम होना चाहिए। जैसे बोला इन्फ्लेशन भी फैक्टर हो सकता है, इन्फ्लेशन अलग अलग कंट्री में है, अलग अलग अगर मान लीजिए स्टॉक्स के हिसाब से जो इन्फ्लेशन जिसमें ज्यादा इफेक्ट होता है उस हिसाब से इन्फ्लेशन फैक्टर भी आएगा, उसका भी प्रीमियम आना चाहिए, बुक प्राइस, आपका इंटरेस्ट रेट्स, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड अभी आपको। तो आप देखिए सीएपीएम के हिसाब से तो आर इक्वल आर एफ प्लस आर ए माइनस आर एफ इंटू बीटा होता, बात खत्म। लेकिन एज पर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी, ये एआरपी नहीं एपीटी है, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व करता जो कि डिसाइड करता रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न। वो मल्टीपल फैक्टर क्या, बीटा, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, बुक प्राइस, फॉरेन एक्सचेंज, बहुत सारे फैक्टर्स के बेसिस में आपका रिक्वायर्ड डिटरमाइन होता है। तो इसलिए यहां पर एज पर आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी हम ईआर इक्वल आरईएम एज्यूम करते हैं। ये इक्वल क्या होगा बताए, आरएफ होगा प्लस रिस्क प्रीमियम, जो आर ए माइनस आर एफ को आप रिस्क प्रीमियम बोल सकते हो, इनटू फैक्टर वन का सेंसिटिविटी। फैक्टर वन सेंसिटिविटी मान लीजिए बीटा है, और फिर वापस से रिस्क प्रीमियम इनटू फैक्टर टू सेंसिटिविटी मान लीजिए जीडीपी है, फिर इनटू फैक्टर थ्री सेंसिटिविटी मान लीजिए इन्फ्लेशन है। तो ऐसा बहुत सारा फैक्टर हो सकता है। तो वही आप देखिए आर ई इक्वल क्या होगा, आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम इनटू फैक्टर वन, रिस्क प्रीमियम इनटू फैक्टर टू, ऐसे करके चलते रहेगा सिलसिला, ये सिलसिला आपका चलते रहेगा यहाँ पर। तो इसी के बेसिस में आप देखो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगता है आपके साथ डिस्कस करने चाहिए, तो वो क्वेश्चन अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो इसके लिए मुझे क्वेश्चन में जाना पड़ेगा एक बार डिस्कस करने के लिए। देखो एक 38 का भी क्वेश्चन है, 38 का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स हैं, और देखिए स्मॉल कैप ग्रोथ, अगर एक कैटेगरी की बात करूँ मैं, इसमें बोला तीन फैक्टर है, इसका बीटा 0.8 है, इसका 1.39, इसका 1.35 है, तीन अलग अलग फैक्टर है, और प्रीमियम भी दिया हुआ है सबका। तो हमारा एक का मैं निकालो, सिर्फ स्मॉल कैप का निकालो, आर एफ क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि 4.5 दिया हुआ है, तो 4.5 आर एफ आ जाएगा, प्लस आर ए माइनस आर एफ, ये प्रीमियम,
प्लस 6.85, इसमें सेंसिटिविटी लगा दो 0.80 का, फिर दूसरा वाला माइनस 3.5 इंटू 1.39 हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, फिर तीसरा वाला 0.65 का प्रीमियम ये रहा इंटू 1.35 लगा दो, है ना। तो ऐसे करके आपका वैल्यू जो है वो चार अलग अलग सिचुएशन में आएगा, देखो चार अलग अलग सिचुएशन का एक्सपेक्टेड रेट आएगा, ER इक्वल RE मानते हुए आएगा आपका चार। अब उसी में आप ये क्या करोगे, वेट लगा दोगे ना, उन्हीं चारों में वेट लगा दोगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियो का निकल के आ जाएगा, किसका पोर्टफोलियो का निकल के आ जाएगा, ये आपका मेथड वन था। फिर मेथड टू में बोला कि कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल से आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में तो एक ही फैक्टर होता है बीटा, तो यहां पर आप क्या करोगे पता है, 4.5 लोगे प्लस 6.85 इंटू 0.80, यही आपका आंसर खत्म कर देगा फिर, यानी एक ही फैक्टर लेना है आपको यहां पर, एक ही सिंगल फैक्टर लेना है। ये देखो पॉइंट नंबर बी में, ये तो दो अलग अलग मेथड, हम एक मेथड से कर लेंगे बात खत्म, इसका जरूरत नहीं है। तो देखो यहां पर आरएफ प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू बीटा फैक्टर वन वाला सब में लेके हमने चार निकाला, उसमें आपने प्रोबेबिलिटी लगा के एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल दिया, बात खत्म। तो कुछ भी नहीं था, ये तो आपको पता ही है। तीसरा वाले में बोला कि ये आपका टारगेट बीटा दिया हुआ, मतलब ये सिर्फ आपका कैपिटल मार्केट थ्योरी लगाना, सीएपीएम लगाना आपको। तो यहाँ पर देखो एक पोर्टफोलियो आप एक बनाना चाहते हो स्मॉल कैप वैल्यू और लार्ज कैप ग्रोथ का, और टारगेट बीटा है वन आपका, तो हम क्या करेंगे, स्मॉल कैप को डब्ल्यू वेट दे देंगे, इसको वन माइनस डब्ल्यू दे देंगे, और आपका टारगेट बीटा वन है, सबका इंडिविजुअल बीटा तो दिया हुआ, स्मॉल कैप का कितना बीटा है, स्मॉल कैप वैल्यू का बीटा है 0.9, तो डब्ल्यू इंटू 0.9 हो जाएगा प्लस वन माइनस डब्ल्यू आपका क्या है, लार्ज कैप ग्रोथ, लार्ज कैप ग्रोथ का है 1.165 और हमें डिजायर बीटा चाहिए वन, ये इक्वेशन बन जाएगा आपका यहाँ पर। ये देखो ये इक्वेशन बनाया आपने, अच्छा इनका बनाने का स्टाइल थोड़ा सा अलग टाइप से है, ये एक्स वन एक्स टू लिया मैंने, डब्ल्यू वन माइनस डब्ल्यू लिया 0.9, 1.165, देखो ये इक्वेशन को तोड़ोगे आपका वेट आ जाएगा, वेट आ जाएगा दोनों का। तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 में आप देखिए, टमरिन इंटेंट्स टू इन्वेस्ट इन इक्विटी सेट्स ऑफ ए कंपनी, वैल्यू डिपेंड करता है वेरियस पैरामीटर में। तो यहां पर देखो इन्होंने एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया हुआ और एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ, तो अब हमेशा ध्यान में रखना, मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, जो रिस्क प्रीमियम होगा ना वो एक्चुअल माइनस एक्सपेक्टेड होगा, ये आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। कुछ चीज में अगर आपको बता रहा हूं तो वो वैसे ही रखना, आप ध्यान रखना, अगर एक्चुअल वैल्यू बड़ा है एक्सपेक्टेड वैल्यू से तो प्रीमियम प्लस करोगे, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एक्चुअल वैल्यू लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू है तो प्रीमियम माइनस करोगे, बाकी इतना ज्यादा भी लॉजिक नहीं दे सकता, पहले दिया हुआ है तो आपको पता होगा। तो देखो एक्चुअल वैल्यू अगर ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा प्रीमियम प्लस करना है, एक्चुअल वैल्यू लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा तो प्रीमियम माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है, तो आपका यहां पर तो सेम है जीरो होगा, यहां पर ये ग्रेटर है एक्चुअल वैल्यू तो प्रीमियम प्लस होगा, यहां पर भी ग्रेटर है, हर जगह पे ग्रेटर है तो प्रीमियम प्लस होगा आपका। तो ये प्रीमियम हमारा निकल गया, प्रीमियम हमारा जो निकला है हम क्या करेंगे, सेंसिटिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे प्रीमियम को, ये जो बीटा है, बीटा ही तो सेंसिटिविटी है, अलग अलग का दिया हुआ है, तो हम क्या करते थे, हमारा था ही क्या तरीका, आर एफ है 9.25 प्लस रिस्क प्रीमियम 1 इंटू फैक्टर 1 सेंसिटिविटी, रिस्क प्रीमियम तो 0 है, 0 इंटू 1.20 होगा, प्लस आपका दूसरे का डिफरेंस है 1.5 इंटू 1.75 हो जाएगा, ये देखो दोनों का डिफरेंस 1.5, ये प्रीमियम है इंटू बीटा लगा दिया, प्लस इसका डिफरेंस है 1.25 इंटू बीटा लगा दिया 1.30, प्लस आपका ये 2 आ गया इंटू 1.70 लगा दिया, फिर 0.5 इंटू 1 लगा दिया, ये कर दिया आपका आरएफ आ गया। इसी चीज को मैंने थोड़ा सा बेहतर तरीके से सॉल्यूशन में प्रेजेंट किया है, मैंने देखो रिस्क प्रीमियम में ये सेंसिटिविटी लगा दिया तो मेरा टोटल रिस्क प्रीमियम आ गया, उसमें आरएफ जोड़ दिया, आंसर वैसे भी आएगा ऐसे भी, बस एक प्रेजेंटेशन की बात है, तो चीज सेम ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पर। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 40, ये मुझे आपको अच्छे से कराना है, यही एक क्वेश्चन बचा हुआ आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी में जो मुझे अच्छे से करवाना है आपको, एंड ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 40, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा नहीं तो दिक्कत होगा, और ये प्रैक्टिस जरूर से कर लीजिएगा। एक बार देखिए, मिस्टर एक्स एक पोर्टफोलियो ओन करता है जिसका फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है, सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी, और इसमें देखो दो बीटा दिया हुआ है, दो फैक्टर वन फैक्टर टू, यानी दो अलग अलग सेंसिटिविटी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों का सिक्योरिटी का है हमारे पास, आरएफ बता दिया 10%, आरएफ तो सबका ही है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न दोनों स्टॉक का दे दिया आपको, और देखिए सिक्योरिटी ए में भी दो सेंसिटिविटी, दोनों का आपको बीटा दिया हुआ है, सिक्योरिटी बी का भी दिया हुआ है। इट इज एज्यूम्ड दैट सिक्योरिटी रिटर्न्स आर जनरेटेड बाय टू फैक्टर मॉडल, दो फैक्टर वन फैक्टर टू है,
पॉइंट नंबर वन में क्या बोला, अगर मिस्टर एक्स के पास 1 लाख रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए एंड सेल शॉर्ट रुपीज 50,000 ऑफ सिक्योरिटी बी एंड परचेसेस 1,50,000 ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ मिस्टर एक्स पोर्टफोलियो टू द टू फैक्टर्स। तो इन्होंने आपका पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी पूछा है, पोर्टफोलियो बीटा पूछा भी समझ लीजिए। तो आप ये देखो यहां पर सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी का है ना, आपको अलग अलग पोर्टफोलियो का पूछा आपको, यानी सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी मिला के पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी पूछ रहा है। तो अगर आप ये बोलोगे मुझे यहां पर, तो देखिए फैक्टर वन सेंसिटिविटी जो है ये आपका सिक्योरिटी ए का 0.8 है, सिक्योरिटी बी का 1.5 है, फैक्टर वन सेंसिटिविटी। तो इसमें दोनों में कोई वेट लगाएंगे हम यहां पर, तब पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी आएगा, क्योंकि स्टॉक एक बार फैक्टर टू को भूल जाओ, एक बार समझो सिर्फ एक ही सेंसिटिविटी है, एक ही बीटा है 0.8 1.5, सिक्योरिटी ए का बीटा समझ लो 0.8, सिक्योरिटी बी का समझ लो 1.5। तो दोनों में अगर मैं वेट लगा दूं डब्ल्यू और 1-W लगा दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी आ जाएगा ना, पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा मेरा। तो वही बोला कि पोर्टफोलियो कैसे निकालोगे आप, बोला कि आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने क्या किया 1 लाख रुपीज होने के बावजूद ए में 1,50,000 लगा दिया, यानी ए का वेट क्या होगा पता, 1,50,000 बाई 1 लाख, और बी में आपने 50,000 शॉर्ट सेल किया, मतलब -50,000 बाई 1 लाख होगा आपका, यानी आपका जो वेट होगा वो ये देखिए यहां पर 1,50,000 बाई 1 लाख होगा और एक -50,000 बाई 1 लाख होगा, तो कुल मिला के 1 लाख ही हुआ ना आपका। तो मतलब आप क्या करो, आप सिक्योरिटी ए में को खरीद रहे हो है ना, और सिक्योरिटी बी को आप शॉर्ट सेल कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका डब्ल्यू वेट ऑफ सिक्योरिटी ए आएगा 1.5 और वेट ऑफ सिक्योरिटी बी आएगा -0.5। तो अब 1.5 और -0.5 जबकि हमारा आ गया, हम क्या करेंगे फैक्टर वन का पोर्टफोलियो बीटा निकालेंगे, इस पे हम लगाएंगे 1.5, इस पे हम लगाएंगे -0.5, और फैक्टर टू का जब हम पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी पोर्टफोलियो का निकालेंगे इस पे लगाएंगे 1.5, इस पे लगाएंगे -0.5 आपका आ जाएगा। ये तो पूछा है इन्होंने, देखो इन्होंने पोर्टफोलियो का पूछा है, पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी पूछा है, हमारा आ चुका आंसर ये देखिए आप 1.5 और -0.5 आपने बीटा में लगाया, पोर्टफोलियो का आ गया, बस बात खत्म। अब नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, पार्ट नंबर टू में क्या पूछा, बोला कि मिस्टर एक्स ने मान लो रुपीज 1 लाख और बोरो क्या रिस्क फ्री रेट से भी एंड इन्वेस्ट द अमाउंट ही बोरोस अलोंग विद द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख। इसके पास खुद के पास 1 लाख था, इसने आरएफ में भी 1 लाख बोरो कर लिया और ये सब मिला के सिक्योरिटी ए और बी में सेम प्रोपोर्शन में पैसा लगाता है जिस प्रोपोर्शन में इसने केस वन में लगाया था। तो केस वन में प्रोपोर्शन कितना था, 1.5 था और -0.5 था, तो यही प्रोपोर्शन होगा यहां पर भी। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर आप ये समझ जाइए इसके पास खुद के पास था 2 लाख रुपए अब है, क्योंकि आरएफ में भी तो इन्वेस्टमेंट किया है, पिछले वाले में तो उसके पास 1 लाख था, तो 1 लाख का 1.5 1,50,000 है और इधर -50,000 है, पर इधर 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो 1 लाख एक्स्ट्रा बढ़ने की वजह से इसके पास 2 लाख है, क्योंकि इसने आरएफ में भी 1 लाख बोरो कर लिया। तो ये क्या करेगा, सेम रेशियो बनाने के लिए 2 लाख इसके पास है, तो 2 लाख इंटू 1.5 ये 3 लाख रुपीज क्या करेगा पता है, ए में लगाएगा, सिक्योरिटी ए में 3 लाख लगाएगा और सिक्योरिटी बी में 1 लाख लोन लेगा, डाइवेस्ट है ना, शॉर्ट सेल करेगा, लोन नहीं शॉर्ट सेल करेगा सिक्योरिटी बी में, और आरएस से भी 1 लाख बोरो करेगा। तो अब ये देखो यहां पर इसके पास खुद के पास 1 लाख है, इसने आरएफ से बोरो किया 1 लाख, तो टोटल इसके पास 2 लाख रुपीज है। अब ये 2 लाख रुपीज जो है ये सिक्योरिटी ए और बी में सेम रेशियो में लगाएगा जैसे पहले लगाया था, तो 2 लाख इंटू 1.5 3 लाख हो रहा है और इंटू -0.5 आपका 1 लाख होगा, तो ये आपका रेशियो हो गया। तो आपका वेट्स क्या आएगा, वेट ऑफ ये आएगा 3 लाख बाई 1 लाख, टोटल खुद का पैसा तो 1 लाख ही है, खुद का ये 2 लाख नहीं, खुद का तो 1 लाख ही है, और वेट भी आएगा -1 लाख बाई 1 लाख और आरएफ का भी वेट आ रहा है आपका, तो टोटल वेट यहाँ पर भी 1 है, 3 -1 -1 ही आया आपका यहाँ पर, तो आरएफ का भी वेट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, यही वेट हम लगा देंगे, तो ये जो 3 -1 -1 आ रहा है यही वेट लगा देंगे किसमें, इसमें, इसमें लगाएंगे 3, इसमें लगाएंगे -1 और आरएफ का तो बीटा 0 है, इसमें लगाएंगे -1, तो इसी में 3 लगेगा, इसमें -1 लगेगा, इसमें -1 लगेगा, इधर भी इसमें 3 लगेगा, इसमें -1 लगेगा, इसमें -1 लगेगा, आ गया आपका आंसर। तो सेकेंड पार्ट का भी आंसर इसी प्रकार से आपका आ जाएगा, देखो 0.8 1.5 और 0 जो है ना, इसमें आपने वेट लगा दिया 3 -1 -1 3 -1 -1, तो फैक्टर 1 फैक्टर 2 दोनों का पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी निकल के आ गया हमारा, दोनों का पोर्टफोलियो सेंसिटिविटी निकल के आ गया हमारा। तो अब अगर हमारा निकल के आया, अब हमारा बस एक ही पार्ट बचता है, डेट इज हमारा
पॉइंट नंबर थ्री बचता है। पॉइंट नंबर थ्री में इन्होंने क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर टू, फैक्टर टू का एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम पूछा। अब आपको पोर्टफोलियो का नजरअंदाज करो, आप एक सिंगल सिंगल सिक्योरिटी की बात करो, सिंगल सिंगल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो आप एक बात सुनो, हमें रिस्क प्रीमियम नहीं बताया, फैक्टर टू में क्या रिस्क प्रीमियम मिलेगा, फैक्टर वन में क्या रिस्क प्रीमियम मिलेगा हमें नहीं पता, हम रिस्क प्रीमियम वन पकड़ लेते हैं, इसका फैक्टर टू का रिस्क प्रीमियम टू पकड़ लेंगे। तो सिक्योरिटी ए का अगर मैं इक्वेशन आपसे पूछूं तो सिक्योरिटी ए का इक्वेशन क्या आएगा, ई आर एफ 15%, इसी को आर ई मान लो, 15% इक्वल आर एफ प्लस आर एफ, कितना आर एफ दिया हुआ है क्या, यस 10 इक्वल 10 प्लस आर एफ माइनस आर एफ यानी रिस्क प्रीमियम वन इंटू फैक्टर वन यानी 0.80 ये देखो, प्लस रिस्क प्रीमियम टू इंटू फैक्टर टू 0.60 आ गया, ये इक्वेशन बना। सिक्योरिटी बी का इक्वेशन क्या बनेगा, 20% इक्वल आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम वन इंटू फैक्टर वन सेंसिटिविटी 1.50 प्लस रिस्क प्रीमियम टू इंटू फैक्टर टू सेंसिटिविटी, यही दो इक्वेशन हमारा यहाँ पर बनेगा। तो देखिए सिक्योरिटी ए का इक्वेशन बना, ई आर जो आ रही है आर एफ प्लस रिस्क प्रीमियम वन इंटू बीटा मान लो, रिस्क प्रीमियम टू इंटू बीटा। सिक्योरिटी बी में भी यही किया, रिस्क प्रीमियम वन इंटू बीटा, रिस्क प्रीमियम टू इंटू बीटा, जो मैंने वहां लिखा वही है। अब इसी इक्वेशन को तोड़ना है आपको, देखो तो यहां पर ये इक्वेशन ऐसा बन रहा है 5 और ये, अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है, हमें इन दोनों में से कोई वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ 0.60 है, यहाँ 1.20 है, तो मैं काम कर सकता हूं, मैं ये जो इक्वेशन है ना इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूं, मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो 5 बन जाएगा 10, दोनों साइड इक्वल से पहले इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 1.60, ये बन जाएगा 1.20, उससे क्या होगा अब ये 1.20 बराबर आ जाएगा। तो 2 को तो एज इट इज रख दो और 1 को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, उससे क्या होगा आरपी 2 तो पूरा 0 बन जाएगा, आरपी 1 का वैल्यू आया 0। अब ये आरपी 1 का जो वैल्यू आया इक्वेशन 1 में लगा दोगे तो आरपी 2 का वैल्यू आ गया 8.33%। तो रिस्क प्रीमियम फैक्टर 1 का 0 आया, रिस्क प्रीमियम फैक्टर 2 का 8.33 आया। तो अब अगर हम फैक्टर 2 का पूरा रिस्क प्रीमियम, क्वेश्चन ने पूछा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम पूछा है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन ने पूछा है फैक्टर 2 का एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम, तो एक्सपेक्टेड हमारा कितना रहेगा रिटर्न प्रीमियम, तो ये देगा 8.33%, ये हमें देगा फैक्टर 2, और फैक्टर 2 में आपका क्या सेंसिटिविटी है, फैक्टर 2 का क्या सेंसिटिविटी है, फैक्टर 2 का तो ये सिक्योरिटी ए का 0.6 है, सिक्योरिटी बी का 1.2 है, इससे मल्टीप्लाई कर दो बात खत्म। तो प्रीमियम को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखो स्टॉक ए का अगर हम बात करें, स्टॉक ए का रिस्क प्रीमियम 8.33 है और बीटा है ये, तो आपका प्रीमियम आ गया है ना, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम होगा यहां पर, ठीक है। मैंने नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत डिटेल में मैंने समझाया, पर मैंने एक बार फटाफट से आपका पहले से पढ़ा हुआ तो एक बार मैंने रिवाइज करा दिया। ये क्वेश्चन टफ है थोड़ा सा, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वेट्स यहाँ पर 1.5 माइनस 0.5 था, मैंने वही बोला कि आपको पोर्टफोलियो का सेंसिटिविटी निकालना है, तो फैक्टर वन अलग से निकालोगे, यहाँ पर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी भी नहीं, यहाँ पर पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर वेट लगाया आपका आंसर आया। सेम यही पैटर्न में हमने पार्ट टू में किया, पार्ट थ्री में बस आपको ये ध्यान रखना आरपी वन आरपी टू आपने निकाला, अब इसमें आपको सेंसिटिविटी निकालना है। आरपी वन का तो 0 है तो पूरा रिटर्न प्रीमियम 0 आएगा, और फैक्टर 2 का ही पूछा है तो फैक्टर 2 का एक जगह तो 0.60 सेंसिटिविटी है, सिक्योरिटी में 1.20 है, तो इसी में प्रीमियम मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिटर्न प्रीमियम 5/10 आ जाएगा, बस बात खत्म। तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकली आप एक बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके समझ में भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से एक बार। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बस मैंने लिख रखा हुआ है, एसडी बाय मीन इन 200 है, कैपिटल बजटिंग में हमने देखा है, आप एसडी बाय कैश फ्लो भी ले सकते हो, एसडी बाय एनपीवी भी ले सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में। तो ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ाई दिया, इधर का सारा पढ़ा दिया, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी भी पढ़ा दिया, अब बस आपको क्रिटिकल लाइन इक्वेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा, और उसके बाद कोई क्वेश्चन अगर कुछ रहेंगे कुछ एक्स्ट्रा से कुछ बताने लायक क्वेश्चन बैंक में तो वो बस मैं आपको बताऊंगा, फिर हमारा खत्म ही है, लगभग पोर्टफोलियो खत्म ही है फिर हमारा। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है मैं इसको एक बार बड़ा करना चाहता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं। यहां पर देखिए इस क्वेश्चन में 3 सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज ए बी एंड सी, और आपने इन्होंने 2 पोर्टफोलियो बना के रखा है,
एक पोर्टफोलियो एक्स बना के रखा हुआ है, जहां पर मान लीजिए सिक्योरिटी ए में, मान लीजिए राम ने पोर्टफोलियो एक्स बनाया, जहां पर वो सिक्योरिटी ए में 30% पैसा लगा रहा है, सिक्योरिटी बी में 40% पैसा लगा रहा है, सिक्योरिटी सी में 30% पैसा लगा रहा है। श्याम ने पोर्टफोलियो बनाया जहां पर वो सिक्योरिटी ए में 20% लगा रहा है, सिक्योरिटी बी में 50% लगा रहा है, सिक्योरिटी सी में 30% लगा रहा है। और इन्होंने बोला कि ये जो दोनों पोर्टफोलियो मिनिमम वेरियंस सेट ऑफ ए पॉपुलेशन ऑफ थ्री सिक्योरिटीज है, मतलब ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का वेट है। या तो वेट ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालते थे, वेट ऑफ एक्स में लेते थे, वेरियंस ऑफ वाई माइनस को वेरियंस डिवाइडेड बाई वेरियंस ऑफ एक्स माइनस को वेरियंस प्लस वेरियंस ऑफ वाई माइनस को वेरियंस, याद एकदम स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो दो स्टॉक का वहां पॉसिबल होता था, ये तीन स्टॉक का यहाँ पर, तो तीन स्टॉक का बात कर रहा है। और ये हमसे पूछा कि बताओ वेट बताओ ईच स्टॉक ऑफ ए पोर्टफोलियो का, यानी वेट बताओ आपका अगर 5000 आपने एक्स में लगाया, 3000 पोर्टफोलियो वाई में लगाया, यानी इसमें 5000 रुपीस आपने लगाया, इसमें 3000 लगाया, इसका मतलब क्या आपने 30% सिक्योरिटी ई में लगाया, मतलब 1500 लगाया सिक्योरिटी ए में 5000 का, 5000 का 2000 सिक्योरिटी बी में लगाया, 1500 सिक्योरिटी सी में लगाया, और वही 3000 में से भी सिक्योरिटी में 600 लगाया, 50% 1500 इधर लगाया और 30% 900 इधर लगाया, तो सिक्योरिटी ए में कुल मिला के आपने 2100 लगाया, टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट हुआ 8000, उसमें से 2100 सिक्योरिटी ए में लगाया, सिक्योरिटी बी में 3500 लगाया, सिक्योरिटी सी में 2400 लगाया, तो आपका वेट आ जाएगा, सिक्योरिटी ए का वेट क्या होगा 2100 बाई 8000 इनटू 100, 3500 बाई 8000 इनटू 100, 2400 बाई 8000 इनटू 100, ये देखो आपका वेट आ चुका। ये तो यही वेट जो आया इसको आई थिंक शायद आईसीए ने राउंड ऑफ किया, मेरे ख्याल से ये 27 ले लिया, आई थिंक मुझे याद नहीं ये 44 ले लिया क्या, नहीं ये 26 लिया, ये 44 लिया है ना, राउंड ऑफ भी किया हुआ। यस ये देखो इन्होंने इसको 0.26 पकड़ा, इसको 0.44, इसको 0.30, मतलब बता दिया ईच सिक्योरिटी का क्या वेट होगा, मतलब अगर आप 5000 3000 पैसा लगाओगे तो ईच सिक्योरिटी का क्या वेट होगा, तो ये तो सिंपल था। पॉइंट नंबर टू में क्या बोला, सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट रुपीज 4000 आउट ऑफ रुपीज 8000 इन सिक्योरिटी है, तो टोटल 8000 में से बोला मान लो 4000 अपने सिक्योरिटी ए में लगाया, तो मतलब ये कि वेट ऑफ सिक्योरिटी ए 0.50 हो गया, क्योंकि 50% में से, क्योंकि आप समझिए 8000 का 50% 4000 तो अपने सिक्योरिटी ए में लगा दिया, तो वेट ऑफ सिक्योरिटी ए कितना हो गया 0.50 हो गया। अब हमें ये बोला गया कि बी और सी का वेट बताओ, तो बी और सी का वेट जो होगा वो आपका टोटल 0.50 होगा, क्या क्या होगा नहीं पता, बट आपको मैं एक शॉर्टकट बताऊं, देखो वेट ऑफ सी तो दोनों केस में 0.30 दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अनचेंज, ये 0.30 रहेगा और वेट ऑफ बी फिर 0.20 आएगा, आंसर ये होना, ये हमें पता ही चल गया, आंसर 0.5 0.2 0.3 होगा, क्योंकि इसका हर केस में 0.3 है तो 0.3 आएगा और 0.2, ये देखो आंसर आपका वही आने वाला, वेट ऑफ ए 0.5 है, वेट ऑफ बी 0.2 है और वेट ऑफ सी आपका 0.3 वही रहेगा आपका, लेकिन हमें ऐसे मार्क्स तो मिलेगा नहीं, हमें क्या करना है थोड़ा सा प्रेजेंट करना तब हमें मार्क्स मिलेगा, तो इसके लिए आईसीए का तरीका अगर मैं बताऊं तो आईसीए का तरीका में क्रिटिकल लाइन इक्वेशन है जो आपको याद करना, अगर आईसीए के स्टाइल में करोगे, मेरे स्टाइल में करोगे तो आपको याद नहीं करना है, यहाँ पर मैंने अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है, बट उससे क्या पता मार्क्स मिले ना मिले, उससे भी मिल जाएगा मार्क्स, आंसर तो निकले गई, बट आप अगर आईसीए के स्टाइल में करोगे तो आपको ये याद करना पड़ेगा। आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि वेट ऑफ बी क्या होगा पता है, इक्वल होगा ए प्लस बी वेट ऑफ ए, इक्वल होगा ये वाला इक्वेशन आपको ध्यान में रखना, तो आपका वेट ऑफ एक तो आपके पास है ही 0.50, आपको वेट ऑफ बी निकालना है, तो आप पोर्टफोलियो एक्स पोर्टफोलियो वाई इसमें ये इक्वेशन बैठाएंगे, तो वेट ऑफ बी आपको क्या, देखो पोर्टफोलियो एक्स में वेट ऑफ बी है 0.40, 0.40 डाला, ए प्लस बी तो हमें पता नहीं और वेट ऑफ ए कितना है 0.30, तो देखिए 0.40 ए प्लस 0.30 बी आ गया, ये इक्वेशन बैठाया। पोर्टफोलियो वाई में भी ये इक्वेशन बैठाया, पोर्टफोलियो वाई में आपका वेट ऑफ बी है 0.5, वेट ऑफ ए 0.20, तो 0.5 ए प्लस बी 0.20 आया, तो ये दो इक्वेशन बना अगर इसमें मैंने बैठाया तो अब इसको तोड़ा तो मेरा बी का आंसर आ गया -1, मेरा बी आ गया -1, फिर वापस से इसको तोड़ा मैंने बी का 1-1 लगाया तो मेरा ए भी आ गया 0.70, तो बी -1 आ गया, ए 0.70 आ गया, अब इसमें बैठा दो तो डब्ल्यू बी इक्वल क्या होगा ए प्लस बी डब्ल्यू ए, ए मेरे पास है 0.70, बी है -1 और वेट ऑफ ए तो हमारे पास है 0.50, तो 0.70 माइनस 0.50 यानी 0.20 आपका वेट ऑफ बी आ चुका है यहाँ पर, और वेट ऑफ सी क्या होगा आपका वो 0.30 ही होगा रिमेनिंग आपका, आप ऐसे भी बोल सकते हो 1-0.5-0.20 ये आपका आ जाएगा आराम से, तो ये बस इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है, आप उसको बैठाओगे आपका आराम से आ जाएगा, अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग से करोगे फर्स्ट वाला तो वैसा ही है मेरा अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वाले में मैंने बस वही थोड़ा सा मैंने ये समझा के करवाया है,
अगर आपको मन है तो आप ये देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि सेपरेटली भी इसका वीडियो मैंने समझाया हुआ डाला हुआ है, आप ये देख के ही समझ जाओगे। तो मैं इसमें टाइम अभी खराब नहीं करना चाहता और मैं बोलूंगा आपके लिए अगर पॉसिबल हो तो ये वाला तरीका से कर लेना, आई से भी खुश हो जाएगा ज्यादा, इसमें भी मार्क्स मिलेंगे। बट छोड़ो, सार्प ऑप्टिमाइजेशन पोर्टफोलियो का मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिख रखा हुआ, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि इसका वीडियो मैंने यूट्यूब में डाल रखा हुआ, किसी को देखा है तो अब उसका लगभग ये फॉर्मूला बस अब ध्यान में रखें। सो सार्प ऑप्टिमाइजेशन जैसे कि मैंने कहा, आप इसको फॉर्मूला देख लीजिए और यूट्यूब में इसका वीडियो आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, है ना, इतना इंपॉर्टेंट है। कैपिटल मार्केट लाइन ऑलरेडी मैंने सेपरेटली 20 मिनट्स का वीडियो मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है जहां पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया, पर यहां पर भी मैं आपको शॉर्ट में बस बता दूंगा। मैं आपको ऐसे वहां पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उसका, शॉर्ट में भी मैं बता दे तो अगर आपने वो देख रखा हुआ तो आप देखिए। अगर मान लीजिए आपने जैसे मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते, जैसे हम अलग अलग स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट करते, मान लीजिए हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया सेंसेक्स निफ्टी में, तो मार्केट में भी हमने इन्वेस्टमेंट किया और मान लीजिए हमने रिस्क फ्री बॉन्ड्स में भी इन्वेस्टमेंट किया, हमने रिस्क फ्री जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है दोनों में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो ऐसे सिचुएशन में वो लेंडिंग पोर्टफोलियो बनता है। लेंडिंग पोर्टफोलियो में हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट में इन्वेस्टमेंट दोनों किया तो वो लेंडिंग पोर्टफोलियो कहलाता है। लेकिन अगर हमने मान लीजिए रिस्क फ्री में बोरोइंग किया है, मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपीज खुद के पास है, मैंने क्या किया 5,000 रुपीज और रिस्क फ्री से भी बोरो कर लिया, टोटल कितना हो गया 15,000 हो गया, और वो 15,000 रुपीज फिर मैंने मार्केट में पैसे लगा दिए, तो मार्केट में मैंने खुद के तो पैसे लगाए साथ में रिस्क फ्री से भी बोरो करके और ज्यादा मार्केट में पैसे लगा दिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, बोरोइंग पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो आप देखो आरएफ में और आरएम दोनों में आपने इन्वेस्टमेंट किया कॉम्बिनेशन, वो लेंडिंग पोर्टफोलियो है। आपने आरएफ से बोरो किया है और आरएम में ज्यादा पैसे लगा दिए जितने हमारे पास है, आरएफ वाले भी पैसे हमने यहाँ पर लगा दिए, तो वो बन जाता है आपका क्या, बोरोइंग पोर्टफोलियो बन जाता है आपका। अब कैपिटल मार्केट लाइन का इक्वेशन जो है वो क्या है, जैसे हम ऐसे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते हैं, हम ये मानते हैं सीएपीएम का एजम्पशन में मानते हैं ईआर इक्वल आरई, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकालते हैं, आरएफ प्लस आरए माइनस आरएफ इनटू बीटा। लेकिन कैपिटल मार्केट लाइन का जो इक्वेशन रहेगा वो ध्यान रखना, वो होगा ईआर इक्वल आरएफ प्लस आरए माइनस आरएफ इनटू बीटा, नहीं होगा बीटा की जगह पे आप लगाओगे एसडीओ पोर्टफोलियो बाय एसडीओ मार्केट, है ना, ये एसडीओ पोर्टफोलियो बाय एसडीओ मार्केट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। तो ये फर्क है आपका, यानी यूजुअली आरएफ प्लस आरए माइनस आरएफ इनटू बीटा लगाते हैं, बट कैपिटल मार्केट लाइन का इक्वेशन होगा आरएफ प्लस आरए माइनस आरएम इनटू एसडीओ पोर्टफोलियो बाय एसडीओ मार्केट, ये आपको बस ध्यान में रखना है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन भी था यहाँ पर आपका, कैपिटल मार्केट लाइन का एक क्वेश्चन क्या, एक एमसीक्यू था, तो बोला कि कैपिटल मार्केट लाइन थ्योरी में पोर्टफोलियो लाइंग ऑन द सीएमएल ओवर द मार्केट पोर्टफोलियो, बोला मार्केट पोर्टफोलियो के ऊपर अगर लाई करता है उसे हम बोरोइंग पोर्टफोलियो बोलते हैं, वो बोरोइंग पोर्टफोलियो होगा। अगर अंडर लिखा हुआ रहता तब लैंडिंग पोर्टफोलियो होता, जबकि ओवर एंड एबो उस लाइन के ऊपर है तब ये बोरोइंग पोर्टफोलियो होगा। लेकिन आई से एक आंसर है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जो मुझे थोड़ा सा कम हजम हो रहा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बोरोइंग पोर्टफोलियो इसका आंसर होना चाहिए, और मैं चाहूंगा एग्जाम में भी बोरोइंग पोर्टफोलियो ही लिख के आऊं। अगर अंडर शब्द रहे तब लैंडिंग पोर्टफोलियो हो जाएगा, ये एग्जाम्पल मैंने ये सब वहां पर सिखाया हुआ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में। अब एक और क्वेश्चन जो है, ये अच्छा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा, फिर इसके अलावा और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है वो भी हम फटाफट देख लेंगे, कुछ अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको बताने लग रहा तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो हमारे क्वेश्चन बैंक में 34, 35, 36 में दिखाऊंगा आपको आगे। वो क्वेश्चन का सोल्यूशन पहले आईसे का रॉन्ग ही था, हमने बताया भी था वहां पर, तो इवन लिखा हुआ भी रॉन्ग कंसेप्ट आप याद कर लो, पर आईसे ने रिसेंट एक आरटीपी में एक क्वेश्चन में इसको ठीक किया था। तो आपको एग्जाम में भी इस प्रकार ही करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखिए यहाँ पर अब क्लाइंट जो है वो होल्ड करता है फॉलोइंग सिक्योरिटीज, बताया इक्विटी शेयर जी एस और बी में आपने इन्वेस्टमेंट किया, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड भी है, यानी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी है, मतलब ये रिस्क फ्री सिक्योरिटी है। कॉस्ट बता दिया आपको, डिविडेंड दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, बीटा दे दिया आपको। अब बीटा देखो इसका 0.01 ही है सिर्फ, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी में रिस्क ना के बराबर रहता है इसलिए 0.01 लिखा हुआ, हालांकि ये 0 माना जाता है अदरवाइज। तो पूछा हमसे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आप बताओ, तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम ये जीओआई बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो आप देखो जीओआई बॉन्ड जो है वो आपने 72,000 रुपीज में खरीदा था, आपका कॉस्ट था कितने का 72,000 का, आपने अर्निंग कितना किया, आपने 5,060 का आपको इंटरेस्ट मिला है, और आपका मार्केट प्राइस जो 72,000 कॉस्ट लगा था उसका मार्केट प्राइस 71,980 हो गया, तो आपका कैपिटल लॉस हुआ है 20 रुपीज का, और आपने डिविडेंड कमाया यानी इंटरेस्ट कमाया 5,060 का, तो 5,060 माइनस 25,040 आपने अर्न किया, 5,040 आपने कमाया 72,000 लगा के, 5,040 बाय 72,000 इनटू 100 आपका 7% आ गया। तो पहले वाला तो आई गया रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7% है हमारा,
ये सिंपल तरीके से हमने निकाला, हमने देखा कि जीओआई बॉन्ड में हमने कितना कॉस्ट लगा, कितना रिटर्न कमाया, परसेंटेज निकालिए, 7% आ गया, बस बात खत्म। फिर नेक्स्ट आगे पॉइंट नंबर टू में पूछा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बताओ ईच सिक्योरिटी का यूजिंग सीएपीएम मेथड। सीएपीएम मेथड लगा के आपको ईच सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड क्या निकालना पड़ेगा, रिटर्न निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल आर ही मानते हैं सीएपीएम के हिसाब से, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। क्या निकलेगा, आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा होगा, ये हमें पता है। तो अब यहां पर आप देखो आर एफ तो आपने ऑलरेडी निकाल ही लिया है, आर एम आपको निकालना पड़ेगा, यहां पर आर एम निकालना पड़ेगा, उसके बाद बीटा भी आपका सबका दिया हुआ है, इस सिक्योरिटी का बीटा भी दिया हुआ है, बट आर एम मिसिंग है, तो आर एम हम कैसे निकाले। तो अब देखो हम आर एम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, आर एफ हमारे पास है, हम पोर्टफोलियो का बीटा निकालेंगे और पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। तो जब हम पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे, आर एफ हमारे पास होगा, पोर्टफोलियो का बीटा हम निकालेंगे, तो हमारा आर एम बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, सभी का रिटर्न निकालो। जैसे जी लिमिटेड का अगर आप बोलोगे, जी लिमिटेड में 20,000 कॉस्ट लगा है, 1450 डिविडेंड मिला है और आपका 400 का कैपिटल लॉस भी है, यानी 1050 आपने कमाया। देखो रिटर्न ये 1050 आपने रिटर्न कमाया। एस लिमिटेड की अगर आप बात करोगे, आपका 30,000 का कॉस्ट था, 30,400 हो गया, मतलब 400 कैपिटल गेन और 1400 आपने कमाया। और बी लिमिटेड की अगर हम बात करें, बी लिमिटेड में आपने 1400 डिविडेंड मिला और इधर 4000 यानी 5400 आपने कमाया। और जीओआई बॉन्ड का तो मैंने आरएफ निकालने के लिए ऑलरेडी देखा ही था, 5040 आपने कमाया। तो कुल मिला के रिटर्न आपने कमाया 12890, सभी स्टॉक्स को मिला ले, सभी सिक्योरिटीज को मिला ले, तो चारों मिला के आपका रिटर्न कितना, 12890 का आपने रिटर्न कमाया। कितना पैसा लगा के, ये सारे पैसे लगा के, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ कॉस्ट, 150,000 का कॉस्ट लगा के आपने 12890 कमाया। तो आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या, 12890 डिवाइड बाय 150,000, ये आपका पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न है। पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा आ गया। अब हमें क्या चाहिए, पोर्टफोलियो बीटा चाहिए। तो सभी बीटा में वेट्स लगा दो आप, है ना, सभी बीटा में हम क्या लगाएंगे, वेट्स लगा देंगे, यहाँ पर हम बस बात खत्म। तो सभी बीटा में आप वेट लगाओगे, पर ये ध्यान रखना, बीटा में जो आप वेट लगाओगे वो हमेशा अभी हम आज का अभी का बीटा निकालना चाहते हैं। तो हम अगर मार्केट प्राइस दिया हुआ नहीं रहता तब हम कॉस्ट का इस्तेमाल करते वेट लगाने के लिए, लेकिन अगर मार्केट प्राइस डेटा दिया हुआ है तब आप कॉस्ट का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करोगे। तो बीटा आप मार्केट प्राइस के हिसाब से वेट आइडेंटिफाई कर लीजिए, या फिर आप 19,600 डिवाइड बाय 153,980 इनटू 0.6। तो हर क्वेश्चन में ध्यान रखना, अगर मार्केट प्राइस का इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तब कॉस्ट हम वेट निकाल सकते हैं, बट अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ तो मार्केट प्राइस को प्रायोरिटी देंगे हम यहाँ पर। तो इससे हम बीटा निकालेंगे, है ना। तो 0.6 इनटू 19,600 डिवाइड बाय 153,980 ऐसे करके हम पोर्टफोलियो बीटा भी निकालेंगे। ये देखो सभी का लगा दिया, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का भी, सभी का लगा के हमने निकाला 0.364 का बीटा है। तो ये आपका बीटा किसका है पता है, ये पोर्टफोलियो बीटा है आपका। तो अब देखो यहां पर आपके पास पोर्टफोलियो का रिटर्न क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमें पता है ईआर इक्वल आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इनटू बीटा होता है। तो पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारे पास है 8.593%, आरएफ है 7, आरएम बैलेंसिंग फिगर हमें निकालना है, आरएफ है 7 और बीटा हमने 0.364 निकाल रखा हुआ है, तो आरएम आ जाएगा आपका आराम से, जो बैलेंसिंग फिगर है आरएम आया 11.376%, तो आरएम भी आपका आ चुका है। तो वंस आरएम आ गया, अब ईच सिक्योरिटी का बोला ना, ईच सिक्योरिटी का आपको निकालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ईच सिक्योरिटी का आरएफ क्या, आरएफ तो ये रहेगा 7, आरएम भी हमारे पास आ गया ये, तो देखो आरएफ 7 ही है, आरएम भी सबका 11.376 है माइनस 7, बस सभी सिक्योरिटी का बीटा लगा दो, 0.6 0.8 0.6, ये बीटा लगा दिया हमारा, ईच सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल है, वापस से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो आपने आरएफ निकालने के लिए सिर्फ जीओआई बॉन्ड का इस्तेमाल करना है और टोटल पोर्टफोलियो का रिटर्न ये आ जाएगा आपका, रिटर्न से कर लोगे। फिर आप क्या करोगे, बीटा पोर्टफोलियो बीटा लगाने के लिए वेट इनटू बीटा, वेट इनटू बीटा कर लोगे आपका आ जाएगा, लेकिन मार्केट प्राइस वाला से वेट निकालना और फिर आपका आरएम निकल जाएगा, फिर आप ये निकालोगे, बस बात खत्म। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको फटाफट से करवा दिया एकदम अच्छे से, ये क्वेश्चन भी हमारा डन होता है। अब हम क्या करते हैं, एक बार क्वेश्चन बैंक में जाते हैं और क्वेश्चन बैंक में जाके हम देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर और छूटा हुआ है जो आपके साथ डिस्कस करना है तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। स्टार्टिंग से देखते जाते कौन से क्वेश्चन कुछ अगर बचेगा लगेगा, कितने सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी डिस्कस करा दिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है। देखिए
ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट मैंने टेलीग्राम में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ हमारे रिवीजन नोट्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आप खुद से गो थ्रू कर लेना, मैंने गो लिखा हुआ है, सिर्फ खुद से गो थ्रू कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन जो है, ऐसा क्वेश्चन भी अब आपका आराम से हो जाएगा, हमने कंसेप्ट को रिलेशन को एफिशिएंट रिस्क पोर्टफोलियो करा हुआ है, तो ये आराम से हो जाएगा आपसे, दिक्कत वाली ये वाला बस गो थ्रू कर लेना, अदरवाइज ये भी जरूरत नहीं, आराम से हो जाएगा, आप गो थ्रू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन रख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 5 को प्रैक्टिस के लिए रख सकते हो आप, या फिर क्वेश्चन नंबर 5 को प्रैक्टिस के लिए रख लो अगर चाहो तो, या फिर नहीं रखना है तो ठीक है मत रखो आप, क्वेश्चन नंबर 6 जरूर से पी देखो प्रैक्टिस कर लेना। ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस करवा दिया था आपको, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी, हमने अपने एक रिवीजन में डिस्कस कर लिया था ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल में, 7 जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 आप प्रैक्टिस कर लेना बस, एक क्वेश्चन बीटा निकालने का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, मैंने बीटा निकालना तो सिखा दिया था, कोवेरियंस बाय वेरियंस ऑफ मार्केट। फिर आपका ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप बस गो थ्रू कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स लाइन आपको याद है, अल्फा प्लस बीटा इंटू रिटर्न ऑफ द मार्केट, सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक निकालने बोला, सिस्टमेटिक आपका क्या आएगा पता है, मार्केट के एचडी में बीटा लगा लेकिन स्क्वायर वाला, नेट रिस्की होता है पर वो वेरियंस में होता है, यानी बीटा स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ मार्केट सिस्टमेटिक होता है, अनसिस्टमेटिक होता है वेरियंस ऑफ एरर टर्म, लेकिन आपको यहाँ पर जरूरत नहीं, यहाँ पर आपका ए का जब आप एवेल्युएट करोगे तो ए का रिस्क आएगा ना, एस डी ऑफ एक्स आएगा, ए का रिस्क आएगा तो ए का वेरियंस भी आएगा आपका, तो टोटल रिस्क से जो वेरियंस आएगा वही ए का टोटल रिस्क है, तो ए का वेरियंस निकालोगे, वेरियंस में से आप सिस्टमेटिक रिस्क माइनस कर देना, अनसिस्टमेटिक आ जाएगा क्योंकि टोटल रिस्क वेरियंस में आएगा आपका, तो जो वेरियंस ऑफ ए है उसमें से सिस्टमेटिक माइनस कर दो कि अनसिस्टमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये आईसीए का तरीका अलग है, हमारा तरीका भी आईसीए जैसे ही पर थोड़ा सा डिफरेंट है ना, ये इन्होंने भी वैसे ही किया, देखो सेम तरीका ही यहाँ पर भी, ठीक है सेम तरीके हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम ही है आपका, बीटा और वो सेम क्वेश्चन ही, आपको यहाँ पर डिस्कस कराने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा लिया, आप देख लेना, करवाया था अभी हमने रिवीजन करते समय क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 12 ये आप प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन नंबर 13 भी मैंने करा दिया था, प्रैक्टिस कर लेना, मैंने एग्जाम्पल में करा दिया था आपको याद होगा, मैंने करवा दिया था ऐसा क्वेश्चन आपका, ठीक है। 14 नीड नहीं है सब क्वेश्चन, 15 भी आप देख लेना, देखना चाहो तो, 16 मैंने करवा दिया था, इसका जो मेन क्रक्स है वो मैंने करवा दिया था ऑलरेडी, 17 भी मैंने करवा दिया था आप लोग को, 18 आप गो थ्रू कर लेना एक बार, बस खाली गो थ्रू कर लेना एक बार, 18 आप जरूरी लगे तो एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, 19 मैंने करवा दिया था रिवीजन में, 20 भी आप बस गो थ्रू देखने से हो जाएगा आपका, यहाँ पर बस गो थ्रू कर लेना 20 जो है देखने से हो जाएगा, 21 भी चाहो तो गो थ्रू कर लेना, 22 भी गो थ्रू करना है, 21 करो नहीं करो 22 गो थ्रू जरूर करना है, इसका थर्ड वाला पार्ट सिस्टमेटिक रिस्क का, ये गो थ्रू कर लेना आप, 23 इतना खास नहीं है, 24 भी आप गो थ्रू कर सकते हो चाहो तो, इससे इतना जरूरी नहीं है, 25 भी नहीं लगता इतना जरूरी है, 26 मैंने इसका मेन पार्ट जो है करवा दिया था मैंने आपको, इसका मेन पार्ट जो है ना, तो ये आपको मैंने डिस्कस कराया था रिवीजन में, एक पार्ट जो था वैसे करके डिस्कशन कराया था, अब ये कर लेना, गो थ्रू कर लेना, जी लिख दो यहाँ पर, अब गो थ्रू कर लेने क्वेश्चन, प्रैक्टिस ही कर लेना, चलो प्रैक्टिस ही कर लेना ये वाला क्वेश्चन, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो, प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 27 भी प्रैक्टिस कर लेना, पी प्रैक्टिस लिखा हुआ है प्रैक्टिस कर लेना, 28 मैंने करा दिया था प्रैक्टिस कर लेना, रिवीजन में करवा दिया था मैंने क्वेश्चन, साफ रेशियो तो मैंने करवा दिया था, जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे रिवीजन में करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 31 जरूर से प्रैक्टिस करना, डिटेल रिवीजन में मैंने अलग से करवाया था, क्या कोई सिंपल क्वेश्चन है ये आपका सारा, ये सब मैंने सिखाया हुआ है, साफ रेशियो ट्रेनर रेशियो ये आप आराम से कर लोगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 32 करवा दिया था, 31 जरूर से कर लेना, ठीक है। 33 भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार, प्रैक्टिस नहीं भी करोगे तो गो थ्रू कर लेना एक बार, प्रैक्टिस नीचे गो थ्रू कर, ये 34 35 36 जो मैंने अभी कराया था ना वही क्वेश्चन का है जो मैंने अभी करेक्ट वे में करने को बोला आपको, 37 गो थ्रू कर लेना आप, 38 वाला जो क्वेश्चन है, 38 वाला क्वेश्चन जो है ये आपको मैंने बताया नहीं था क्या सर, बता दिया था सभी वाला क्वेश्चन भी, यस ये वाला क्वेश्चन भी बता दिया था मैंने, हाँ लिख के तो कराया था सर, बता दिया था ये वाला क्वेश्चन भी, थर्टी नाइन फोर्टी भी मैंने करवा दिया था, 42 भी अच्छा क्वेश्चन था करवा दिया था, 43 मैंने कहा ही था,
आपको ये साप ऑप्टिमाइजेशन वाला यूट्यूब से करना चाहो आप कर सकते हो, 44 खाली गो थ्रू कर लेना आप। और इसके अलावा इलस्ट्रेशन में तो कुछ खास वैसा क्वेश्चन है नहीं। एक और क्वेश्चन जो है वो खुद से गो थ्रू कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे मैंने सेपरेटली करवाया वही क्वेश्चन पहले आरटीपी में डिस्कशन करके करवाया वही क्वेश्चन, वही क्वेश्चन क्लास में भी करा था हमने। क्लास में हमने बिजनेस वैल्यूएशन में किया था जहाँ तक मुझे याद है, पोर्टफोलियो में भी किया था क्लास में, दोनों जगह करवाया था। तो ये क्वेश्चन जरूर से कर लेना आप। वही एसेट बीटा इक्वल वो वेट इंटू इक्विटी बीटा, वेट इंटू डेट बीटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप कर लेना। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी कुछ अगर आपको दिखे, मैंने जो जो इंपॉर्टेंट था बता दिया वो आप कर लेना, कुछ कराने लायक वैसा है नहीं। एंड हमने लगभग सभी चीज़ हमने कवर किया है। चलो, तो आज हमारा पोर्टफोलियो का रिवीजन सेशन हमारा खत्म होता है। कोई क्वेश्चन में दिक्कत लगे तो मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिएगा, फिर हम उसका सेपरेट वीडियो ले आएंगे जरूरत पड़ी तो।